एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 11th एंड 12th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और ये गुड न्यूज रिवील हो चुकी है, क्लास 12th बायोलॉजी का वन शॉट रिवीजन आज हम करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि टर्म 2 में टोटल आपको 6 चैप्टर आने वाले हैं। धीरे धीरे एग्जाम तक हम सारे चैप्टर, उनके MCQs, मतलब MCQs तो नहीं आने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। घबराना मत, टेंशन मत लेना। वन शॉट रिवीजन जो मैं आज आपको कराने वाली हूं, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर ये गारंटी है कि ये वन शॉट करने के बाद बेटा आप स्कूल एग्जामिनेशन में भी टॉप कर लोगे। ये वन शॉट रिवीजन करने के बाद आप नीट का भी हर सवाल सॉल्व कर लोगे। सो दिस इज द परफेक्ट। अगर आप ये वन शॉट पढ़ लेते हो तो आपको बुक छूने, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, गारंटी है। थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैंने इस वन शॉट में सब कुछ कंप्लीट किया है। एग्जैक्टली मैं ये कहूं कि ये वन शॉट रिवीजन नहीं है, ये बेसिकली पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि वन शॉट में तो हम कंटेंट को छोटा कर देते हैं, पर यहाँ पर मैंने कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। क्योंकि आपको पता है कि शिप्रा मैम अगर कोई काम कर रही है तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली कर रही होंगी। सो बेटा इतना विश्वास रखो और मेरे साथ पढ़ते जाओ। ना तुम टर्म 2 में फोड़ कर आए बायोलॉजी में, ना तुम्हारा नीट में एक भी जो है सवाल इसमें गलत हो गया तो मैं कहना ही गया, बोलो सारे ही सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। सो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने वन शॉट रिवीजन में इसको चुना है। चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसा कि इस चैप्टर में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, हेल्थ एंड डिजीज के बारे में है। फिर चैप्टर के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, फिर चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, फिर चैप्टर में हम पढ़ेंगे HIV के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज के बारे में, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ड्रग्स बताऊंगी, एल्कोहलिज्म बताऊंगी, विड्रॉल सिम्टम बताऊंगी, एडिक्शन किसी को हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होंगे, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वन शॉट रिवीजन का बिगिन या आगाज करते हैं। सो आज की कहानी जो आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी में, पहला जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट, डिजीज क्या होता है। देखिए आपको थ्योरी लिखी है, आप धड़ाधड़ थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कोई टेंशन नहीं है। मैं थ्योरी एक्सप्लेन करने यहां पर नहीं आई हूं, मैं आपको कंसेप्ट धड़ाधड़ समझाते जाती हूं। डिजीज का मतलब यह होता है, डिजीज का मतलब होता है ईज। अगर आपको किसी भी प्रकार का ईज फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज डिजीज। क्लियर है मेरी बात आपको बच्चों? सो अगर आपको किसी भी प्रकार का बॉडी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, देन दिस इज कॉल्ड एज डिजीज। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये किसी पैथोजन से होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन बेटा, क्या होता है पैथोजन का मतलब? मैम पैथोजन का मतलब होता है आपका डिजीज कॉज, ओहो ठीक है, पैथोजन का मतलब क्या होता है मैम? पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। सो ये समझ में आई आपको बात? एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट इन टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज डिजीज। इट कैन कॉज बाय एनी टाइप ऑफ जो है बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, किसी भी तरीके से हो सकती है। बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं आपके पैथोजन, पैथोजन क्या होते हैं? जो पैथोलॉजी क्रिएट करते हैं बेटा, थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि वन शॉट है। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिससे जैसे आप जाते हैं ना पैथोलॉजी, हमको फलाना डिजीज बताओ कौन सी हुई है, तो पैथोलॉजी में आप क्या डिटेक्ट करवाने जा रहे हैं कि किस एजेंट से आपको बीमारी हुई है। सो पैथोजन जो आपकी पैथोलॉजी क्रिएट करे, पैथोलॉजी का मतलब होता है जो आपको बीमारी क्रिएट करे। समझ में आई बात? अच्छा बहुत सारे बच्चों को दिखता नहीं है ऐसे, आई होप दिस इज विजिबल, है ना, ब्लैक कलर से लिखती हूँ उसमें। सो तो ये आपको समझ में आया कि पैथोजन जो पैथोलॉजी क्रिएट करे, इसी को डिटेक्ट कराने जाते हो आप लेबोरेटरी में। जो कोविड है ये एक प्रकार का पैथोजन है जो आपके शरीर में पैथोलॉजी क्रिएट करता है। क्या पैथोलॉजी क्रिएट करता है? आपको बुखार आता है, ठीक है, आपको और क्या होता है कोविड में यार, आपका गला जो है थ्रोट कंजेशन लगता है, ये सारे इसके सिम्टम्स है। सो पैथोजन जो पैथोलॉजी क्रिएट करे, पैथोजन इज द डिजीज कॉजेटिव एजेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट इन टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज डिजीज। ईज फील हो रहा है, डिजीज बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, दो प्रकार की हो सकती हैं। शिप्रा मैम वही है, वैसे ही पढ़ाएगी, मजे करवा करवा के, टेंशन नहीं लो। डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप। डिजीज कितने प्रकार की हो सकती है बेटा? दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? जो फैल जाती है, समझो बात को, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? जो फैल जाती है, क्लियर है? तो वो डिजीजेज जो फैल जाए उन्हें हम कहते हैं
ए इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब कि खांस दिया ठीक है, छींक दिया, तो ये जो है आपके हवा में आ जाती हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं इनको, और फिर ये दूसरे को भी हो जाती हैं। जैसे SIV भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये फैल जाती है। पर अगर मैं बात करूँ कैंसर की, किसकी बात करूँ बेटा, कैंसर की, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स इन सब चीज़ों से नहीं फैलती। सो इन्फेक्शियस डिजीजेज वो डिजीज होती हैं जो फैल जाती हैं, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज वो डिजीज होती हैं जो नहीं फैलती हैं। क्लियर है? चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो फैलती हैं। ओके, एक पर्सन टू पर्सन फैल जाती हैं, ठीक। इन्फेक्शियस डिजीज आपको आई होप क्लियर हो गया, नॉन इन्फेक्शियस क्लियर हो गया। इन्फेक्शियस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट जो है वो अलग अलग प्रकार का, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे धड़ाधड़। इन्फेक्शियस डिजीज के कॉजेटिव एजेंट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज, प्रोटोजोअल डिजीज, फंगल डिजीज और हेलमिंथिक डिजीजेस। क्लियर है? तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले हम कौन सी बात करेंगे, बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीजेस क्या होती हैं, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी पढ़नी है आपको, टाइफॉइड पढ़ना है आपको, ठीक है, और आपको निमोनिया पढ़ना है आपको। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको डिसेंट्री इन सब चीज़ों के बारे में भी बता दूंगी, टेंशन नहीं लेना। सो इन्फेक्शियस एजेंट जो फैलते हैं वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, इट में भी बैक्टीरिया, इट में भी वायरस, इट में भी प्रोटोजोअल, इट में भी हेलमिंथिक। आपको वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड के बारे में आपके NCERT बताती, तो हमें ये डिजीज पढ़ना है। प्रोटोजोअल डिजीज में आपको मलेरिया और अमीबियासिस दोनों पढ़ने हैं, और फंगल डिजीज में आपको रिंगवर्म पढ़ना है, हेलमिंथिक डिजीज में आपको एस्कैरियासिस और फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर कौन कौन सी लिस्ट आपको करनी है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो चलिए पहली इन्फेक्शियस डिजीज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड के बारे में आप लोगों को मैं एक कहानी बताती हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जिसका एक जो है औरत थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ओके, ध्यान से सुनिए, ठीक। एक लेडी थी, ठीक है, जिसका नाम था टाइफॉइड मैरी, आपके NCERT में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ था। वो कुक थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। टाइफॉइड मेरी जो एक कुक थी, बड़ी गंदी आदतें थी उसकी, अजीबोगरीब, पॉटी करके हाथ नहीं धोती थी, तो उसको मान लो टाइफॉइड रहा होगा। अब उसकी पॉटी से टाइफॉइड का बैक्टीरिया बाहर निकल रहा था, उनने बहन जी ने धोई नहीं पॉटी अच्छे से, हाथ नहीं धोया, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो क्या नाम से बैक्टीरिया था टाइफॉइड का, वो जो है लगा हुआ था, ठीक है। टाइफॉइड जिस बैक्टीरिया से फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। क्लियर है? साल्मोनेला टाइफी। क्लियर है? साल्मोनेला टाइफी से आपका टाइफॉइड नाम का जो है इन्फेक्शन होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्लियर है? सो टाइफी में, ठीक है, टाइफॉइड मेरी जो थी ये कुक थी, जो कि बहुत ही गंदी हरकतें थी उसकी, तो वो हाथ नहीं धोती थी और खाना बना देती थी, तो बेसिकली ये जो इन्फेक्शन था खाने के थ्रू बहुत सारे जो है उनके फैमिली को होता जा रहा था। बाद में पता चला कि उसको इन्फेक्शन था, तो भैया उसको जो है पुलिस के हवाले किया गया, पर भी उसकी हरकतें फैली नहीं और उसने करीब 17 से 18 लोगों को टाइफॉइड का इन्फेक्शन कर दिया। सो टाइफॉइड मेरी जो थी वो कैरियर थी इसकी। क्या थी बेटा? कैरियर थी। तो आपको ये समझ में आया कि किसी भी प्रकार की जो है गंदगी, ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ मैम कि फीको ओरल रूट से इसका इन्फेक्शन हो रहा है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि गंदा खाना, गंदा पानी पीने से टाइफॉइड का इन्फेक्शन होता है। टाइफॉइड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके बैक्टीरिया आपको गंदे खाने और गंदे पानी में मिलते हैं। क्लियर है? अगर मान लीजिए फीकल मैटर से बैक्टीरिया रिलीज हो रहा है तो पानी में आ जाएगा, अगर उस पानी को आप प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर आ सकता है। क्लियर है? सो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से, गंदे खाने और गंदे पानी से फैलता है। कॉजेटिव एजेंट है इसका साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इसका पूरा नाम एग्जैक्टली होता है बेटा साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। क्लियर है इतनी बात? साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से होने वाला इन्फेक्शन, जिसे हम टाइफॉइड कहते हैं, उसी टाइफॉइड मेरी के नाम पर टाइफॉइड इन्फेक्शन रखा गया गंदी हरकतों की वजह से। तो आपको ये इसीलिए लोग कहते हैं कि शौच के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाखूनों के बीच में फंसे होते हैं और आप दूसरों को वो इन्फेक्शन दे सकते हो। लल्ला, ठीक है, तो ये नहीं करना। ओके, चलो नाउ
अब आपको ये समझना है कि ये जब गंदे पानी के थ्रू ये जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये फिर आपके ब्लड में भी आ सकते हैं। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से आप भोजन को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद आप उसको ब्लड में लाते हो, ब्लड के माध्यम से पूरे न्यूट्रिएंट को भेजाते हो। सो बेसिकली अगर आप न्यूट्रिएंट जा सकता है तो अगर आपके इंटेस्टाइन में टाइफॉइड का बैक्टीरिया पड़ा होगा तो वो नहीं जाएगा क्या? डेफिनेटली जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें मैम? कुछ नहीं करें, अब इंतजार करें, ठीक है? इसीलिए गंदा खाना, गंदा पानी, पानी पूरी वाले का यहाँ पे टाइफॉइड भरा हुआ है और आपने जाके पानी पूरी धसक ली तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है बेटा। तो बचना है अपने को इस चीज से, ओके? गंदा खाना, गंदा पानी से दूर रहिए, और खासकर बच्चों उन चीजों से दूर रहिए जो ठंडी रहती है। गर्म चीजें तो आप खा सकते हैं बाहर की, पर ठंडी चीजें जैसे पानी पूरी हो गया, सैलड हो गया, दही वाली चीजें ये मत खाया करिए, क्लियर है? पर मैं कितना भी बोलती ना हूं, टाइम टेबल बनाया तो बोल रही मैम हमको आप बायोलॉजी वाला टाइम टेबल दियो, क्या करूं मैं? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसके सिम्टम क्या है? देखो बेटा, कभी भी एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जनरल चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है? जो उसका स्पेसिफिक सिम्टम होता है ना उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नीट का भी एक बहुत ही पॉपुलर वो रहता है कि बकवास चीज़ है भैया, फीवर, वॉमिटिंग, उल्टी सबको होता रहता है, पर उसका स्पेसिफिक सिम्टम क्या है आइए देखते हैं, ठीक है? सिम्टम में आपको कॉन्सिस्टेंट हाई फीवर होगा, ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मतलब इसको आप स्टार मार्क करिए, ठीक है? आप नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ प्रॉपरली, आप रजिस्टर में सारे नोट्स बना लो और फिर जब एग्जाम के समय धड़ाधड़ पढ़ो, ठीक है? इसमें आपको कंसिस्टेंट हाई फीवर होगा, फीवर उतरेगा नहीं, आपको वीकनेस लगेगी क्योंकि ऑब्वियसली इंटेस्टिनल इंफेक्शन है, आपको स्टमक पेन होगा, ठीक है? आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। देखो भैया सीधी बात, अगर इंटेस्टाइन में कोई इंफेक्शन हो रहा है तो आपको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम शुरू होंगी और इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में स्टमक पेन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है? पेट में मरोड़ पैदा होगी, ठीक है? क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है और उस जहर की वजह से जो बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पूरी बॉडी में भी फैलता जा रहा है। जो टॉक्सिन साल्मोनेला टाइफी निकाल रहा है, वो टॉक्सिन जो आपकी बॉडी में लल्ला फैल रहा है मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, उसकी वजह से आपको कंटिन्यूसली फीवर चढ़ा हुआ रहता है। सीवियर अगर मल्टीप्लीकेशन रेट साल्मोनेला टाइफी का बहुत 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 ज़्यादा हो जाए तो इंटेस्टिनल या इंटेस्टाइन में छेद भी हो सकता है, फ्लूइड लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है। सो दो चीजें जो आपको याद रखनी है टाइफॉइड में, ये दो सिम्टम है, कंसिस्टेंट हाई फीवर और इंटेस्टिनल परफोरेशन इन द एडवांस केसेस, ठीक है? तो क्या हुआ, किसने बोलेगा, बोलेगा किसने फैलाया? साल्मोनेला टाइफी ने, साल्मोनेला टाइफी है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ठीक है? आपको टाइफॉइड मैरी के बारे में बताया, सिम्टम बताया, कैसे फैलता है ये आपको बता दिया, क्लियर है? आगे बात करते हैं, टाइफॉइड इज अ वेरी खतरनाक इंफेक्शन, ठीक है? अच्छा, इसका एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, जो उसमें लिखा नहीं है पर मैं आपको बताऊंगी, इसका डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है? ये भी बहुत ही पॉपुलर है कि किस मेथड से हम टाइफॉइड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो विडाल टेस्ट से हमने टाइफॉइड को टेस्ट करना है, क्लियर है? विडाल टेस्ट जो है इससे हम टाइफॉइड को टेस्ट करते हैं, क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीजेज में हम बात कर रहे हैं न्यूमोनिया के बारे में। किसके बारे में? न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया जो है, निमोनिया जिसको हम कहते हैं, ये अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया से हो सकता है, इवन निमोनिया वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीजेज के बारे में बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं कि निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है। तो बेटा निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। देखो बेटा ध्यान से सुनो, वन शॉट रिविजन है तो ऑब्वियसली थोड़ा तेज चलेगा, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकती, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रॉपरली स्लाइड में लिख कर आई हूँ और प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगी। दूसरी बात यह है कि दिस इज नॉट अ वन शॉट रिविजन, दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट, ये आप कह सकते हैं, ठीक है? सो इसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं है, इसको पढ़ने के बाद आपको अपनी बुक उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, इससे बड़ी गारंटी क्या लूँ? बस थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, शिप्रा मैम है, आपको टर्म टू में बढ़िया नंबर मिला दिलवाएंगी, और खासकर ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट, तो नीट में भी यही कॉन्टेंट आने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि नीट में कोई बहुत अलग सी चीज़ आने वाली, चील के पत्ते आने वाले, तो नहीं, यही सब चीज़ आता है बेटा, आपको अलग थोड़ी कुछ आना है, ये समझो बात को ध्यान से, ठीक है? नीट वीट सब क्वालिफाई करके बैठी हूँ मैं, तो आपको यही गाइडेंस देती हूँ कि जैसा क्वेश्चन आने वाला है वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो, अंडर बंडर जो है चीज़ों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा कट टू कट बातें करो, कट टू कट पढ़ो, क्लियर है?
नाउ निमोनिया जो है वो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से हो सकता है, ठीक है। पहला जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाम से ही काम छुपा है लल्ला। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कोई टेंशन नहीं है, पूरे नंबर आ जाएंगे, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है SHE, ध्यान से सुनो, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है SHE, ठीक है, और कोकाई का मतलब होता है गोल। तो ये जो बैक्टीरिया है ये आपको ऐसा गोल दिखाई देगा और वो हमेशा ऐसा चेन में आपको लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से ये बैक्टीरिया फैलता है। एक और बैक्टीरिया जो हमें फैलाता है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब इन्फ्लुएंजी से नाम को लगेगा कि मैम ये वायरल इन्फेक्शन है, पर ना मुन्ना ना, दिस इज नॉट अ वायरल इन्फेक्शन, दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी लगेगा, बहुत मन करेगा कि वायरल लिख दे, हम वायरल लिख दे, पर वायरल मत लिख के लाना, अंडा बटा सन्नाटा हो जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिससे आपको निमोनिया हो सकता है। और निमोनिया बेटा जी ना ज़्यादातर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बचपन में मुझे बड़ा निमोनिया होता था, मेरे घर वाले अंडे खिला खिला के जो है तो ऐसी के कम तैसी करते, जबकि हूँ ब्राह्मण फिर भी अंडा खाया निमोनिया के चक्कर में, गर्म होता ना अंडा, ऐसा कहते थे। अब इसमें होता क्या है, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि जो आपका एल्वियोलाइज होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं वहाँ पर जो है फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो कि एल्वियोलाइज जो होता है वहाँ पर क्या भर जाता है, वहाँ पर फ्लूइड भर जाता है जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। जैसे ये एल्वियोलाई है ना, तो एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाएगा तो जो गैसेज एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस ले भी लोगे तो भी अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन पहुंचना है वो एल्वियोलाई से ही पहुंचना है ना बेटा। अब वहां पर तुमने कोई पानी भर दिया, कोई फ्लूइड भर दिया, म्यूकस भर दिया, तो ऐसी कंडीशन में गैस जो है वो ब्लड में नहीं जा पाएगी और वेस्ट गैस जो है एल्वियोलाई में नहीं आ पाएगी। ऐसी कंडीशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और शरीर जो है वो ग्रेश नीला हो पाएगा। मेरे यहां कुछ बच्चे हैं जिनको निमोनिया बहुत ज्यादा होता है और उनकी तो आंखें वाखें भी अजीब सी होने लगती है, क्लियर है। तो ये होता कैसे है, किसी भी, क्लियर है, एल्वियोलाइज के, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, ये भी आप नोट डाउन अच्छे से करिएगा कि निमोनिया कैसे होता है, एल्वियोलाइज के ब्लॉक हो जाने की वजह से होता है, क्योंकि एल्वियोलाइज में फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा, क्लियर है। अगली बात ये है लल्ला कि ये होता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है, किसी भी, दिस इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एरोसोल इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब ये कि ये इन्फेक्शन एयर में होता है, ठीक है। अगर आप किसी के मुंह में मुंह घुसा के अच्छी कर रहे हैं तो उसको हो जाएगा, अगर खांस रहे हैं उसके मुंह में घुसा के तो हो जाएगा। किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो निमोनिया का रुमाल लिया हुआ, और अगर आपने मुंह में अपने रुमाल घुसा लिया तो आपको हो सकता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन जिसको लग रहा है, वैसे भी यार इतना कोविड वायरस देख चुके हो तो आपको दूर ही रहना चाहिए लोगों से, ठीक है। तो दिस इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्लियर है। तो निमोनिया ऐसे होता है, डन है बच्चों जी, आगे बात करें। अब ऑब्वियसली लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्वियसली लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो इसमें सिम्टम क्या कह सकते हैं, बुखार, ठीक है, ठंड, खांसी और हेडेक। और ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम कि शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने की वजह से आपका जो शरीर है वो ब्लूइश और ग्रेश होने लगता है। उंगलियां जो होती हैं वो नीली पड़ने लग जाती हैं, जो आपको बताता है कि हाइपोक्सिया हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो रही है डिफरेंट पार्ट्स में, क्लियर है। सो दिस इज द निमोनिया। आगे बढ़े, वन शॉर्ट रिवीजन है, थोड़ा तेजी चलेगा बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। नाउ विल मूव टू द कॉमन कोल्ड, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि निमोनिया में, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने क्या देखा बच्चों जी, मैडम हम लोगों ने ये देखा कि निमोनिया में आपका जो लंग्स का एल्वियोलाई है वो इन्फेक्ट हो रहा है, पर आप कॉमन कोल्ड में देखो है ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही डिसऑर्डर, पर बात ये है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर होने के बावजूद लंग्स के अंदर नहीं जाता, क्लियर है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन करता है और एंटीबायोटिक देने पर ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है। और ये जिस ग्रुप ऑफ वायरस से होता है उसे हम कहते हैं राइनोवायरस, राइनोसोरस नहीं, ठीक है, राइनोवायरस मतलब नाक से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही, ठीक है, इसका इन्फेक्शन होता है, ओके, ध्यान से समझिएगा। जनरली ये किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, नेजल एपिथीलियम, ठीक है, नेजल एपिथीलियम मतलब नेजल पैसेज में जो कवरिंग्स होती हैं उनको ये इन्फ्लामेट करता है, उन पर ये इरिटेशन करता है, उन पर ये खुजली पैदा करता है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है और 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, जो बोल रही हूँ उसको रट लेना, अपर रेस्पिरेटरी, निमोनिया अंदर तक गया पर कॉमन कोल्ड अंदर तक नहीं जाता है, कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है। और अल्लाह मेरे नन्नो, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक
ठीक हो जाता है। ये भी कैसे फैलता है, ये भी किसी कंटामिनेटेड अगर आप किसी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं अच्छी तो आप सामने वाले को फैला दे रहे हैं, तो थोड़ा सा दूर रहिए। एंड इट इज़ क्योरेबल, ये जो है आप आसानी से जो है क्या क्या ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का है तो क्या क्या हो सकता है बताओ, नाक बहेगी, गला थोड़ा कंजेशन लगेगा, ठीक है, नाक जो है ये तो लिखा हुआ, थोड़ा सा हार्श गला रहेगा, खांसोगे तो हार्शनेस मतलब एक अजीब सी भक भक करके आवाज आएगी आपको, खांसी आती रहेगी और थकान तो हर रेस्पायरेट। सर्दी खांसी होती तो कैसा लगता है भैया यार तू निकल जा मेरे नजरों से बाहर, में तो तुझे देखना भी नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये एक्चुअली इसी जो जितने भी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर तो उनमें ऐसे लगता है मेरी नजरों से दूर हो जाओ पारो क्योंकि अभी मुझे सर्दी हुई है, तो अजीब सा लगता रहता, आंखें लाल रहती हैं। तो ये सब डिसऑर्डर जो है ये कॉमन कोल्ड के भी होते हैं क्योंकि रेस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर पर अंदर नहीं जाएगा, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट इज वॉट, चलिए चलिए ठीक है, ओके ओके चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन जो आपकी मे बी एनसीईआरटी में ना दिया हो पर अगर आपको वायरल इन्फेक्शन में शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट लिखने के लिए आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, डेंगू। ठीक है, डेंगू का जो वायरस होता है वो कहलाता है फ्लैवी वायरस। ठीक है, डेंगू के मच्छर दिन में आते हैं, इसीलिए पानी तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, पानी तो कभी आपके घर में कलेक्ट होना ही नहीं चाहिए लल्ला। ठीक है, अब डेंगू का मच्छर थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है, थोड़ा वाइटिश टाइप का दिखता है, और दिन में डेंगू के मच्छर काटते हैं। ठीक है, मच्छरों के तो कहने ही क्या यार, इतने मच्छर हो गए हैं कि चेहरे ही चेहरे पे मच्छर काट कर, आजकल मच्छरों का ना प्रकोप अलग ही प्रकार का है और इतने सारे, ये इतना भयंकर वेक्टर होते हैं मच्छर, ठीक है, कि मतलब कैसे हो जाए मतलब पता ही नहीं चलता। मच्छर कौन से मच्छर से होता है बेटा, ये होता है आपके एडीज मच्छर से। ठीक है, एडीज एजिप्टाई नाम का मच्छर होता है, उससे आपका डेंगू फैलता है। ठीक है, एडीज एजिप्टाई, ओके, मॉस्किटो से फैलता है। डेंगू वायरस जो होते हैं टोटल चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये किसी भी एज ग्रुप को इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को भी, मतलब ज़्यादातर जो है एडल्ट्स इन्फेंट इनको इन्फेक्शन करते हैं, बूढ़े लोगों को ज़्यादा नहीं होता, बूढ़े लोग वैसे बच के ओडोमॉस लगा के घूमते रहते हैं। और ये सिम्टम जो इसके चलते हैं वो 3 से 14 दिन तक चलते हैं। क्या क्या इसमें दिखाई देगा, आपका जो प्लेटलेट का नंबर है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है इसमें, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपको भयंकर फीवर आता है, आपको बहुत सर में दर्द होता है, आपकी आंखें लाल पड़ने लगती है, आपका माथा लाल पड़ने लगता है, मतलब ये इसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि डेंगू के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं है। ठीक है, तो मैडम पपीते का रस जो डेंगू में पिलाते हैं उनका होता है, पपीते का रस आप पीने से होता है कि जो प्लेटलेट घट रहे होते हैं, ठीक है, लड़ने जाए क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग प्लेटलेट नहीं, देखो प्लेटलेट का कम हो रहा है तो इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो रही है, तो क्लॉटिंग वॉटिंग कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको डेंगू हो गया है तो पपीते का रस पीने से प्लेटलेट का नंबर बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, सो याद करिए, अच्छा इसमें होता यह है कि आपको बेसिकली प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है। भैया ध्यान से सुनिएगा, आपको डेंगू में बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेट होगी तो वायरल रेप्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है खाना एकदम लाइट रखना है, कभी बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं देना वायरस को, नहीं तो ये आपकी और बैंड बजाएगा, डेंगू से लोगों की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है, नेक्स्ट अब हम आते हैं। सो वी हैव डिस्कस हाउ मेनी डिजीजेज इन द वायरस, कॉमन कोल्ड, वी हैव डिस्कस द डेंगू फीवर। ठीक है, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में एक ही दिया है कॉमन कोल्ड, पर मैंने आपको एक और बताया। ठीक है, नाउ अब हम मूव करते हैं मलेरिया। मलेरिया इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन बच्चों, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे जो है क्वेश्चन हो आ ही ना, ऐसा मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, बेसिकली इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वन शॉट रिवीजन में लिख नहीं पा रही क्योंकि बहुत भयंकर चैप्टर है, मुझे लिखने का बहुत मन कर रहा है कि 2-4 जो है डायग्राम वाइग्राम बना दूँ, पर वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, पता चला 5-6 घंटे का वन शॉट चला गया और तुम मेरे मुंडी पे गिर रहे हो। मैडम 5-6 घंटे का बनाता तो पढ़ाई देती। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे चूज किया कि प्रॉपरली स्लाइड से समझाऊंगी। चलिए आ जाइए, मलेरिया, बेसिकली मलेरिया जो होता है वो चार प्रकार का, देखो ये भी मैंने लिख दिया है, मलेरिया जो है वो चार प्रकार का होता है बेटा जी। ठीक है, कौन कौन सा होता है, मैं ये सोच रही हूँ कि ये मोटा कैसे होता है। ठीक है, मलेरिया चार प्रकार का होता है। ठीक, जैसे कि प्लाज्मोडियम, चार प्रकार की स्पीशीज, पहले मलेरिया फैलता किससे है, मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम से। हाँ मैम, इसमें कोई नई बात नहीं,
नहीं है, ठीक है। मलेरिया किस में फैलता है? मलेरिया फैलता है लल्ला प्लाज्मोडियम से बेटा जी। कितने प्रकार के प्लाज्मोडियम है? चार, ठीक है। वैसे आपको पढ़नी तीन है पर होती चार है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेराई एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे बिल्लू भयंकर जो होती है वो होती है ये, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम को हम सेरिब्रल मलेरिया, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, लेट मी राइट फ्रॉम द ब्लैक कलर, ठीक है। इसे हम सेरिब्लर मलेरिया, ठीक है, या इसे हम मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है, समझ में आई बात। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम को हम सेरिब्रल मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। बहुत ही भयंकर ये जो है इन्फेक्शन होता है, ये आपके दिमाग पर अटैक करता है। बहुत समय तक तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको मलेरिया, ये मेरे घर पे हुआ था। मेरी मॉम और मेरे बड़े भैया जो है, ये मेरी मम्मी को बहुत फीवर जो है, जैसे ये वाला जो वाइवैक्स होता है इसको रिलैप्स फीवर करते हैं, इसका जो फीवर होता है 12 से 14 घंटे के बाद आता है, मतलब हर साइकिल में 12 से घंटे के बाद आता है। तो समझ में तो आ ही गया था कि मलेरिया हो रहा है। ये दोनों टेस्ट कराने के लिए गए, जब ये दोनों टेस्ट कराने के लिए गए तो उनको तो वाइवैक्स आ गया, ठीक है, और मेरे भैया को फैल्सिफेरम आ गया। पता ही नहीं चला कि उनको फैल्सिफेरम इन्फेक्शन जो है वो फैल गया है। सर इसमें सर बहुत ज़्यादा दुखता है, सर बहुत ज़्यादा दुखता है और सबसे खतरनाक होती है, इसमें मृत्यु हो जाती है कई बार। सो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और फैल्सिफेरम ये बहुत कॉमन है इंडिया में, क्लियर है, समझ में आ गई बात। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, फीमेल एनाफिलीज मच्छरनी के काटने की वजह से होता है, क्लियर हो गया इतना बात, ठीक। अब मैम फीमेल ही क्यों काटे? क्योंकि ये जो गट टेम्परेचर देती है वो मेल नहीं दे पाता, इसलिए फीमेल ही काटेगी तभी आपको इन्फेक्शन होगा, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन मेल्स में नहीं हो सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वैसा नहीं होता, परफेक्ट कंडीशन फीमेल ही देती है, क्लियर है। और मेल क्या करते हैं? मेल बस जो है तो मजे उड़ाने के काम करते हैं, खून चूसते रहते हैं, ठीक। क्या क्या करते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए मलेरिया में क्या करते हैं। मुझे तो अभी भी मच्छर मुझे ऐसा लग रहा काट रहे हैं, ठीक। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में कुछ नहीं होता है भैया, आपको बुखार आता है, ठीक, और बुखार जो है वो एक स्पेशल प्रकार के टॉक्सिन्स की वजह से आता है, जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं। आइए हम बिना देरी के इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो कौन सा लाइफ साइकिल डिस्कस करोगे? एनसीईआरटी वाला, चलो एनसीईआरटी वाला कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, हम ना सबसे पहले इसका होस्ट लिख लेते हैं, ठीक है, मलेरिया का। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द होस्ट। चलो देखते हैं मलेरिया, मुझे तो लग रहा है अपने हाथों में मच्छरों का प्रकोप देख के मुझे लग रहा है मुझे भी मलेरिया हो गया है। देखिए मलेरिया के बेटा जी दो होस्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट लल्ला, और दूसरा होता है होस्ट होता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, समझ में आई बात। पहला होता है प्राइमरी होस्ट, और कितना बुरा लिखा मैंने, पहला होता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट, क्लियर, ठीक। चलो प्राइमरी होस्ट देखते हैं, प्राइमरी होस्ट है इसका मॉस्क्यूटो, बहुत ही क्यूट है, ठीक है, मॉस्क्यूटो जो है इसका प्राइमरी होस्ट है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्राइमरी होस्ट में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरी होस्ट में होता है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग जो है इसका सेकेंडरी होस्ट है, ह्यूमंस, ठीक है, और इसमें क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए इन्फेक्टिव स्टेज जो आगे हम पढ़ेंगे भी, ह्यूमन बीइंग के लिए बेटा जी इनफेक्टिव स्टेज है आपकी स्पोरोजोइट, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, क्लियर हो गया। प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट कौन है, ठीक। अब आओ देखते हैं अपन को कौन सा पढ़ना है, कौन सा अपन पढ़ लें, चलो देखते हैं कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला अपन पढ़ लेते हैं, और ये वाला पढ़ना जो है यही साइकिल इंपॉर्टेंट है, चलो आओ देखते हैं कौन सा है, एनसीईआरटी वाला डिस्कस कर लेते हैं, चलो ये वाला देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि फीमेल मॉस्किटो ने आपको काटा, क्लियर है, ध्यान से सुनना तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर मुझे मत बोलना शिवराम आपने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एनाफ्लीज मॉस्किटो ने कट किया, ठीक है, किसको, ठीक है, घुसा दिया, ठीक है। उसके बाद अपने जो स्पोरोजोइट्स थे, क्या हैं क्यों हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है, स्पोरोजोइट्स जो है लिवर में रिलीज कर दिए, लिवर सेल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, लिवर सेल के अंदर जो इन्फेक्शन है वो पहुंच गया, ठीक है, कहाँ पे बनाऊँ, ठीक है। सबसे पहले मच्छर के काटने से स्पोरोजोइट निकला, ठीक है, ये लंबे लंबे रहेंगे, ठीक है, फिर ये जाकर लीवर की सेल में घुस गया, हाँ मैम, ठीक, लीवर के सेल में ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा पहुंच गया। उसके बाद ये लीवर के सेल में ऐसा एक स्टेज बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी ये नया बोर्ड है तो मुझे थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
पर कोई टेंशन नहीं है। ठीक, उसके बाद ये लीवर के सेल में ऐसा एक रिंग स्टेज बना लेते हैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया पर मैं बता दूं, इसे हम कहते हैं शाइजोंट। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? शाइजोंट। क्लियर है? अब इस शाइजोंट में होगा बेटा मल्टीपल फिजन। क्या होगा इसमें? इसमें होगा मल्टीपल फिजन। इस शाइजोंट में क्या हुआ? मल्टीपल फिजन हुआ, मल्टीपल फिजन। और फिर मल्टीपल फिजन के फलस्वरूप इस लीवर की सेल में, लीवर सेल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सेल बना देती हूँ, ठीक है, सिर्फ सेल बना देती हूँ। ओके, ठीक ठीक आ जाइए। उसके बाद इस लीवर की सेल में, इसमें हुआ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के इस फलस्वरूप हमें बहुत सारे क्या मिल गए? ये देखो, मिल गए बहुत सारे। ठीक है, ओके, क्लियर। अब इनको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये आपको जानना नहीं है, ठीक है, पर अगर आपको बहुत जानने की इच्छा है तो आप जान सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मीरोजोइट। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? मीरोजोइट। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब इस पर लोड बढ़ेगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, लीवर सेल क्या हो गई बच्चों? लीवर सेल बर्स्ट हो गई। ठीक है, फटाफट से पढ़ाना है पर लिखे बिना मैम मानती नहीं है। लीवर सेल बर्स्ट हो गई तो ये मीरोजोइट बाहर आ गए। ठीक है, क्लियर। और अब इन मीरोजोइट ने बच्चों किसको इन्फेक्ट करना शुरू किया? इन मीरोजोइट्स ने जो है आप किसको इन्फेक्ट करना शुरू किया? आरबीसी को। किसको इन्फेक्ट करना शुरू किया? आरबीसी को। आरबीसी के अंदर ये पहुंचे तो इन्होंने फिर से एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनाया। क्लियर है? इसे हम कहते हैं शाइजोंट। फिर से शाइजोंट कहते हैं, रिंग शेप का स्ट्रक्चर समझ गए? तो ये जो इन्फेक्शन होता है ना, ये रिंग शेप का बना लेता है। फिर उसमें क्या होता है? फिर उसमें क्या होता है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। फिर उसमें होता है आपका मल्टीपल फिशन, फिर से। ठीक है, ठीक, ये बनाया शाइजोंट। शाइजोंट समझ गए ना? शाइजोंट का मतलब जो पैथोजन है वो एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है और फिर उसी में बार बार मल्टीपल फिजन होता है, बहुत सारे पैथोजन बन जाते हैं। ठीक है, अब इस आरबीसी में क्या होगा बेटा? मैं सब कुछ बता रही हूँ, देखो एक एक चीज बता रही हूँ। ठीक है, अब इन आरबीसी में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इन आरबीसी में फिर से होगा क्या बेटा? मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन से फिर से बहुत सारे मीरोजोइट बन जाएंगे। आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल में है भी, ला 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 ला, देखो देखो ध्यान से। ठीक है, ये मीरोजोइट बने, यहाँ से देखो लीवर सेल फटी, ये मीरोजोइट बने, आरबीसी को इन्फेक्ट किया, फिर रिंग शेप का स्ट्रक्चर बना, देखो देखो इधर आओ, फिर ये रिंग शेप का स्ट्रक्चर बना, फिर ये रिंग शेप का स्ट्रक्चर, मल्टीपल फ्यूजन किया, फिर आरबीसी फटी। मैं यही बता रही हूँ आपको। आइए, अब ये फिर से क्या बन गए हैं बच्चों? मीरोजोइट। क्या बन गए हैं बच्चों? मीरोजोइट। क्लियर? अब क्या होगा नेक्स्ट में बात करते हैं। आइए जल्दी से, फटाफट से आइए। अब ये आरबीसी हो जाएंगी रप्चर। ठीक है, ये आरबीसी क्या हुई? रप्चर। बोलो, हुई रप्चर। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आरबीसी रप्चर हुई तो ये जो मीरोजोइट है ये बाहर आ गए, आ गए। ये देखो, अब ये क्या करेंगे बोलो? अब ये क्या करेंगे? या तो ये, ध्यान से सुनना, या तो ये किसी नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, या तो ये आगे किस स्टेज पे मूव करेंगे। क्लियर? या तो ये किसी नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, क्लियर, या तो ये आगे के स्टेज पे मूव करेंगे। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला है वो ध्यान से सुनिएगा। जब आरबीसी बर्स्ट होती है, ठीक है, तो वो एक केमिकल निकालती है। ध्यान से सुनना लल्ला, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जब मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारो, चांद सितारो, जब आरबीसी बर्स्ट होती है, ठीक है, जब आरबीसी क्या होती है? बर्स्ट होती है तो वो एक केमिकल निकालती है और इस केमिकल का नाम है हीमोजोइन। स्पेलिंग चेक कर लेना, बहुत तंग रहता है मेरा हाथ वैसे भी। इसे हम कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से ही आपको फीवर आता है। क्या आता है? फीवर आता है और आपको ठंड लगती है। क्लियर है? समझ आई बात? शाइजोन बना, मल्टीपल फ्यूजन हुआ, मीरोजोइट बने, आरबीसी फटी, लीवर फटा, लीवर की सेल फटी, आरबीसी को इन्फेक्ट किया, फिर शाइजोन बना, फिर मीरोजोइट बनाए, आरबीसी फटे, नए आरबीसी को इन्फेक्ट किया या आगे के प्रोसेस में चले। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहाँ पर हर साइकिल में आपको यही दिखेगा। क्लियर है? आ जाओ बच्चों, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, डन 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 डन, ठीक, चलो आ जाओ। अब अपन बात करते हैं, ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से कैसा हुआ, देखना ना। सबसे पहले क्या हुआ? मीरोजोइट इन्फेक्ट किया आरबीसी को, ठीक है, फिर शाइजोन बना, शाइजोन में मल्टीपल फिजन हुआ। ठीक है, ये देखो देखो देखो, मीरोजोइट इन्वेट किया यहाँ पे, ये रिंग शेप का स्ट्रक्चर बना। रिंग शेप के बाद एक ट्रोफोजोइट भी आता है, वो टेंशन आपको नहीं लेना। मतलब आपको मैं ये बता रही हूँ कि रिंग शेप के बाद जब शाइजोंट बनता है तो इसके बाद एक और स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोजोइट। ठीक है, ट्रोफोजोइट में आप मल्टीपल फिजन करो पर ये आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखो 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 देखो,
रिंग शेप का बना, ट्रोफोजाइट बना, मल्टीपल फ्यूजन बना, आरबीसी फट गई, आरबीसी फटी तो नई आरबीसी को इन्फेक्ट किया, या ये वाली जो आरबीसी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब ये जो आपके निकले इन्फेक्शन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमीटोसाइट में। आपको मैं अपने एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाती हूँ, आ जाओ लल्ला, आ जाओ ध्यान से देखना। आपको देखो एनसीईआरटी खोल, एनसीईआरटी जब भी मेरी क्लास में आते हो, सीधी बात है मलेरिया से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मलेरिया को डिटेल से ले रही हूँ, और जब भी मेरी क्लास में आते हो बेटा ये जो है करके आना, नहीं तो धुनाई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक। जब आपको मॉस्किटो ने काटा तो पैरासाइट पहुँच गया, जिसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं, ह्यूमन का इन्फेक्टिव स्टेज है, ये पहुँच गया लीवर में, लीवर की सेल में क्या हुआ, रिप्रोड्यूस किया, लीवर की सेल फट गई, लीवर की सेल जब फटी तो ये कहाँ पहुँच गए, आरबीसी को इन्फेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। क्यों हुआ, जैसी आरबीसी फटती है तो एक केमिकल निकलता है, जो है केमिकल निकलता है जिसको हीमोजोइन कहते हैं, जिसकी वजह से बुखार आता है। फिर ये जो मीरोजोइट हैं ये दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, डन डन डन। सो सेक्सुअल स्टेज इज डेवलप्ड इन द रेड ब्लड सेल, आ जाओ ध्यान से देखते हैं, अब आगे पढ़ लें जहां पे मैंने लिखा था, कहां लिखा था यार, चलो अब ये जो है नई आरबीसी को इन्फेक्ट किया, ठीक। अब होगा ये कि इनमें से कुछ, ध्यान से देखना, ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी, ठीक है, ये इन दोनों आरबीसी में, ठीक है, ये जो आपके पैथोजन पहुंचे ये कुछ बना लेते हैं, एक अलग कलर से बनाती हूँ और एक अलग कलर से बना देती हूँ, ठीक है। ये देखो ये कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं आपके गैमेटोसाइट में, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो 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 आपके एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ठीक, ये देखो मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ में आ गई बात, क्लियर है, देखो देखो ध्यान से सुनो, ये देखो अब ये कन्वर्ट हो गया मेल, ये आरबीसी के अंदर ये बना हुआ है मेल गैमेटोसाइट, कन्वर्ट हुए ना, इन्फेक्ट किए मेल गैमेटोसाइट, देखो कुछ तो कंटिन्यूसली नई आरबीसी को इन्फेक्ट किए जा रहे हैं, आरबीसी फटे जा रही है, कहानी साइकिल चल रहा है, ये रिपीटेड साइकिल चल रहा है, पर कुछ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट में, ठीक है। अब इस मेल और फीमेल को फिर कौन शक करेगा, ये शक करेगी आपकी मॉस्कीटो, ठीक है, मॉस्कीटो अपने अंदर क्या डेवलप करेगी, स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट बाइट करने के बाद फिर से आपके लीवर सेल में आ जाएगा, ठीक है, बहुत गिचपिच दिख रहा है पर समझना बात को, क्लियर है। तो हो सकता है कि आरबीसी के अंदर जब इन्फेक्शन घुसा तो वो साइकिल रिपीट हो जाए, नहीं आरबीसी को इन्फेक्ट कर ले, कुछ आरबीसी जिनके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट में, क्लियर है। अब इस मेल और फीमेल गैमेटोसाइट को कौन सक कर लेता है, मच्छरनी, और ये मच्छरनी फिर अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है और कन्वर्ट करती है स्पोरोजोइट में, फिर बाइट करोगे फिर ये कहानी चलेगी, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ये एनसीईआरटी आपकी कह रही है, आई एम डन विद दिस, ठीक है, इतना ही मॉस्किटो पढ़ना है। गैमेटोसाइट को किसने किया, फीमेल मॉस्किटो ने, फीमेल मॉस्किटो के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट पहुंच गया, अब इनके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बनेगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट, अच्छा फर्टिलाइजेशन से स्पोरोजोइट बने, स्पोरोजोइट पूरे बॉडी में उसके पूरे ब्लड में होते हैं, पर मोस्ट अच्छा जो प्रोडक्ट होता है स्पोरोजोइट का, सबसे अच्छा डेवलपमेंट जो है वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में होता है, जैसी मच्छरनी ने आपको काटा फिर से वो स्पोरोजोइट आपके अंदर पहुंच गए। तो क्या क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले लीवर सेल में इन्फेक्शन, फिर आरबीसी के अंदर इन्फेक्शन, आरबीसी के अंदर न्यू आरबीसी इन्फेक्ट होती जा रही, पर कुछ आरबीसी जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ दे विल कन्वर्ट इनटू द मैक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट या मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, ठीक है, माइक्रो को मेल गैमेटोसाइट कहते हैं, मेगा को फीमेल गैमेटोसाइट कहते हैं, गैमेटोसाइट मतलब गैमेट्स, ठीक है। अब ये जाएंगे अंदर, फिर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट विल कन्वर्टेड इनटू द मेनी स्पोरोजोइट एंड देन स्पोरोजोइट विल केम इनटू द सलाइवरी ग्लैंड, वंस द मच्छर गेट कटेड, मच्छरनी गेट इन्फेक्ट द ह्यूमन बीइंग, स्पोरोजोइट अगेन रिलीज इनटू द ह्यूमन लीवर सेल। सबसे पहले लीवर में क्यों जाता है, क्योंकि अच्छा देखो ध्यान से, पहले दिखता जब मच्छरनी काटती है तो ब्लड में रहता है, ठीक है, तुमको पता है कि मलेरिया कोई WBC मार क्यों नहीं पाती है, इसलिए नहीं मार पाती कि जैसे मच्छरनी ने काटा तो स्पोरोजोइट थोड़े देर तक ब्लड में दिखेंगे, पर वो छुपते छुपाते भग जाएंगे, लीवर सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, लीवर सेल के अंदर घुस जाएंगे, तो जो है WBC पहचान ही नहीं पाती, इसीलिए मलेरिया के लिए कोई वो भी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी स्टेजेस हैं, किसके लिए वैक्सीन बनाओगे यार, इसलिए वैक्सीन भी नहीं होते, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आई होप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो और आगे देखें, आई थिंक वी हैव क्लियर विद द लाइफ साइकिल, ओके चलो आ जाओ।
सो ये एक बार थ्योरी पढ़ लें अगर आपका मन है तो, वैसे तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अच्छा देखो ये याद रखना कि मेल और फीमेल गैमिटोसाइट जो है ह्यूमन के अंदर बनते हैं, ठीक है। जो गैमिट डेवलपमेंट है फ्रॉम द गैमिटोसाइट वो मच्छर के अंदर ही होता है, तो हम मेल एंड फीमेल गैमिटोसाइट जो है वो मच्छर को देते हैं, फिर मच्छर उसको मेल और फीमेल गैमिट में अपने गट में कन्वर्ट करता है, मिड गट में, फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनाता है, जायगोट से स्पोरोजॉइट आता है, स्पोरोजॉइट मिड गट से होते हुए उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, फिर हमें कट कर देते हैं। कौन कट कर देते हैं? मच्छर नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए देखते हैं, ये क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर हो गया। तो मच्छर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट, मैन इज अ सेकेंडरी होस्ट। इन्फेक्टिव स्टेज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजॉइट, ठीक है, स्पोरोजॉइट ही हर जगह इन्फेक्टिव स्टेज रहेगी, क्लियर है। स्पोरोजॉइट जो है लीवर सेल में पहुंची, वहां पर वो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मल्टीप्लाई कैसे किया, पहले रिंग शेप का स्ट्रक्चर बनाया जिसको साइजोन कहते हैं, फिर उसमें मल्टीपल फ्यूजन हुआ, बहुत सारे और पैथोजन बने, फिर लीवर सेल बम, ठीक है, फिर वो आरबीसी को इन्फेक्ट की, सेम साइकिल आरबीसी में भी चला, रिंग मल्टीप्लिकेशन, फिर आरबीसी बस्ट हुई, नए स्पोरोजॉइट जो है वो गए तो नए आरबीसी को इन्फेक्ट किए, और जो है आपके जो है मीरोजॉइट, जिनको अब हम स्पोरोजॉइट की जगह मीरोजॉइट कहते हैं, पर अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आरबीसी बस्ट हुई तो एक केमिकल निकला हीमोजॉइट, और फीवर जो है इसलिए ये रह रहे क्या था, जब जब आरबीसी फटेगी तब तक फीवर आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। डेवलपमेंट ऑफ गैमिटोसाइट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मेल गैमिटोसाइट और फीमेल गैमिटोसाइट, मेल को माइक्रो गैमिटोसाइट और फीमेल को मैक्रो गैमिटोसाइट कहते हैं, क्लियर है। आ जाइए आगे देखते हैं, चलो आगे देखो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अभी इन्फेक्टेड ह्यूमंस को कट करेगी और गैमिटोसाइट ले लेगी, गैमिटोसाइट गैमिट में डेवलप होंगे और स्टमक में की वॉल में जाके देखो ध्यान से सुनो, स्टमक की वॉल पे गए, ठीक है, और जाके फ्यूज हुए जायगोट में, जायगोट जो है वो डेवलप हुआ और उसने स्पोरोजॉइट बनाए, क्लियर है। आ जाइए बात आगे, आगे बढ़े इसके बाद हम लोग, चलिए नेक्स्ट। स्पोरोजॉइट जो है वो जो है सिर्फ स्टमक या गट में रहेंगे, पूरे जो है मच्छर के ब्लड में भी रहेंगे, ठीक है, पर बहुत सारे कहाँ चले जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में पेनिट्रेट करने, ठीक है। अब मच्छर इन्फेक्टिव हो चुका है, अब ये जाएगा ह्यूमन बॉडी को काटेगा और जो है ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, मलेरिया का लाइफ साइकिल क्लियर हुआ, लीवर को इन्फेक्शन, लीवर सेल बस्ट हुई, फिर ब्लड सेल को इन्फेक्शन, ब्लड सेल बस्ट हुई, ब्लड सेल के अंदर मेगा और माइक्रोगैमिटोसाइट बने, ठीक है, गैमिटोसाइट को फ्यूज किया गया, लिया गया, गैमिट में डेवलप हुआ मच्छर के अंदर, फिर फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, जायगोट से स्पोरोजॉइट बने, स्पोरोजॉइट जो है सलाइवरी ग्लैंड में आया, मच्छर ने फिर काट दिया, स्पोरोजॉइट ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गए, क्लियर है बच्चों, डन है। मलेरिया के लाइफ साइकिल में इतना ही आपको पढ़ना है, जितना डिटेल से पढ़ाएंगे वो बात की बात है, ठीक है, रिविजन डन, रिविजन डन। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद अमीबियासिस, ठीक है, अमीबियासिस। देखो ध्यान से, यूट्यूब में ऐसा वन शॉट रिविजन आपको नहीं मिलेगा जिसमें इतना भयंकर रिवाइज करवाया गया हो, मतलब दिस इज द बेस्ट वन शॉट रिविजन, इससे ज्यादा अच्छा रिविजन नहीं मिलेगा बेटा जी। चलो आओ बच्चों जी, नेक्स्ट इज हम बात करेंगे अमीबियासिस और एंट्राइटिस के बारे में। अमीबियासिस जो है वो जिस इन्फेक्शन पैथोजन से होता है उसे हमें कहते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका फीको ओरल रूट से फैल जाता है, ठीक है, पॉटी से बहते हुए पानी में आ गई, पानी को फिल्टर नहीं किया, पी लिया, आपके अंदर आ गया, ठीक है। बेसिकली ये कैरियर से भी फैलता है, जिसे हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, क्लियर है। हमारा मन है बहुत ज्यादा पानी पूरी खाने का, शुभ्रम हम आज तो अपन आग लगा देंगे पानी पूरी खा खा के, तो अपन गए भैया जी पानी पूरी खाने, ठीक है। जब अपन पानी पूरी खाने गए तो वहां पर हिस्टोलिटिका का एक क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बैठा था, क्लियर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एक क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बैठा था, सिस्ट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, चार न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बैठा हुआ था, ठीक है। अपन ने धपा धप 15-20 फुल्की खा ली, ये सिस्ट अब आपके अंदर पहुंच गया डायरेक्टली। कई बार ऐसा होता है कि समोसा रखा हुआ था, उस पर आई तो मक्खी बैठ गई, उसके पैरों पर चिपक गई और फिर वो जाकर आपके जो है क्या नाम से खाने में पहुंच गई। अच्छा मक्खी के, अच्छा समोसे में कैसा है वो समझिए, जब मनुष्य पॉटी कर देता है तो पॉटी से क्वाड्री न्यूक्लिएट, जैसे मान लो किसी को इन्फेक्शन है और उसका क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो है पॉटी करने के दौरान बाहर आ गया, उस पर मक्खी बैठ गई, मक्खी के पैरों पे पॉटी लग गई। अब ये पॉटी वाली मक्खी जब किसी के खाने में पहुंचेगी, लल्ला जी बेटा जी मुन्नो जी नन्नो जी, देखो ध्यान से देखो, अब ये जो मक्खी है इसके में क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट बैठे हुए खाने पर जाके बैठ गई, अब वो खाना आपने खा लिया, ठीक है, फिर से वही सिस्ट आपने जो है बाहर निकाला, तो फीको ओरल रूट पॉटी से निकलेगा और फिर आपके भोजन के द्वारा इंजेक्शन कर दिया जाएगा। ओ नो मैम, हाउस फ्लाई के पैर में पॉटी, जी हाँ
हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल कैरियर है जिससे सबसे अधिक इन्फेक्शन होते हैं बेटा, खाने को ढक के इसीलिए रखना चाहिए, क्लियर है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये फीको ओरल रूट से फैल जाता है, पॉटी से, खाना खाना से आपके अंदर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ये कैसे फैलता है, हाउस फ्लाई से फैलता है, ठीक है, फीसेस से फैलता है, और फिर अ पर्सन फीसेस से आया, मक्खी बैठ गई, फूड में रख दिया, सिस्ट सिस्ट आपने खा लिया, आपको भी इन्फेक्शन हो गया, क्लियर है। अच्छा ये देखो, पानी में पॉटी करते हुए पॉटी जो है वो पानी में बहती हुई आ गई, आपने वो पानी पी लिया, तो डायरेक्टली आपको ऐसे भी आ सकता है, क्लियर है। सिम्टम नॉर्मली जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, और इसके लिए भी मैं एक लाइफ साइकिल लेके आई हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले एक क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट को खा लिया, ध्यान से सुना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट को खाया, ठीक है। सिस्ट जो है वो अंदर गया, ध्यान से सुनना, ठीक है, कहाँ गया, कहाँ, ओके, सिस्ट जो है सबसे पहले क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट को गया, सिस्ट जो है वो अब कन्वर्ट हुआ किस में, ट्रोफोजॉइट में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऐसा भी होता है, जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी तो इसका लाइफ साइकिल भी मैं आपको बताऊंगी। सिस्ट जो है वो पहले एक्सिस्टमेंट किया, एक्सिस्टमेंट का मतलब अपना सिस्ट तोड़ा, और वो कन्वर्ट हुआ किस में, और वो कन्वर्ट हुआ आपके, यहाँ पर और एक लाइफ साइकिल आई थिंक लेके आई, नहीं एक ही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट को खाया, ठीक है, अब सिस्ट अंदर गया, ठीक है, अब सिस्ट ने दो फॉर्म्स बनाए, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ मैं, ठीक है, ये क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट था, ठीक है, इसको ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है, जब ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पहुँचा तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पहुंचा, ध्यान से सुनना लल्ला, तो सब समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ सकते पर क्योंकि अपने पास टाइम नहीं बेटा। ह्यूमन ने, ये इसके पास कहाँ से आया, ये इससे आया था पानी पूरी से, पानी पूरी, पानी पूरी तो मैम आप खाएंगे नहीं, ठीक है, पानी पूरी में सिस्ट था, सिस्ट ने ह्यूमन को खाया, ह्यूमन को सिस्ट ने, देखो देखो मुझे, देख लो यार, तुम लोग देख लो मैं क्या करूँ, ठीक है, अब ये ह्यूमन बींग को इसने खा लिया, सिस्ट को ह्यूमन बींग ने खा लिया, अब जैसे इंटेस्टाइन में गए ये दो फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट होते हैं, दो फॉर्म में, एक होता है बच्चों जी माइन्यूटा फॉर्म, ठीक है, और एक होता है मैग्ना फॉर्म, थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा ये कंटेंट में पर टेंशन नहीं लेना, ठीक है, एक होगा माइन्यूटा फॉर्म और एक होगा मैग्ना फॉर्म, ठीक है। अब माइन्यूटा फॉर्म जो है, ध्यान से सुनना, एक होता है मैग्ना फॉर्म और एक होता है माइन्यूटा फॉर्म, मैग्ना फॉर्म जो होता है ये जाकर घुस जाता है, कहाँ घुस गया, इन्वेड, ध्यान से कॉपी में लिख लीजिए, इन्वेड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, किसको इन्वेड कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन पे घुस गया, लार्ज इंटेस्टाइन को इसने पूरा खिंच खिंच कर दिया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा इसने पूरा खरोच दिया, ठीक है, इरोड कर दिया, खरोच या इरोड लिख सकते हैं, इरोड कर दिया, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होने लगी, ब्लीडिंग, लार्ज इंटेस्टाइन से बेटा जी क्या होने लगी, ब्लीडिंग, और आपके स्टूल में ब्लीड होने लगा। माइन्यूटा क्या हुआ, माइन्यूटा जो है ये फिर से क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट में कन्वर्ट हुआ और ये फीसिस से फिर से बाहर आ गया और ये फिर से पानी पूरी में आ जाएगा और आपको इन्फेक्ट करेगा। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, कम ऑन एवरीबॉडी, इधर आओ, पानी पूरी थी, पानी पूरी में एक सिस्ट था जिसमें चार न्यूक्लियस थे, खा लिया अपन ने, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके दो भागों में कन्वर्ट हुआ, एक माइन्यूटा और एक मैग्ना, मैग्ना बहुत खतरनाक, ये लार्ज इंटेस्टाइन में घुस गया, लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है, पूरा खचर फचर कर दिया, तोड़ ताड़ दिया, जिससे आपकी पॉटी में ब्लड आने लगा, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और माइन्यूटा फिर से क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट में चार न्यूक्लियस वाला सिस्ट कन्वर्ट हुआ, फिर एक इन्फेक्टेड आदमी ने पॉटी की, फिर क्वाड्री न्यूक्लेटेड सिस्ट बाहर आया, फिर उस पर मक्खी बैठी, फिर आपकी पानी पूरी में आ गई, समझ में आ गई बात। तो ये देखो, ये जो आपका मैग्ना है ये ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हुआ, इसने इंटेस्टाइन को इरोड कर दिया और जो भैया जो है इंटेस्टाइन से ब्लड आने लगा, इस तरीके से लीवर में भी ये इन्फेक्शन फैल जाता है। होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। चलिए तो क्या क्या होता है इसमें, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्रैम्स होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और आपका क्योंकि इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज हो रही है तो बहुत सारा ब्लड, बहुत सारा म्यूकस बाहर आएगा, बहुत तकलीफ वाली चीज़ है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसलिए गंदा पाना बोल रही हूँ नहीं खाना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि किसमें मस्टका डोमेस्टिका बैठी हो, हाउस फ्लाई बैठी हो, किसको क्या पता, ठीक है। नाउ इस वॉर्म को गौर से देखिए, इस प्राणी को, ठीक है, गौर से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो एस्कैरिस होता है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एस्कैरिस इज अ राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म का लोड कई बार आपके इंटेस्टाइन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंटेस्टाइन काट कैसे दबाओगे तो राउंड वॉर्म के गुच्छे बाहर निकलते हैं, मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। आपको ये कैसे फैलता है, अगर आप
सॉइल से लगी हुई सब्जियां, ठीक है, ये हमको क्लास 11th में इसके लाइफ साइकिल पढ़ने हैं, एस्कैरिस वगैरह के, ठीक है। तो सॉइल से लगी हुई सब्जियों को अगर आप अच्छे से नहीं धोते हैं तो ये एस्कैरिस जो है ये आपके अंदर पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है? जब किसी ने पॉटी की तो एस्कैरिस जो है, ये जो वॉर्म होता है, इसके अंडे जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो सब्जियों में आ जाते हैं, सब्जी हम नहीं धोएंगे तो वो अंडे आपके अंदर भी पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब आपकी पॉटी जो है सॉइल में आने में क्या ही लगता है, बह गई सॉइल में आ गई, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये भी फीको ओरल रूट से ही फैलता है, ठीक है। पॉटी में होते हैं अंडे, ये अंडे जो जाकर एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। राउंड वॉर्म में मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। फिर कोई मेल या फीमेल जाता है पॉटी तो वो अपने अंडे को फिर से, मतलब एस्कैरिस के अंडे फिर रिलीज होते हैं, इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये आपका पूरा खाना खा लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये आपका पूरा खाना खा लेंगे, आपको कुछ खाने नहीं देंगे, ठीक है। ये इंटेस्टिनल पैरासाइट हैं, बहुत भयंकर होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको वॉर्म का इंफेक्शन नहीं हो, क्योंकि बचपन में सॉइल तो खाते ही थे ना बनियार, अपन दीवारें चाटते रहते थे, ठीक है। तो ये सबको होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये इंफेक्शन नहीं हो। इसलिए एल्बेंडाजोल नाम की दवाइयां बनाई जाती हैं कि भैया इनको थोड़ा रोका जाए, क्लियर है इतनी बात। सो पैथोजन जो है वो एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस लुम्बरिकॉइड जिसको हम कहते हैं, सॉइल से, वाटर से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, कंटामिनेटेड गंदगी पॉटी से, ये इसके एग के पैरा, जो पैरासाइट के एग हैं वो आपके अंदर पहुंच जाते हैं। एग पहुंच गया, हैच आउट होगा, एडल्ट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एग बनेगा, फिर वो पॉटी में आएगा, सीधी सी बात है। सिम्टम क्या है? क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन को भी इरोड कर सकते हैं, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, मसल्स में जाके मसल्स को डैमेज कर सकते हैं, तो मस्कुलर पेन शुरू हो सकता है। ये आप देखो, किसी भी बॉडी में अगर वॉर्म का इन्फेक्शन बढ़ता है तो बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, जिसकी वजह से फीवर आता है, आपको चकत्ते पड़ने लग सकते हैं, आपका आरबीसी ये खाना शुरू कर देंगे, मतलब खाना नहीं मिलेगा आपको तो आरबीसी नहीं बनेगी, तो आपको एनीमिया भी हो सकता है और आपको वीकनेस फील होगी, आप हो सकता है बेहोश भी हो जाए। मेरे एक सर थे, एक दिन वो गाड़ी चला रहे थे बेटा जी, और वो एक दिन पता चला कि मतलब गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी, बेहोश हो गए। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका 4% ब्लड हो चुका था, पता चला कि एस्कैरियासिस था उनको, और एस्कैरिस ने पूरा उनका आरबीसी धपक के फुर्सत हो गया था, पूरा खा पी के फुर्सत, क्लियर है। तो इसलिए बहुत खतरनाक होता है। आ जाओ, नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ठीक है। फाइलेरियासिस जो है ये एक हेलमिंथिक डिजीज है, ठीक है, इसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, इसको हम हाथी पांव भी कहते हैं, ठीक है। क्यूलेक्स नाम का मच्छर से ये आपको फैल जाती है, ठीक है। ये फीमेल क्यूलेक्स, अच्छा देखो तीनों से याद रखना, मलेरिया फैलता है आपके फीमेल एनाफ्लीज से, आपका डेंगू फैलता है एडीज से, और फाइलेरिया फैलता है क्यूलेक्स से, ठीक है। कौन सा हेलमिंथ है? ये है आपका वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मेलाई से ये फैलता है इन्फेक्शन, ठीक है। कहाँ होता है बच्चों? ये होता है आपके पानी में, गंदे पानी में होता है, पानी में मच्छर बैठता है, ठीक है, और ये फिर आपको काट लेता है। बेसिकली ये करता क्या है, ये जो इन्फेक्शन है ये आपकी लिम्फैटिक वेसल को, नीचे वाली जो लिम्फैटिक वेसल है इनको ब्लॉक कर देगा, तो लिम्फ को जो पूरा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, वो ऊपर नहीं जा पाता, और लोअर जो लेग होता है स्क्रॉटम में, इवन मेल पेनिस में, पूरा आपका जो लिम्फ होता है वो इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होते होते आपका पैर एकदम हाथी जैसा दिख जाता है। कारण क्या हुआ आपको बताइए मैंने, इसमें होता ये है कि ध्यान से देखो, ये जो फाइलेरिया वॉर्म होते हैं, मैं सब कुछ लिख के आई हूँ ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो, उसके बावजूद ये देखो 40 मिनट पूरी डिजीज़ पढ़ाने में लगा मुझे। शिप्रा मैम के साथ पढ़ने में आपको यही फायदा है, आपको थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि कंटेंट वो प्रॉपर दे रही है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी है मेरी, अगर बोल रही है मैम ना तो नहीं पढ़ना है, बस आप इतना पढ़ लो काफी आपके लिए बेटा। 12th में नहीं टॉप किया तो मेरा नाम, ठीक है, करोगे टॉप तुम। और ये ना, ये जो वन शॉट बना रही हूं ये नीट वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी यही आना है। सो ये जो फाइलेरिया वॉर्म होता है ये नीचे लोअर लिम्ब आपके स्क्रॉटल सैक आपके मेल पेनिस के लिम्फैटिक वेसल में सेटल हो जाता है, लिम्फ को ऊपर जाने नहीं देता, जिससे लिम्फ वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और जो है आपका स्क्रॉटल सैक हो गया, आपका लोअर लिम्ब हो गया, ये मोटा हो जाता है, ठीक है। आपके जेनाइटल ऑर्गन भी डिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, और इनफर्टिलिटी भी आ सकती है।
समझ आ गई बात, फाइलेरियासिस, इसीलिए इसको हाथी पाँव कहते हैं। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फंगल डिजीज। वी हैव ओनली वन फंगल डिजीज विच इज अ रिंग। दांत खाद खुजली मिटा ले, बीटेक्स लगा ले। सो पैथोजन जो है ये तीन प्रकार के पैथोजन से होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मेटोफाइटॉन। एपिडर्मेटोफाइटॉन देखो ध्यान से, जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं बेटा? वो हो सकते हैं मैम स्किन में, ठीक है, वो हो सकते हैं हॉर्न्स में, ठीक है, वो हो सकते हैं नेल्स में, क्लियर, इन सारी जगहों पर आपको हो सकते हैं। जहां पर भी कैरेटिन नाम का डेड प्रोटीन पाया जाएगा वहां पर ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। लल्लू जी, नन्नू जी, मुन्नु जी, आंखों के तारों जी, चांद सितारों जी, ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। ऐसा तो नहीं लग रहा है धूमता ताक दिना दिन 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 तारा, ठीक है, बैंड तो नहीं बज रहे हैं दिमाग में इतना जल्दी जल्दी पढ़ के, स्पीड को अपन स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली शिप्रा मैम धीरे धीरे पढ़ाती है कोई टॉपिक तो 10 बार रिपीट करती है, आज नहीं रिपीट कर पा रही क्योंकि टाइम नहीं, वन शॉट है ना, वन शॉट में यही चलता है। सो या जहां पर भी आपकी बॉडी में डेड प्रोटीन होगा वहां पर ये फंगस इन्फेक्ट करेंगे। और कहां होता है? स्किन में होता है, नेल्स में होता है, ठीक है, हेयर्स में होता है। ओके, यहाँ पे हेयर्स भी लिख लीजिएगा। तीन प्रकार के फंगस होंगे जो आपको जो है फंगल इन्फेक्शन जनरली इन जगहों पे करते हैं। माइक्रोस्पोरम जनरली हेयर को इन्फेक्शन करता है, ट्राइकोफाइटॉन जो आपके हॉर्न्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और एपिडर्मेटोफाइटॉन आपके स्किन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके ओके, ये ज़्यादा ग्रॉइन रीजन में, जो आपकी ये वाला रीजन होता है, थाइस के बीच का रीजन होता है, वहाँ पर ये इन्फेक्शन करते हैं, आपकी उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन करते हैं, मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी मिलती है और जहाँ पर एयर अच्छे से नहीं पहुँच पाती, ड्राई नहीं रहता जो एरिया, वहाँ पर ये इन्फेक्शन फैलता है। कैसे फैलेगा ये इन्फेक्शन? ये किसी भी पर्सन जिसको फंगस इन्फेक्शन हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसका तुम कोई भी सामान इस्तेमाल करोगे बेटा, चाहे उसका क्लोथ हो गया, उसकी कंघी हो गई, उसका कपड़ा हो गया, उसकी तौलिया हो गई, तो आपको जो है ये इन्फेक्शन होने के चांसेस है। जनरली ये फंगस होते कहाँ हैं? इनके स्पोर्स एनवायरनमेंट में होते हैं या सॉइल में होते हैं। किसी भी तरीके से अगर उस सॉइल के कॉन्टेक्ट में भी हैं आप, तो आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक है, और हमेशा फंगस उन्हीं जगहों पर ग्रो होता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है, की जगह पे नहीं ग्रो होता है। इसलिए बाल वाल धो के रखें, क्योंकि डैंड्रफ भी एक फंगस ही है, बाल वाल धो के रखें जैसे उसको गंदगी। अच्छा, ऐसा एक बार वॉर्म्स एंड फंगस के साथ ये कहानी है कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये जीवन भर आपके शरीर में रहते हैं लल्ला, और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मौके पे चौका देते हैं ये, और अगर आपको जैसे मौका मिला गंदगी मिली, मॉइस्चर मिली, ये फिर से आपके शरीर के बाहर आ जाते हैं। क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? डन। आपको होगा क्या? ऐसे रिंग टाइप का बन जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, बर्निंग होगी, रेडनेस होगी आपको, ड्राई स्केली हो जाएगा आपको वो जगह। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपका बाल, नाखून, इन जगहों पर हो सकता है। टेक द नोट्स। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड द डिजीज, वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी थिंग ऑफ द डिजीज, क्लियर है। Now I am going to talk about the immunity. ठीक है, चलिए देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। आइए आइए, सबसे पहले इम्यूनिटी तो बता दूँ क्या होती है। और अल्लाह देखो ध्यान से, ठीक है, देखिए इम्यूनिटी क्या होती है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। ठीक है मैडम, ऐसा क्या हमको क्या पिला के भेज दिया है घर वालों ने कि हमको ऐसा मिलता है? बेटा आपकी बॉडी में कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ हैं, दैवी शक्तियाँ हैं जो भगवान ने आपको दे के भेजा है। कुछ दैवी शक्तियों को आप जन्म के बाद भी डेवलप करते हो, ठीक है, कौन से वो देखेंगे। अब ये दैवी शक्तियाँ किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और किसी की बहुत कम हो सकती हैं। सो किसी भी बॉडी के अंदर की वो एबिलिटी जिसके आधार पे आप किसी भी रोग से लड़ते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसकी इम्यूनिटी। अब बेटा इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आपको बर्थ से मिली होती है उसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, और जो इम्यूनिटी आपको आफ्टर बर्थ मिली होती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, चलो कितना बुरा लिखा है, बर्थ है ये, ओके मिटाई देती हूँ, ऐसा बवंडर मुझे नहीं करना। आओ आओ आओ, सारा मिट गया। ठीक है, तो बाय बर्थ जो मिलती है वो होती है इननेट इम्यूनिटी, और जो आफ्टर बर्थ आपको मिलती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
क्लियर है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर। तो ये दैवीय शक्ति आपकी मम्मी ने आपको दी है और ये आपने खुद डेवलप की है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से भोजन पानी करिए ताकि इसको आप डेवलप कर पाए, क्योंकि ये बहुत भयंकर है, ठीक है। अब ये दो प्रकार की एक्टिव और पैसिव आईएएस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी, लिसन टू मी वेरी केयरफुल क्या बोल रही हूँ। इननेट इम्यूनिटी, देखो तुमको अगर ये लगता है कि सिर्फ विशेष प्रकार की कोशिकाएं आपके शरीर में लड़ती झगड़ती रहती है, तो ना मुन्ना ना, कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर को प्रोटेक्शन दे रही है वो एक्चुअली इम्यूनिटी का ही पार्ट है, समझ रहे हो बात को। जरूरी नहीं कि हर बार हम स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स ही बनाएं, समझ रहे हो बात को। जरूरी नहीं है बेटा कि हर बार हम स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स ही बनाएं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोटेक्शन देती है वो इम्यूनिटी के अंदर आएगी। सबसे पहले लल्ला हम बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी की, जो आपको बाय बर्थ मिलती है। अब तुम बताओ मुझे क्या बाय बर्थ मिला है जिससे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिले हैं बैरियर्स। क्या मिले हैं? बैरियर्स। इननेट इम्यूनिटी के अंदर हम दुनियादारी के सारे बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं, क्लियर है, समझ में आ गई बात। कौन से बैरियर्स दिए मैम हमको, कौन सा बैरियर, बैरिकेडिंग लगा दी क्या हमारे अंदर? नहीं बेटा, हमको आपकी मम्मी ने आपको सबसे पहला, सबसे बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदा बैच जो बैरियर दिया है वो है स्किन, 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 स्किन। तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के बैरियर होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर होता है जिसके अंदर स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आती हैं, फिर केमिकल्स बैरियर आते हैं जिनके अंदर इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइंस आते हैं, फिर सेलुलर बैरियर आते हैं जिनके अंदर दुनियादारी की सेल्स आती हैं। फिजिकल बैरियर के अंदर कौन आएगा, बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए, फिजिकल बैरियर, स्किन और मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि म्यूकस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है जो गंदगी को ट्रैप करता है। फिर कौन आता है? केमिकल बैरियर, ठीक है, जिसके अंदर इंटरफेरॉन्स आते हैं, पढ़ाऊंगी उसके बारे में। सेलुलर बैरियर, WBC, दुनियादारी के WBC जो सेलुलर बैरियर के अंदर आती है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी जो होती है, सबसे पहली चीज जो आपको याद करनी है इसमें, यह है नॉन स्पेसिफिक बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि स्किन से अगर प्रोटोजोआ घुस रहा है, स्किन से अगर बैक्टीरिया घुस रहा है, तो ये नहीं बोलेगी नहीं मैं तो सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ती हूँ, मैं वायरस से नहीं लड़ सकती। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये कभी भी मतलब भेदभाव नहीं करती। तू आएगा तो तेरे साथ भी हम ऐसे बिहेव करेंगे, और तेरा पिताजी आएगा तो भी हम तेरे ऐसे बिहेव करेंगे, तो नानी आएगी तो भी हम ऐसे बिहेव करेंगे। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। हमारी स्किन वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डिजाइन नहीं है, हमारी स्किन हमारी मम्मी ने हर प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए दी है, और हमेशा टाइम बाय बर्थ मिली होती है, ठीक है। ये हमेशा बैरियर देती हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर नहीं आ सके। कितने प्रकार के बैरियर हैं? 4 प्रकार के। फिजिकल बैरियर जो है वो कौन सा है? सबसे पहले आपका स्किन है। स्किन से कोई भी पैथोजन अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर स्वेट होता है, यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, यहाँ पर 4 परत होती हैं, 4 लेयर होती है स्किन के, इतना पेनेट्रेट करने में तो ऐसी कम तैसी हो जानी है। तो ये होता है पहला फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है आपका कौन सा? म्यूकस जो मेम्ब्रेन्स होती हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अच्छी आप करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि म्यूकस इन्फेक्शन को वहीं पर ट्रैप कर लेता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। तो पहली कौन सी हो गई? स्किन हो गई, दूसरी हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। फिर आपके ये म्यूकस मेम्ब्रेन सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में भी है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी है। तो फिजिकल बैरियर में बेटा पहला आएगा स्किन और दूसरा आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, सीधी बात, नो बकवास। ये होते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि किसी भी, स्किन का काम किसी भी पैथोजन को अंदर नहीं जाने देती, और म्यूकस मेम्ब्रेन वहीं पर चिपचिपा लसलसा पदार्थ है, म्यूसिन प्रोटीन होता है, उसमें पकड़ कर बैठ जाती है, अंदर नहीं जाने दूंगी तुझे, तू यहीं रहे। अब म्यूकस मेम्ब्रेन हर जगह म्यूकस निकालती है, जैसे आपका GI ट्रैक होता है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें भी होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में होता है, जहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहां इन्फेक्शन अंदर नहीं जा सकता। फिजिकल बैरियर कंप्लीट, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट बैरियर, विच इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आपको मैं बताती हूं कि आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिक्रीशंस करती है जिसकी वजह से, अच्छा ये हमको आफ्टर द बर्थ डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब हमारा स्टमक बना था, हमारी मम्मी ने हमको स्टमक बनवाया था, तो उनने बोला था कि बेटा जब से तू पैदा होगा तेरे को गैस्ट्रिक जूस मिलेगा। हमारे जो है छोटे बच्चों की तो और लार नहीं करती है, तो जब से पैदा हुए हैं तब से सलाइवा निकल रहा है, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद जितने आंसू निकलते हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके बॉडी में सिक्रीशंस हैं
सलाइवा से हम क्या निकालते हैं, सलाइवा जो है उसमें लाइसोजाइम होता है जिसे बैक्टीरिया किल होता है, आपके स्टमक में SCL होता है जिसे फूड का इन्फेक्शन किल होता है, आपके आंसू में लाइसोजाइम होता है जिसे इन्फेक्शन अंदर नहीं आ पाते। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं सिक्रीशन, क्या आते हैं बच्चों, सिक्रीशंस आते हैं। फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर सिक्रीशंस आते हैं आपकी बॉडी के, जो उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन जो है, आपका जो ग्रोथ है, क्या नाम से जो आपका इन्फेक्शन का ग्रोथ है वो कभी भी नहीं हो पाता। थर्ड बैरियर हम बात कर रहे हैं सेलुलर बैरियर। जितनी भी WBC आपकी बॉडी में है बेटा, ठीक है, जितनी भी है, जैसे कि कौन कौन सी ये भी देख लो बेटा, ठीक है, क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट जो हैं वो नहीं बनती, ठीक है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी जो सेल्स है वो सेलुलर बैरियर के अंदर आएंगी, सेलुलर बैरियर, ठीक है। सेलुलर बैरियर के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं, लल्ला देखो ध्यान से। सबसे पहली सेल बेटा जी, नन्हो जी मुन्नो जी, मेरे आंखों के तारो जी, सबसे पहली सेल जो सेलुलर बैरियर के अंदर आती है वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है बेटा, बेटा सबसे अधिक WBC यही होती है, और कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे बेचारी सबसे पहले लड़ने यही पूछती है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी होती है, बैसोफिल्स। अब मैम आपको ये नहीं पढ़ा सकती अभी, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि 11th क्लास में ये पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो नए जब ये चैप्टर शुरू करूंगी स्टार्टिंग से तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, ठीक है, ईओसिनोफिल्स, ठीक है, आपकी NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। ये सेल्स जो होती हैं ये आपको बाई बर्थ मिली होती हैं, ठीक है, जबकि बी और टी सेल्स जो है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्या नाम से जो है आपको अब आफ्टर द बर्थ मिलती है, इन टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर है। सो जितने भी सर्टेन टाइप ऑफ WBC, जैसे कि आपकी हो गई आपकी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, वही है न्यूट्रोफिल, बैसोफिल और इओसिनोफिल, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी NK सेल्स, ये सब जो होती हैं आपको बाई बर्थ मिली होती हैं। ये करती क्या है, कुछ नहीं करती, बस खा जाती हैं, बस खा जाती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, खा जाती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रोब्स को। बाकी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये आपको मिलते हैं कहाँ से, ये आपको मिलते हैं आफ्टर द बर्थ, ठीक है। मतलब कुछ WBC आपको जन्म से ही मिले होते हैं और कुछ WBC आपको जन्म के बाद बनती है आपकी बॉडी में, ठीक है। चलिए, साइटोकाइन बैरियर में आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो है इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, या हा हा हा, ठीक है, कितना बुरा लिखती हो जिब्रा मैम, ट्राई कर रही हूँ थोड़ा साफ लिखने की, वैसे तो माशाल्लाह हैंडराइटिंग ही पता है आपको, ठीक है, तो ये फिर से लिखूंगी चलो आ जाओ। सो ये है बेटा सेल, क्लियर, इसके अंदर महाशय ये बैठ गया वायरस, ये हा हा हा, अब तुझे हम खाएंगे, ठीक है, ये कोई वायरस बैठ गया। अब इसके बाजू में बहुत सारी सेल्स बैठी हुई हैं, नॉर्मल बैठी हुई हैं, बेचारी बड़ी खुश है अपने जीवन से। ये जो वायरल इन्फेक्टेड सेल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये जो वायरस बैठा हुआ है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं बेटा, ये कुछ केमिकल्स निकालती हैं, ठीक है, ये कुछ क्या निकालती हैं, केमिकल्स, ठीक है, केमिकल, इस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन, ठीक है, क्या है बेटा जी, इस केमिकल का नाम इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन इनको मैसेज करता है, भैया ऐसा है कि दूर खिसक लो नहीं तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल कुछ ऐसे केमिकल्स निकालें जिससे दूसरी सेल्स का प्रोटेक्शन हो जाए, तो इसे हम कहते हैं सेल ने मैसेज कर दिया दूसरी सेल को, एक सेल बैठी है मुझे तो इन्फेक्शन हो गया, भैया तू मेरी बहन तू बच जा, तू निकल ले यहाँ से, तो भैया मैंने कुछ ना, ये देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने कुछ केमिकल्स निकाले जिससे दूसरी सेल को मैसेज मिल गया और दूसरी सेल वहाँ से खिसक ली। तो इस प्रकार का बैरियर मैसेजिंग हमको माँ के पेट से मिली होती है, और इन्हें हम साइटो, ये जो केमिकल निकल रहा है इसको हम साइटोकाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोकाइन। ये तो एक के बारे में बताया, ऐसे सेल टू सेल मैसेजिंग जो होती है ये आपकी बॉडी में हमेशा होती है। जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन घुस गया, ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे मान लो कि कोई इन्फेक्शन घुस गया तो बाजू वाले को WBC बुला रहा है तो वो थोड़ी बोली जाएगी कान में, सुन 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 इन्फेक्शन आ गया चलते चलते, ऐसा थोड़ी बोलेगी, तो वो केमिकल निकालेगी, उस केमिकल को दूसरी WBC सेंस करेगी, सारे एक दूसरे को केमिकल मैसेजिंग करेंगे और फिर जाएंगे उस जगह पे जहां पे इन्फेक्शन घुसा हुआ है। तो ये जो केमिकल मैसेजिंग है, जो केमिकल निकल रहा है, इनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। ऐसा ही एक केमिकल है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा निकलता है ताकि दूसरी सेल्स को वायरल इन्फेक्शन ना हो। क्लियर है, वी हैव डन विद द इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है आफ्टर द बर्थ, और ये बड़ी ही स्पेसिफिक होती है। हमेशा इननेट इम्यूनिटी तो सबके लिए है भैया,
ऐसा थोड़ी कि हमारा डिजाइन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के लिए, सबके लिए. एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमको आफ्टर द बर्थ मिली होती है बेटा जी, लल्ला जी, और ये बड़ी स्पेसिफिक होती है. मतलब ये वाला इन्फेक्शन हुआ है तो हम इसी इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे, हम किसी और के लिए नहीं बनाएंगे, ठीक है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब बिलियंस ऑफ इन्फेक्शन या एंटीजेंस को पहचान सकते हैं. मोर देन 20 बिलियन इन्फेक्शन या एंटीजेंस को आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहचानवा सकती है. क्लियर है, समझ में आई बात? और ये हमेशा समझना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. जैसे ये एंटीबॉडी बन रहा है, ये जितने भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही पार्ट होते हैं. क्लियर है? अब समझिए, आपके इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं, क्या होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी पढ़ा रही हूँ मैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है. अभी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ाना है मुझे. इम्यून रिस्पॉन्स जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये दो प्रकार की सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ध्यान से सुनना. एक्वायर्ड इम्यूनिटी बड़ी स्पेसिफिक होती है, जन्म के बाद होती है, और ये जो है दो प्रकार की लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है. एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है बेटा जी टी लिम्फोसाइट, ठीक है. जल्दी जल्दी पढ़ा, गर्मी ज़्यादा है आज, ठीक है. तो ये एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट. बी का मतलब क्या है बेटा? बी का मतलब है बोन मैरो, ठीक है. बी का मतलब क्या है? बोन मैरो, ठीक है. और टी का मतलब है थाइमस, ठीक है. टी का मतलब क्या है? थाइमस. क्लियर है? आ जाओ बात ध्यान से देखते हैं, चलो आओ, ठीक है. एक्चुअली बनती जो है ना, ध्यान से सुनना, पढ़ लेते हैं, आ जाओ देख लो. बी लिम्फोसाइट, ठीक. एक्चुअली ना तुमको पता है बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बी सेल और टी सेल दोनों बनाती है, पर ये जो टी सेल है ना ये मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाती है. थाइमस एक ग्लैंड होती है जो थाइमोजिन नाम का हार्मोन निकालती है, इसलिए टी सेल हमेशा थाइमस में ही डेवलप होंगी. बनती दोनों बोन मैरो में ही है. क्लियर है? आइए अब इन बी और टी लिम्फोसाइट से दो प्रकार के इम्यूनिटी आपकी बॉडी में जनरेट होती है. समझ में आ गई बात? देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा दो प्रकार की, ठीक है. इन देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें स्पेसिफिक होती है और ये हमेशा आफ्टर द बर्थ हमको मिली होती है, ठीक है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, बी सेल और टी सेल. दोनों बोन मैरो में बनती है, बस टी सेल मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाती है. थाइमस एक ग्लैंड है. क्यों जाती थाइमस में? क्योंकि थाइमस के पास थाइमोजिन नाम का एक हार्मोन होता है, इसके इन्फ्लुएंस में ही मैच्योर होती है. अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये दोनों सेल्स बी और टी सेल ये दो प्रकार की रिस्पॉन्स या दो प्रकार की इम्यूनिटी जनरेट करती हैं, तो ये भी कह सकती हूँ मैं. क्लियर है? दो प्रकार की सेल बी और टी सेल लिम्फोसाइट. अब बी सेल जो काम करेगी उसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और टी सेल जिस पे काम करेगी उसे हम कहते हैं कौन सा रिस्पॉन्स? उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. चलो देख लो, यहाँ पे पढ़ाऊँ मैं, आ जाओ देखो ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा. इटर गिटर पिटर पिटर करोगे तो नहीं समझ में आएगा. ध्यान से देखो क्या बोल. चलो आओ देखते हैं ध्यान से. देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ कहानी ये है, ध्यान से देखो. कहाँ गया यार, एक सेकेंड है, देखो एंटीबॉडी आ गई क्यों, रुक जाओ. ओके सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली दो प्रकार के रिस्पॉन्सेज जनरेट करती है. सबसे पहले मैं ध्यान से देखना है ना. एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स सब कुछ लिख रही हूँ, ठीक है. आई होप रेड कलर इज क्लियर, नहीं तो दूसरा कलर लेती, चलो ब्लैक ले लेती हूँ, ठीक. एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स बेटा जी दो प्रकार का होता है, ठीक है. एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी. फटाफट से कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को. प्राइमरी और सेकेंडरी, क्लियर है. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है स्लो, ठीक है. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है स्लो, ठीक. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है विगरस और बहुत ही ज़्यादा फास्ट. बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक. इसके लिए मैं तुमको एक ग्राफ सिखाती हूँ, ठीक. ध्यान से देखना, जब पहली बार एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पर पहली बार जब कोई इन्फेक्शन आया, ठीक है, पहली एज ही लिख रही हूँ, एंटीजन आया फर्स्ट टाइम, ठीक है. पहली बार जब कोई इन्फेक्शन आया, पहली बार एंटीजन, ठीक. तो बॉडी ने उसको पहचाना, अच्छा ये इन्फेक्शन है, ठीक है, अच्छा इसके लिए ये रिस्पॉन्स. क्लियर? छोटा सा मतलब पहले इन्फेक्शन घुसा, फिर उसको पहचाना गया, पहचानने के बाद इसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस की गई, इसके खिलाफ प्रोड्यूस की गई एंटीबॉडीज. क्या है, क्यों है, ये समझेंगे, और फिर बाद में इसी डायग्राम में हम रिवर्ट भी होंगे. ये हो गई एंटीबॉडी क्रिएट की गई. फिर क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गई है तुमको पता है? यहाँ पर बन गई लल्ला मेमोरी, ठीक है. यहाँ पर क्या बन गई है? मेमोरी, याददाश्त है. एक
जो है मेहमान आया, हमने उसको पहचाना, अच्छा ये है, ये तो बहुत खाता है, हमको हमने थोड़ी देर बाद इससे, जब वो जब तक वो गया बैठा समझा हमने कि ये तो बहुत खाना खाता है यार, अच्छा अगली बार जब वो आएगा तो हम पहले ही जान जाएंगे ये तो बहुत सारा खाना खाता है, तो पहले ही तैयारी बना के रखो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब मेमोरी बनी हुई है तो जैसे इन्फेक्शन घुसता है धड़ाधड़ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होती हैं और मेमोरी सेल्स धड़ाधड़ रैपिड डिवीजन करवा देती हैं, किसका? रैपिड डिवीजन एंटीबॉडी का। और धड़ाधड़ जो है इस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट होता है और हम फटाफट पैथोजन को किल कर देते हैं, पैथोजन किल, ठीक है, पैथोजन मर जाता है। इस प्रकार के रिस्पॉन्स को हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनामिनिस्टिक, ठीक है, एनामिनिस्टिक, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, रिस्पॉन्स कहते हैं बेटा, ये याद रखना। तो अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए कि कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है तो आप बोलेंगे सेकेंडरी, कौन सा स्लो होता है तो आप बोलेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी फास्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से मेमोरी सेल्स बन जाती हैं और ये मेमोरी सेल रैपिडली डिवाइड होकर एंटीबॉडीज बना लेती हैं जिससे हम धड़ाधड़ पैथोजन को किल कर लेते हैं। इसमें तो रिकॉग्नाइज करने में पहली बार समय लगता है, फिर उसके खिलाफ मेमोरी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको? चलिए अब एक्वायर्ड इम्यून, ये भी मेरे बच्चों को क्लियर हो गया आई थिंक, आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स दो प्रकार का था, जैसा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ये होता है, और ये दो प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, और ये रिस्पॉन्स जो होता है ये आपके बॉडी फ्लूइड की वजह से होता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में एक विशेष प्रकार का ह्यूमर दौड़ रहा होता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये कब जनरेट होता है, ध्यान से समझना। आपकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की वाई शेप की सेल होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि एक इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबॉडी हो, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है। जब मैं चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी ना ये टॉपिक, तो मैं आपको प्रॉपरली सब कुछ बना बना के दिखाऊंगी कैसे होता है। मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन घुसा हुआ है, मैं एक और थोड़ा सा मुझे चाहिए एक जगह, तो मैं आपको यहाँ पे और समझा पाऊंगी, ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो कि कोई आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया, ठीक है, ये ठीक है, मान लो कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, क्लियर, ठीक। जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन घुसता है तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले कौन जाता है, ठीक, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन घुसा तो सबसे पहले क्या निकलती है, सबसे पहले आती है बेटा न्यूट्रोफिल, सबसे पहले कौन आती है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल लड़ाई करने के लिए आती है, न्यूट्रोफिल लड़े जा रही हैं, न्यूट्रोफिल करती क्या है, न्यूट्रोफिल करती हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस, क्या करती हैं बच्चों, फैगोसाइटोसिस, इन्फेक्शन को खा जाती है, पर ये जो है थोड़ी कमज़ोर है, तो इनके जस्ट बाद क्या आती हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस बड़ी बड़ी न्यूट्रोफिल हैं, ठीक है, बड़ी खतरनाक होती हैं, ठीक, ये भी सेम एक्शन करती हैं फैगोसाइट्स, ठीक, फैगोसाइटोसिस खा जाती हैं। पर बेटा ध्यान से समझना, ठीक, ध्यान से समझना, ला 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 ला, एक ब्लड वेसल बना लेती हूँ, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक ब्लड वेसल, अब क्या करूँ, मैम मानती तो है नहीं तो बना दे रही हूँ, ये है आपकी ब्लड वेसल, क्लियर, ठीक। अब ध्यान से सुनना, जब इन्फेक्शन आया तो सबसे पहले क्या गई, न्यूट्रोफिल, नंबर वन न्यूट्रोफिल, उसके बाद जब ये मरने लगी तो दूसरे नंबर पर गया मैक्रोफेज, ठीक। अब हुआ ये, नीचे टिश्यूज भी बना ही लो जो बना रहे हो, ये बन गए आपके टिश्यूज, ध्यान से सुनना तो सब समझ में आएगा, ठीक है, ये बन गए आपके टिश्यूज, क्लियर, ठीक। अब हुआ ये कि न्यूट्रोफिल जो है इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और ये नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, ऐसी कंडीशन में ये जो इन्फेक्शन है वो कहाँ घुस गया बच्चों, ये इन्फेक्शन घुस गया आपके यहाँ पर, ठीक है, सेल्स के अंदर, क्लियर, समझ में आ गई बात, ये सेल्स के अंदर घुस गया, डन है। अब क्या किया जाए, सेल्स के अंदर घुस जाए, अब हुआ ये कि ये हेल्प मांग रही हैं, भैया ये सेल के अंदर घुसा जा रहा है, कोई हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बोलो,
ये जो है पूरे हमारे नॉर्मल टिश्यूज के अंदर घुसे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, कोई हमारी हेल्प करेगा? तो अब ऐसी कंडीशन में तीसरे नंबर पे एंट्री होगी, लल लल जैसे हीरो की एंट्री होती ना, थर्ड नंबर पे, थर्ड डिग्री लिख दिया मैंने, देखो तो मुझे, थर्ड नंबर पे एंट्री होगी NK सेल्स की। ठीक है, NK सेल्स को हम नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं, नेचुरल सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं, या इन्हीं को हम डेंड्राइटिक सेल्स, ध्यान से समझो, डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं, ध्यान से समझता। ठीक है, जैसे ही ये डेंड्राइटिक सेल्स घुसी, ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे ही अब तो कुछ तो पैथोजन अंदर घुस गया, कुछ ब्लड में घूम रहा है, कुछ घूम रहा है ये, ठीक है, डन। अब ये डेंड्राइटिक सेल ब्लड के अंदर आ गई, ये ऐसी दिखती हैं, देखो ये ठीक, डेंड्राइटिक सेल ने इनको खाया, इनको क्रश किया और अपने ऊपर इस तरीके से लगा रही है। ठीक, मतलब ध्यान से सुनना, इनको इस तरीके से अपने ऊपर लगा लिया, ये देखो, क्लियर है। डेंड्राइटिक सेल को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं, ये पड़ा हुआ है, इसको क्रश करके अपने सरफेस पे लगा लिया, क्या हुआ, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस पहले लड़ रहे थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्फेक्शन टिश्यूज के अंदर घुसने लगा, इन्होंने बोला बचाओ बचाओ, हमारा कोई मदद करेगा क्या? तो अब आया पिक्चर में नेचुरल किलर सेल, जिनको हम डेंड्राइटिंग सेल या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बोले कोई बात नहीं, इसको तो अपन देखते हैं क्या करना है, सबसे पहले जो है अपन दूसरी जो है क्या नाम है पॉपुलेशन को बुलाते हैं, ठीक है, तुम नहीं कर पा रहे हो, अब कोई टेंशन नहीं। इसने तुरंत पैथोजन को लिया, क्रश किया, क्रश करके इसके जो एंटीजन है वो अपने ऊपर लगा लिया। मैडम, अगर इन्फेक्शन का कुछ चीज़ अपने मुंडी पे लगा लिया तो बॉडी इसको भी तो किल कर सकती? नहीं, इसके पास स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं लल्ला, जिसको हम MHC2 कहते हैं, उसके बारे में नहीं जानना है। तो बॉडी इनको कभी नहीं मारती है, ठीक है, बॉडी कभी भी डेंड्राइटिक सेल को नहीं मारेगी, भले ही उन्होंने अपने सर पे बैक्टीरिया को सजा लिया है तो क्या हुआ, क्लियर। अब ये जाएगी किसके पास बेटा? अब ये जाएगी बेटा मदद मांगने के लिए बोन मैरो के पास, ठीक है, बोन मैरो के पास। ठीक, बोन मैरो के पास बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं? बी सेल, इनएक्टिव पड़े हुए हैं। अब बी सेल से पूछेगी, तुम इसको जानते हो, ये कौन है? तो बोलेगा नहीं, मेरे लिए, मैं तो, आपको पता है कि हर इन्फेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक बी सेल होती है, हर बी सेल से वो पूछेगी, हर बी सेल मना कर देगी, पर एक बी सेल ऐसी होगी वो बोलेगी हाँ मैं जानती हूँ इसे। ठीक है, जैसे ही वो जान जाएगी, मान लो कि इस वाली बी सेल ने इसको समझ लिया कि ये हाँ ये मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको मार सकती हूँ। बोन मैरो में इस बी सेल ने इसको पहचाना और बी सेल डिवाइड हुई, और ध्यान समझो, बी सेल डिवाइड हुई और बी सेल ने डिवाइड करके, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा, बी सेल ने डिवाइड, अरे यार, बी सेल ने डिवाइड करके बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाए, क्लियर है, बी सेल ने डिवाइड करके क्या बनाए? बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाए, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ये एंटीबॉडीज, ध्यान से समझना, ये एंटीबॉडीज जो होंगे ये इस इन्फेक्शन पे चारों तरफ लग जाएंगे, लग गए, ठीक है, और जो आपके ब्लड में फालतू एंटी जो है इन्फेक्शन घुस रहे हैं, इनके चारों तरफ बैठ जाएंगे और फिर इनको मैक्रोफेजेस आकर इनगल्फ कर लेंगी, क्लियर है, इनको क्या करेंगी? मैक्रोफेजेस, ध्यान समझना, इनको मैक्रोफेजेस खा लेंगी। तो क्या किया इन्होंने, एंटीबॉडीज ने क्या किया? एंटीबॉडीज ने इन्फेक्शन को बाइंड कर लिया कि तू इधर उधर फैलना मत, फिर मैक्रोफेज आई और खा ली। तो एंटीबॉडीज की वजह से इन्फेक्शन कभी भी अंदर नहीं जा पाता ब्लड के, वहीं पर कलेक्ट कर लेते हैं, हम सबको पकड़ के बैठ जाएंगे, मैक्रोफेज आएगा तो खा लेगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। बोन मैरो में एक और स्पेशल टाइप की सेल बन रही होती है जिसे कहते हैं टी सेल, ठीक है, किस क्या कहते हैं बच्चों? टी सेल। टी सेल तीन प्रकार की होती हैं, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, टी हेल्पर सेल, ठीक है, फटाफट कंप्लीट करती हूँ, टी होती है साइटोटॉक्सिक सेल और एक होती है सप्रेसर, जिसके बारे में आपको नहीं जानना है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब सबसे पहले जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो टी हेल्पर सेल होती है ये बहुत 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 ज़्यादा मदद करती है, पता है क्या, जैसे ही ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोन मैरो के पास गई, ये टी सेल, ये वाली तुम जानते हो क्या, एक टी हेल्पर सेल ने बोला हाँ मैं इसको जानता हूँ इस इन्फेक्शन को और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टी हेल्पर सेल बोन मैरो से बी सेल को भी जगा के एंटीबॉडीज बनवाता है,
टी हेल्पर सेल मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम नहीं होने देता कि भैया जागे रहो नहीं तो इन्फेक्शन आपको मार डालेगा। टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल को भी मदद करता है। टी साइटोटॉक्सिक सेल आई और उस सेल को ही मार डाला, समझ रहे हो बात को, फिर से सुनो। एक हमारे पास, ध्यान सुना, हमारे पास इन्फेक्शन अंदर घुस रहा था। नॉर्मली सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रोफिलो मैक्रोफेजेस आके लड़ती रहेंगी। फिर न्यूट्रोफिलो मैक्रोफेजेस को ये समझ में आया कि हमारे हाथ से बात निकल चुकी है क्योंकि इन्फेक्शन टिश्यूज के अंदर घुस चुका है, ठीक है। अब आएंगे पिक्चर में हीरो एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, या इन्हीं को हम कहते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स जो है ये बैक्टीरिया को खा लेंगे और उनकी मुंडी अपने चारों तरफ लगा लेंगे। फिर वो बोन मैरो में जाएंगे, बोन मैरो में सबसे पूछेंगे तुम जानते हो इसको, तुम जानते हो उसको, सब बोलेंगे नहीं जानते। पर उसमें एक टी सेल ऐसी होगी और एक बी सेल ऐसी होगी जो बोलेंगे हाँ हम जानते हैं इसको। आपकी इम्यूनिटी 20 बिलियन से भी ज़्यादा इन्फेक्शन को पहचान लेती है क्योंकि हमारे पास हर 20 बिलियन इन्फेक्शन के लिए बी सेल और टी सेल है। अब होगा ये कि जैसे ही पहचाना, इन्होंने सरफेस पे लगा लिया है, बी सेल ने बोला मैं जाता हूँ, जाके वो एंटीबॉडी बना लेंगे। सबसे पहले टी हेल्पर सेल का सबसे बड़ा रोल है। अगर बी सेल ने नहीं पहचाना, अगर टी हेल्पर सेल ने पहचान लिया तो टी हेल्पर सेल बोलेगी बी सेल को कि तुम बेटा एंटीबॉडी बना लो, सबको कलेक्ट करके बैठ जाओ। और साथ में टी हेल्पर सेल किस क्या बोलेगी, टी साइटोटॉक्सिक सेल को बोलेगी कि तुम जिस जो इन्फेक्शन जिस टिश्यू के अंदर घुसा उस सेल को ही जाकर मार डालो। टी हेल्पर सेल दोनों काम, इवन टी सेल हेल्पर सेल न्यूट्रोफिलो मैक्रोफेजेस का भी नंबर कम नहीं होने दे रही है क्योंकि अगर मैक्रोफेज कम हो गए तो ये जिनको बाइंड करके एंटीबॉडी बैठी हुई है पकड़ के उनको खाएगा कौन? तो एंटीबॉडी किसी को नहीं खाती, खाता मैक्रोफेज ही है, पर एंटीबॉडी पकड़ के तो रख ली ना, चिपका के रखी हुई है इन्फेक्शन को ब्लड के। साथ में टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल को जगाती, जगो जगो जगो, और उन इन्फेक्शियस सेल को ही मार दो जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है। तो इस तरीके से टी हेल्पर सेल इनका भी नंबर बढ़ा के रखती है, इनको भी जो है एंटीबॉडीज को भी बनवाती है वो बी सेल को बोल के, और टी साइटोटॉक्सिक सेल जो उन सेल्स को ही मार देते हैं बॉडी के, जो अपनी ही सेल को मार देते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ था। तो आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल होती है वो होती है टी हेल्पर सेल, और एचआईवी में, एड्स में टी हेल्पर सेल के ऊपर ही इन्फेक्शन हो जाता है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन जाती है क्योंकि ना तो टी साइटोटॉक्सिक सेल बनेगी, ना तो बी सेल ढंग से बनेगी, ना तो मैक्रोफेजेस ढंग से बनेंगे। तो टी हेल्पर सेल सबकी मदद करती रहती है, समझ आ गई बात। सो ये हुआ आपका मैकेनिज्म एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब इसको मैं ज़्यादा बार बार नहीं बोलूंगी, अदरवाइज मेरा समय चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, डन हो गया इतनी बात, ठीक। तो आपको समझ में आया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में, टी सेल तीन प्रकार के, हेल्पर सप्रेसर साइटोटॉक्सिक। सप्रेसर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, जब रिस्पॉन्स बहुत तेज हो जाता है तो सप्रेसर काम करती है। आ गई बात ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपके एंटीबॉडी से आप इन्फेक्शन को पकड़ रहे हैं, ये है आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, हम उन सेल्स को ही मार डालेगा जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ही हम ये पहचानते हैं कि कौन सी सेल हमारी है और कौन सी सेल हमारी नहीं है। टी जो सेल होती है ना, टी हेल्पर सेल, वो पहचानती है कि डेंड्राइटिक सेल को मत मारना क्योंकि डेंड्राइटिक सेल में जो बैक्टीरिया ऊपर लगे हुए हैं वो तो ये प्रेजेंट कर रहा है बेचारा, ये अच्छा कर रहा है, उसको मत मारना। डेंड्राइटिक सेल के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं MHC2, ठीक है। और नॉर्मल टी सेल जो होती है, ध्यान समझना, नॉर्मल जो टी सेल्स होती हैं वो टी सेल आपकी बॉडी की सेल को क्यों नहीं मारती, क्योंकि हर बॉडी के सेल में एक रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं MHC1। मेरा MHC1 चिंटू के MHC1 से नहीं मिलेगा, मेरा MHC1 मिंटू के MHC1 से नहीं मिलेगा। तो टी जो सेल होती हैं वो अपनी सेल को कभी नहीं मार सकती, वो हमेशा दूसरों से आई हुई सेल को मारती है। तो मान लो किसी सेल को इन्फेक्शन हो गया है तो अब उस इन्फेक्शियस सेल के ऊपर बैक्टीरिया का भी MHC शो हो रहा है और वो जाके तुरंत उसे खच 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 मार देगी। क्लियर है, तो नॉर्मल बॉडी की सेल MHC1 मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, थोड़ा लेवल ज्यादा है पर ये समझ लोगे तो जीवन भर समझोगे। डेंड्राइटिक सेल के ऊपर कौन सा, MHC2 मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपको बताती हूं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। चलिए देखिए क्या, अब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में एक ह्यूमर बह रहा है, ह्यूमर का मतलब है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी बह रही, उमर का मतलब बॉडी, तो कौन सी बॉडी, एंटीबॉडी बह रही है। हर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो इसमें आपको दो चेन्स दिखाई देंगी, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको दिखाई देंगी दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। देखो ध्यान से, इधर इधर आओ, ठीक है। ये दिख रही है आपको, थोड़ा कलर लेती हूँ, देखो ये दिख रही है आपको लाइट चेन, ठीक है। ये है आपकी लाइट चेन, लाइट चेन, ठीक है। और ये बेटा आपको दिख रही है हैवी चेन, ये दिस इज द हैवी चेन, ठीक है। तो
है, दो होती हैं हैवी चेन, ये है लाइट चेन, ये है एक लाइट चेन, ये एक लाइट चेन, ये एक हैवी चेन, ये और दूसरी हैवी चेन ये, ठीक है। तो बेसिकली ये होती हैं आपकी एंटीबॉडी, वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स की बनी होती हैं और इनका नाम बेटा जी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, ठीक है। जैसे इनको मैसेज मिलता है कि ये एंटीजन के लिए तू, ये बोले कि मैं हूँ इस एंटीजन को मैं मारूंगी, तो हेल विल ब्रेक रूल्स, हेल ये इतनी धड़ाधड़ जो है डिवाइड होंगी और पकड़ के बैठे रहेंगे, मैक्रोफेज आके उनको खा लेगा। मैक्रोफेज को भी कौन बुला रहा है, जगह रहो अभी आ रहा है इन्फेक्शन, हेल्पर सेल। इसको कौन बताता है, हेल्पर सेल। अगर किसी इन्फेक्शियस सेल को मारना है जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा है, कौन मारेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल, कौन बोलेगा, हेल्पर टी सेल, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन मेड अप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन, दो चेन है, दो हैवी और दो लाइट। यहां पर अगर आपको कोई एरिया दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहीं पर इन्फेक्शन को ये बाइंड करके बैठी हुई होती है। क्लियर है, समझ में आई बात। पांच प्रकार के एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज का सिग्नल होता है आईजी, सिग्नल मतलब सिंबल होता है आईजी, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। पांच प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक्चुअली होती है पांच प्रकार की, इसमें लिखा नहीं है। एक होती है आईजीडी, ठीक है, एक होती है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी और आईजीडी, पांच प्रकार की होती हैं, ठीक है। वाई शेप का स्ट्रक्चर है, इसमें दो लाइट चेन और दो हैवी चेन होती है, इसीलिए इसको हम H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई है ये, एल नहीं है, ठीक है। आईजीजी सबसे प्रिवलेंट, सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीजी, ठीक है, उसके बाद आईजीए और आईजीएम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि आईजीए जो होती है वो मदर के फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसमें आईजीए नाम की एंटीबॉडी होती है। एक और जो कहानी मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आईजीजी नाम की जो एंटीबॉडी होती है, जो कि सबसे ज्यादा होती है, ये आपके प्लेसेंटा से भी पास हो सकती है। तो दो पॉइंट आपको एंटीबॉडी में याद करने हैं, क्लियर है, बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें, ओके। नाउ आगे हम अपन बात करते हैं कि इसकी टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स प्राइमरी सेकेंडरी, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, वन ऑन द बेसिस ऑफ सेल बी सेल और टी सेल। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे, अब हम इम्यूनिटी पढ़ते हैं। दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। सब एनसीईआरटी से लिया है, कहीं कुछ अलग सा नहीं है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि मान लो प्राइमरी, जैसा मैंने आपको रिस्पॉन्स पढ़ा है, तो पहली बार जब इन्फेक्शन घुसता है तो बॉडी इतना जोर से रिस्पॉन्स नहीं करती कि पहले पहचानती है, ओ तू आया है, ठीक है, तेरे एंटीबॉडी बनाते हैं। वो एंटीबॉडी, ध्यान से सुनना, इधर देखो, कम ऑन एवरीबॉडी, देखो ध्यान से। जब हम कोई भी एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी बनाते हैं, तो एंटीबॉडी बनाने के लिए बोन मैरो में होती है प्लाज्मा सेल्स। क्या होती है? प्लाज्मा सेल्स जो होती है, ये एक एंटीबॉडी बनाती है और एक बनाती है मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल जो होती है, ये किस चीज़ के लिए रहती है? फ्यूचर के लिए बैठी रहती हैं, और जैसे इन्फेक्शन आता है ये धड़ाधड़ डिवाइड होकर एंटीबॉडी बनाना शुरू करती हैं। तो जब भी आप नेचुरली किसी इन्फेक्शन से लड़ रहे हो तो ये होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी गाँव वाले बच्चों की भयंकर रहती, भयंकर, क्योंकि वो इतने सारे इन्फेक्शन के से एनकाउंटर हो चुके होते हैं कि उनके में हर चीज़ के लिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स तैयार रहता है। शहर वाले बच्चे इतने सारे इन्फेक्शन से इनकाउंटर ही नहीं होते, तो बेचारे लोगों कभी इनकाउंटर ही नहीं होंगे, तो इन्फेक्शन जो है कैसे पहचानेंगे वो, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमको मिलती है वैक्सीनेशन से। हम किसी हीट किल्ड या डेड पैथोजन को आपकी बॉडी में डाल देते हैं, बॉडी सोचती है इन्फेक्शन आया है, ठीक है, उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसलिए फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन में आपको बुखार आता है क्योंकि बॉडी समझती है, रिस्पॉन्स जनरेट करती है। सेकेंड वाले में कुछ नहीं होगा क्योंकि सेकेंड वाले में मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बैठी हुई हैं। जैसे ही आपने जो है सेकेंड डोज लगाया, हीट किल्ड इनएक्टिवेटेड पैथोजन को आपकी बॉडी को दिया, बॉडी तुरंत बनी है तो वही है जो दो साल पहले आया था, चलो मारते, तुरंत मेमोरी सेल डिवाइड हुई, एंटीबॉडीज बनी, उसको किल कर दिया। इसलिए सेकेंड डोज में कोई सिम्टम नहीं आता क्योंकि हम रेडी थे इन्फेक्शन के लिए, क्लियर है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो नॉर्मली आपकी रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, और इसीलिए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है चिकन पॉक्स में होती है, जिसमें दोबारा इन्फेक्शन कभी नहीं होता,
ठीक है, रेयर केसेस की बात छोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल में होता है वैक्सीनेशन। उसके बाद होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, ये भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी माँ के दूध से जो बच्चे को मिलती है, पैसिव मतलब आप एंटीबॉडीज पिला दे रहे हो किसी को, यहाँ पर आप एंटीबॉडी जनरेट करते हो एक्टिव में, पैसिव में किसी को पिला दे रहे हो। तो नेचुरल मतलब माँ के दूध में जो एंटीबॉडी मिली होती है आईजीए, वो माँ अपने बच्चे को दूध से पिला देती है, ये होती है नेचुरल। एक होती है आर्टिफिशियल, जब आपको जो है जब आप गिर जाते, जब आप छिल जाते, तो आपको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे हम एंटी टिटनेस सीरम कहते हैं। तो आपको उस टिटनेस के सीरम में एंटीबॉडीज पिला दी जाती है, मतलब इंजेक्शन में घुसा दी जाती हैं। इसीलिए हर 6 महीने, इसकी वैलिडिटी कितनी है, 6 महीने तक, 6 महीने, ये कोई मेमोरी फेमरी नहीं बनाएंगे, ये जो है 6 महीने तक वैलिड रहेंगे, 6 महीने के बाद आपको ये टिटनेस का इंजेक्शन वापस से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से जा रही, माँ के दूध से जा रही, वो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एंटी टिटनेस सीरम इज द आर्टिफिशियल, क्लियर है, एक्टिव और पैसिव, डन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि आपने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, एक्टिव इम्यूनिटी में आपने ये पढ़ा कि एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। वैक्सीनेशन जो होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक और मुझे टर्म एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है। देखो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, जब आप वैक्सीन लगा रहे हैं इट इज़ वैक्सीनेशन, पर उस वैक्सीन के बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, इट इज़ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, समझ में आई बात। तो इम्यूनाइजेशन कब होता है, जब आपकी बॉडी में मेमोरी बने, नहीं बनेगी तो आप कभी भी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएंगे वैक्सीन लगाने के बाद भी, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो होता है, इम्यूनाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, आपने बाहर से एंटीबॉडीज पिला दी किसी को, ठीक है, जिसमें हमने एंटी टिटनेस सीरम के बारे में पढ़ा, पर हमको यहाँ पे पढ़ना है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है। जैसे एंटी टिटनेस सीरम इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन, चलिए देखते हैं वैक्सीन क्या होती हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर बेटा जी वैक्सीन्स आती हैं, क्लियर है, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। बायोलॉजी एक बहुत ही क्यूट सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सुंदर राजदुलारा सा सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता बेटा, एकदम लल्लू सा सब्जेक्ट है यार। वन शॉट रिवीजन कर लिया, क्या क्या नहीं पढ़ डाला, सब हमको क्लियर होता जा रहा है। ज़्यादा स्पीड लग रही है मैम की आवाज़, तो धीरे कर लो, ज़्यादा धीरे लग रहा है तो तेज़ कर लो, वैसे धीरे लगने का तो कोई सवाल नहीं। कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। शेयर द सेशन टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, उनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया का बेस्ट वन शॉट, लो पढ़ो यार, पढ़ लो, इसमें सब एनसीईआरटी कंप्लीट है, इसको तुमने देख लिया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो, एक्टिव इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन क्या होता है, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन और एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन, ठीक है। तो बेसिकली वैक्सीन में हम क्या लगाते हैं, किसी भी इन्फेक्शन के लिए अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो उस इन्फेक्शन का इनएक्टिवेटेड पैथोजन, हीट किल्ड पैथोजन, ठीक है, उस इन्फेक्शन का कुछ एक पार्टिकल आपको दे दिया जाता है, बॉडी उसको सोचती ये तो मेरा नहीं था, और बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करती है, क्लियर है, समझ में आई बात। अब रिस्पॉन्स जो है, जब इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा तो वहीं किल कर देंगे, बाद में वो एक मेमोरी सेल बना के रखती है, जैसे दोबारा इनकाउंटर होगा मेमोरी सेल डिवाइड होगी और इन्फेक्शन को किल कर देगी, ठीक है। वैक्सीन्स जो होती है, इसके अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि मेमोरी बी और टी सेल को जनरेट करे, बी सेल भी और टी सेल भी, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटीबॉडी बनाना, टी सेल भी, साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बनाना, हेल्पर बनाना, वो सब बनाती है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग प्रकार की वैक्सीन है, जो है हेपेटाइटिस की वैक्सीन, डीपीटी की वैक्सीन, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन। वैक्सीन्स जो होती है हमारे पास 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो वैक्सीन होती है, ये बड़ी ही कॉमन टाइप की वैक्सीन है, जिस जो कन्वेंशनल मेथड से बनाई जाती है, हमने पैथोजन लिया, उसको हीट किल्ड किया या इनएक्टिवेटेड किया, जिसको हम एटेन्यूएटेड भी कहते हैं, फिर आपकी बॉडी में घुसा दिया गया, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन और बेसिलस कालमेट-ग्यूराइन। ओरल पोलियो वैक्सीन और बेसिलस कालमेट-ग्यूराइन, ये दो वैक्सीन जो है कन्वेंशनल मेथड से तैयार की जाती हैं। इवन कोरोना की भी एक वैक्सीन है जो कन्वेंशनल मेथड से तैयार की गई है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो इस समय बड़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है, जो कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, ठीक है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कैसे होती है, ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है, पर आपको बता देती हूँ, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट रिवीजन करेंगे तो आपको मैं ये प्रिपरेशन सिखाऊंगी कि कैसे हम वैक्सीन्स को बनाते हैं बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वैक्सीन है, ये चीज़ मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के वन शॉट में सिखाऊंगी, ठीक है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन सिंथेटिक वैक्सीन है, मतलब हमने उस
वायरस का जो है डिज़ाइन कर लिया है कोई डीएनए ने और डिज़ाइन करके किसी की बॉडी में भेज रहे हैं, फिर बॉडी उसको समझे प्रोटीन फॉरेन और फिर जनरेट करे। तो ये सिंथेटिक वैक्सीन आज भी ट्रायल में है, ठीक है, समझ में आई बात। आइए, पैसिव इम्यूनाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको एंटीबॉडीज पिला दी जाए, जैसे कि टेटनस का एंटी टेटनस जो सीरम है वो आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इतनी बात आपको क्लियर हुई, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, तुमने पूरी डिजीजेस पढ़ ली, तुमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ ली, तुमने टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स पढ़ लिया, तुमने टाइप्स ऑफ तुमने एंटीबॉडीज पढ़ ली, तुमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं एलर्जीज के बारे में, ठीक है। एलर्जीज क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एलर्जीज। एलर्जीज का मतलब होता है बॉडी का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, समझ में आ रही बात। बॉडी का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को हम एलर्जीज कहते हैं, ठीक है। बॉडी देखो, जैसे कि मैं हूँ ना, मैं हर बार जब भी मैं ये पढ़ाती हूँ ये चैप्टर, और अगर ये मैं ना बताऊँ तो मेरे पेट में खाना नहीं पचता। ऑटो इम्यूनिटी के बाद कौन सा टॉपिक है, एड्स आएगा, ठीक है, चलो आ जाओ। अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एड्स के बाद कैंसर, फिर अपना अल्कोहल वाला का हम शुरू, ठीक है। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और अगर मैं ये स्टोरी ना बताऊँ तो मेरे पेट में खाना नहीं पचेगा, तो मैं बताऊँगी, ठीक है। मेरा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा था और मुझे डॉक्टर ने एक वो दिया, दैट एक एंटीबायोटिक दी, इसका नाम था ओफ्लॉक्सासिन। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा पूरा हाथ पैर सूज गया, पूरा रेड हो गया है, ठीक ठीक, और इतना मोटे हो गया था, मोटा मोटा हाथ पैर बन गया था, आँख से आंसू निकले जा रहे हैं, ठीक, समझ में नहीं आया क्या हो रहा, मुझे लगा दांत वात में दर्द होगा शायद, इतने मोटे मोटे हाथ ही पाँव गए, एलिफेंटियासिस जैसा दिख रहा था। फिर डॉक्टर के पास दूसरे दिन मैं वापस गई, डॉक्टर ने बोला क्या खाया था, मैंने बोला ओफ्लॉक्सासिन, डॉक्टर ने बोला मना करो, अब डॉक्टर तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारियाँ तो लेता ही नहीं वैसे भी आजकल, तो बोला बंद करो, ठीक है। फिर मुझे समझ में आया कि ओफ्लॉक्सासिन से बेसिकली मुझे एलर्जी थी। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, किसी दूसरे लाइफ को मारने के लिए आपने एक लाइफ ही तो ली है भाई। एंटीबायोटिक क्या है, फंगस के द्वारा बनाया गया वो प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल आप दूसरे बैक्टीरियाज को मारने के लिए कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली है तो वो फंगस का ही प्रोडक्ट ना, बॉडी ने उसको फॉरन समझ लिया, रिस्पॉन्स जनरेट करने लगा, इसे हम एलर्जीज कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसीलिए डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर जो हमेशा पूछता है कि आपको किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी तो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी को एंटीबायोटिक से एलर्जी हो ही, ज़रूरी नहीं ऐसा। किसी को पोलन ग्रेन से होती, किसी को तेल से होती, किसी को जानवरों से होती, किसी को किसी फ्रूट से होती है, किसी को मछलियों से होती है, एग से होती है, फ्लावर से होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के प्रति बॉडी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगती है। सो इट इज़ एग्जैसरेटेड और हाइपर सेंसिटिव, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा इसमें, ठीक है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इन जो भी एनवायरनमेंट, जो भी आपके शरीर में घुस रहा है, इसको हम एलर्जन कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है, एनिमल के बाल हो सकते हैं, ठीक है, साबुन हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड एलर्जी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो होती है IgE, ठीक है। सबसे बड़ी एंटीबॉडी IgM होती है, दूध में कोलेस्ट्रॉल में मिलती IgA, प्लेसेंटा से पास हो सकती है IgG, एलर्जी में होती है IgE, क्लियर है, समझ में आई बात। IgE जो होता है ये क्यों होता है ये समझिए, आपकी बॉडी जो होती है, ठीक है, आपकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मास्ट सेल। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त, ठीक है। आपकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे कहते हैं मास्ट सेल। जैसे ही आपकी बॉडी में क्या निकलता है, जैसे ही आपकी बॉडी में निकलता है एलर्जन घुसते हैं, आपकी बॉडी में मास्ट सेल दो प्रकार के केमिकल निकालना शुरू करती है। एक होता है हिस्टामाइन और एक होता है सीरोटोनिन। हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन की वजह से आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है। उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत दबाव से और बहुत तेज होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत तेज छींके आने लग सकती हैं, आपका चेहरा लाल हो सकता है, आपको चकत्ते पड़ सकते हैं, फुंसियाँ हो सकती है, खुजली होने लगेगी, बर्निंग होने लगेगी, ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी, बहुत सारे ऐसे सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिए कि अगर किसी को ये पता लगाना है कि किसी को एलर्जी है या नहीं है, तो उसका स्मॉल डोज जो है, आपको पता है एलर्जी का टेस्ट ही ऐसे किया जाता है, किसी का ये पता लगाना है कि उसको एलर्जी है या नहीं, कि स्मॉल स्मॉल डोजेज ऑफ एलर्जन को घुसा दिया जाता है, क्लियर है। फिर उसको बोल देते हैं 24 घंटे बाद आइयो तू, ठीक है। जब हम सुबह उठे तो देखना ध्यान से, किसी भी एलर्जन के सामने जो है चारों तरफ रेड जोन जो है थोड़ा सा ही बनेगा, पर एक एलर्जन ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं, एक एलर्जन ऐसा था जिसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा रेडनेस जोन बना, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एलर्जन जब आपकी बॉडी में घुसा
तो उस जगह पर मास्ट सेल पहुंच गई कि ये नहीं घुसने पाए, ये तो बॉडी नहीं रिसीव कर पा रही। बॉडी ने उसको तुरंत फॉरेन समझा, धड़ाधड़ WBC उस जगह पे पहुंची, मास्ट सेल वहां पे पहुंची और इन्होंने केमिकल्स निकाले, लड़ाई झगड़ा हुआ, इसलिए वो रेडनेस जोन आपको बड़ा दिखाई दिया। वो ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में आप इस एलर्जन का इस्तेमाल कभी भी मत करना, ये साबुन मत लगाना, ये तेल मत खाना, ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामाइंस, ठीक है, एंटीहिस्टामाइंस क्या करते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करते हैं, आपको काम करते हैं, उस जगह पर WBC का सर्कुलेशन कम करते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा कम होता है। एड्रेनलिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स कम हो सके, ठीक है। इसमें सेट्रिजिन एक दवाई खाते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स धीरे हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है आजकल लाइफस्टाइल एलर्जी डिसऑर्डर है, जैसे कि एक एस्थमा, एस्थमा जो होता है इसमें ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, ठीक है, मतलब बेसिकली आपका पोलन के अंदर घुसा, इरोड किया, बॉडी सोची हुई ये तो है नहीं मेरा, धड़ाधड़ WBC जगह पे आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्लियर है। तो फिर हम क्या करते हैं, इनहेलर्स लेते हैं, ठीक है, जो ब्रोंकियल दब रही हैं ड्यू टू द सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, हिस्टामाइन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हम इनहेलर देते हैं, इनहेलर से ब्रोंकियल फिर से डायलेट होते हैं और हवा अंदर जाने लगती है। क्लियर हुई इतनी बात? नाउ नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ रहा है ना? वन शॉट रिवीजन ऐसे ही होते हैं बेटा, पता है, थोड़ा फास्ट होते हैं, मैं क्या करूं, देखो तुमने, मैंने तो इतना सारा लिखा भी नहीं आज, नॉर्मली मैं प्यार प्यार से धीरे धीरे से पुचकार पुचकार के पढ़ाती हूं, पर वन शॉट रिवीजन देना है तो ऐसे ही चलेगा ना बेटा, मैं क्या करूं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रही हूं, शिप्रा मैम की क्लास में आओगे तो कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो, पूछते रहो, समझ में आ रही बात? आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की, ठीक है। जैसा कि शिप्रा मैम आप बता रही थी कि हमारी पूरी बॉडी में, ध्यान से देखना, हमारी पूरी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर होता है हर सेल में, ठीक है। इस रिसेप्टर को हम कहते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है, बीलीटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको MHC1 कहते हैं, ठीक है। MHC2 कहाँ होता है, डेंड्राइटिक सेल में। हर बॉडी का MHC1 दूसरे बॉडी के MHC1 से अलग होता है, ठीक है। मेरा MHC1 भूषण के MHC1 से कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। कई बार बॉडी, अच्छा इसी वजह से हम दूसरों के सेल नहीं ले पाते। अब RBC की बात अलग है, क्योंकि RBC का के ऊपर कोई MHC एंटीजन नहीं होता। अब कई बार ऐसा होता है कि बॉडी अपनी, अच्छा इसका मैकेनिज्म ऑटो इम्यूनिटी का क्या है किसी को नहीं पता है, क्यों होता है ऐसा। कई बार बॉडी अपनी सेल और दूसरों के सेल में अंतर करना भूल जाती है और वो अपनी ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, अपने खिलाफ इम्यूनिटी कर ली आपने, ठीक है। तो ये क्यों होता है, रीज़न अननोन है, जेनेटिक रीजंस की वजह से हो सकता है, बॉडी अपनी ही सेल्स को अटैक करने लगती है, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज़ अ मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्वड इन हायर वर्टिब्रेट्स, ये छोड़ दो, ठीक है। इसमें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, आप अपने बोन्स के जो है बहुत सारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप अपने बोन्स का जो जॉइंट होता है उसके खिलाफ आप एंटीबॉडीज बना के घूम रहे हो, हर जॉइंट के बीच में एंटीबॉडीज बैठी हुई, जॉइंट मूव करोगे तो आपको दर्द होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये परेशानियां आपको हो सकती हैं, समझ में आ गई बात। तो ऑटो इम्यूनिटी की एक ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, यहां तक क्लियर हो गई आपको बात? चलो, तो ये हुआ आपकी ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज है, जैसे कि डायबिटीज़ जो होती है, एक प्रकार की डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो है ये भी कैसी होती है आपकी, IDDM कहते हैं हम इसको, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें हम पेंक्रियास की बीटा सेल्स के खिलाफ ही एंटीबायोटिक बनाने लगते हैं, एंटीबायोटिक बोल रहे हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। सो बेटा जी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ठीक है, मेलाइटिस, ठीक है, ये हो गई आपकी मेलाइटिस,
ओके, ये जो बीमारी होती है इसमें आप अपनी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हो और आपको मतलब बाय बर्थ जिनको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, वो इन्हीं को उनको यही बीमारी होती है ऑटोइम्यूनिटी वाली, क्लियर। फिर क्या करते हैं हम लोग उनको, फिर कुछ नहीं करते, फिर उनको हॉर्मोन्स के इंजेक्शन बचपन से लगाना शुरू करते हैं। ऐसी होती है माइस्थीनिया ग्रेविस। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं और इसका रीज़न आज तक किसी को पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक बहुत ही ट्रिमेंडस क्वालिटी होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचानने की। क्योंकि आपकी बॉडी के हर सेल के पास कौन सा एंटीजन होता है बेटा जी, MHC1 एंटीजन, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेरा सेल भूषण के सेल के पास है या नहीं है, भूषण की बॉडी में कौन सा सेल हम पहचान सकते हैं, क्योंकि मेरे सेल्स के ऊपर जो MHC है वो भूषण के सेल के MHC में नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है आपके, हम इसी तरीके से टिश्यू मैच करते हैं। तो अगर आपने किसी और की सेल ले ली तो बॉडी तुरंत पहचान जाती है, कौन सी इम्यूनिटी पहचान जाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पहचान जाती है। टी हेल्पर सेल तुरंत टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को बनाना शुरू करते हैं और उन सेल्स को मार दिया जाता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही एक ऐसी इम्यूनिटी है जिससे हम सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जितने लोगों का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का ही होता है। सो दिस इज द सेल, समझ में आई आपको बात, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल्स को मार के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी टी सेल सेल्स को मार देती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, पर उनको कौन कौन बोलता है बेटा उठ जा चल उसको मारना है, उनको बोलती है टी हेल्पर सेल, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्शन को पकड़ना है तो कौन काम करेगा, बी सेल, पर बी सेल को भी कौन बोलता है जाकर, बी सेल को बनाती प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल को कौन बोलता है जाकर, है टी हेल्पर सेल, चलो बेटा उठ जाओ मारना है अपने को, मतलब पकड़ के रखना है। फिर मैक्रोफेजेस आएंगे और उनको खा लेंगी, क्लियर है। अब हम लोग इस चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आफ्टर द मलेरिया है तो वो HIV है, एड्स है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये सीख लें कि HIV और एड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर किसी बंदे को HIV है, ठीक है, HIV इज़ द वायरस ऑफ द एड्स, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, भगवान ऐसा लग रहा पैर से लिख रही हो, डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इस वायरस से आपको एड्स होता है। अगर किसी को हमने बोला तेरे को HIV हो गया है तो क्या उसको एग्जैक्टली एड्स हुआ है, नहीं। जब आपका वायरस सबसे पहले एनकाउंटर होता है, ठीक है, क्या होता है, एनकाउंटर होता है, और अगर आपके ब्लड में HIV मिला, ठीक है, ब्लड में क्या हुआ, HIV मिला, तो आप बोलते हैं कि यू आर HIV इन्फेक्टेड पर्सन। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी एड्स हुआ है, मान लो कुछ समय हो गया, ठीक है, मान लो 10 साल हो सकता है, 5 से कितने साल हो गए हैं, 10 साल, ये 5 से 10 साल तक आपका जो HIV है वो आपके बॉडी में पड़ा रहता है, ठीक है। धीरे 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 करके ये आपकी कौन से सेल्स को अटैक करता है, टी हेल्पर सेल, ठीक है, किसको अटैक करता है बेटा, टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, टी हेल्पर सेल को मार डालता है। कैसे मारेगा वो बाद में बात करूंगी, टी हेल्पर सेल को किल करना शुरू करता है। और आपको पता है कि टी हेल्पर सेल्स तो बहुत सारे काम करती है, टी हेल्पर सेल्स बी सेल भी बनवाती है, टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल भी बनाते हैं, टी हेल्पर सेल मोटिवेशन बना के रखती है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल का ताकि तुम कम मत होना जब तक इन्फेक्शन है, तो टी हेल्पर सेल ही कम होने लगते हैं। तो बॉडी की जितनी भी एक्वायर्ड इम्यून वाली सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन में लड़ने में काम करती हैं, सब कम होने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम जो है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो क्या होने लगती है, लल्ला, आपकी इम्यूनिटी गिरना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी इम्यूनिटी गिरना शुरू हो जाएगी तो आपको विभिन्न प्रकार की डिजीजेस हो जाएंगी। कौन सी डिजीज होगी, आपको डिजीज होगी कैंसर, आपको डिजीज होगी TB, आपको डिजीज होगी स्किन की, ठीक है, आपको डिजीज होगी न्यूमोसिस्टिस कार्नाई का इन्फेक्शन जब इम्यूनिटी डाउन होती तब होता ही है, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हो जाएंगी और आदमी जो है ये, जब ये होना शुरू हो जाए तब हम ये बोलते हैं कि तुझे एड्स हो गया है। तो जब प्रोलॉन्ग्ड समय तक HIV आपके शरीर में पड़ा रहता है तो टी हेल्पर सेल मरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती है। इसे हम अब एड्स कहते हैं।
हम HIV का कभी भी कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, बस हाँ कुछ अच्छी दवाइयाँ खाकर हम किसी भी पर्सन की थोड़ी सी लाइफ बढ़ा सकते हैं, बाकी क्योर तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो एड्स वाले पेशेंट की मृत्यु इन बीमारियों से होने लग जाती है, एड्स तक तो पहुँच ही नहीं पाता कि एड्स से मर गया वो, ज़्यादातर वो इन्हीं बीमारियों से मर जाता है। ठीक है, आइए। हाँ, तो अपन एड्स शुरू कर रहे थे। तो HIV का, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब मैंने आपको बताया कि HIV का जो पेशेंट है, जो एड्स का पेशेंट है, एड्स से कभी मरता ही नहीं है, उसमें बहुत सारे बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं फैलना। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होने लग जाते हैं, समझ में आई बात। और इसमें आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस होने लग जाता है। ये जिस बीमारी से होता है, मतलब ये जिस वायरस से होता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस होता है, ये होता है आपका RNA वायरस बेटा। कौन सा वायरस होता है? दिस इज द RNA वायरस। क्लियर है? ये जो RNA वायरस होता है कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। ठीक है, अब यहां पे मोटा चल नहीं रहा है, बट लेट मी चेक। ठीक है, ये होता है RNA वायरस। ये देखो RNA वायरस। ठीक है, डन हो गया इतनी बात। ठीक, ये हो गया आपका RNA वायरस। इस RNA वायरस के पास, इनके ये डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है आपका, और इस RNA वायरस के पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्लियर है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहते हैं। क्लियर है? सो ये बात आपको क्लियर हुई कि ये जो वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, इसके पास एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम होता है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहते हैं। अब आइए इसकी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, 1920 में कुछ लोग कांगो में थे। ठीक है, कुछ लोग कांगो में थे और उनका मन किया कि आज हम चिंपैंजी का शिकार करेंगे। थोड़ी वियर्ड सी चीज़ है, पर ठीक है यार, मान लो क्या दिक्कत है। तो 1920 में कुछ लोग जो है वो सोचे कि हम किसका शिकार करें बेटा, हम शिकार करेंगे दैट किसका, क्या नाम है यार उसका, चिंपैंजी का। हम बोले चिंपैंजी खाएंगे मार के। ठीक है, 1920 में कांगो में लोग चिंपैंजी खाना शुरू किए, मतलब गए खा। ठीक, अब क्या हुआ, जो चिंपैंजी था उसको मार ही रहे थे, पत्थर से मार रहे थे, दचड़ दचड़ के मारे जा रहे थे। उस चिंपैंजी को था HIV वायरस का इन्फेक्शन। अब ह्यूमन बीइंग्स में जैसे ही वो चिंपैंजी को पकड़ना शुरू किए, तो चिंपैंजी ने खरोच मार दिया होगा। खरोच मारने के फलस्वरूप हुआ ये कि जो वायरस था वो ह्यूमन बॉडी में आ गया, और इस तरीके से पूरे अफ्रीका में वो फैलता रहा। ठीक है, पर हुआ ये कि सबसे पहले 1980 में, ठीक है ध्यान सुनो, कांगो में सबसे पहले जो है चिंपैंजी से ये बीमारी शुरू हुई। 1980 में जो है बहुत सारी जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन थी उसमें एक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होने लगा जिसको हम कहते हैं न्यूमोसिस्टिस कारनाई। ठीक है, न्यूमोसिस्टिस कारनाई। ये इन्फेक्शन जनरली लोगों को तब होता है जब उसका इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो 1980 में साउथ अमेरिका के लोगों को, जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन थी, जिनको हम गे कहते हैं, गे पॉपुलेशन में ये जो है वायरस का, मतलब बेसिकली ये वायरस नहीं, ये न्यूमोसिस्टिस कारनाई के इन्फेक्शन जो है बहुत फैलने लगे। लोगों ने ये सोचा कि ये इम्यून सिस्टम गिरने पर ही वाली बीमारी होती है। ठीक, बाद में जो है HIV को HIV नाम देने की बजाय, एड्स नाम देने की बजाय, ठीक है, गे रिलेटेड जो है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ग्रिड नाम दिया गया। ठीक है, गे रिलेटेड इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो रिपोर्टेड केस है अमेरिका में 1981 में मिला, और एक्चुअली आपको यही याद करना है 1981 में। ठीक है, लोगों को ये समझ में आया कि होमोसेक्सुअल में ही ये बीमारी मिले ज़रूरी नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल्स में भी ये बीमारी मिल सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कांगो से ये कहानी शुरू हुई और 1981 में फर्स्ट अमेरिका में हमें ये डिटेक्ट मिला, पर शुरू ये साउथ अफ्रीका से हुआ था। ठीक है, सो दिस इज द HIV। अब HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है बच्चों? सीधी बात है, क्या कभी किसी को किस करने से HIV हो सकता है? ठीक है, बेसिकली HIV फैलने के लिए बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैम जब किस करते हैं तो सलाइवा भी तो चला जाता है, तो कि सलाइवा से नहीं हो सकता? नहीं, सलाइवा में HIV का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को नहीं फैल सकती। क्लियर है? तो फिर कौन सा फ्लूइड होना चाहिए? ये फैल जाता है आपके सीमेन से, ये फैल जाता है आपके ब्लड से।
ठीक है ओके। तो इस तरीके से जो है जनरली ये बीमारी फैलती है। किस किस तरीके से? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर जैसे मल्टीपल पार्टनर्स हैं, पर मल्टीपल पार्टनर्स में किसी को भी HIV नहीं है तो आपको नहीं फैलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं पर अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीमारी 99.9% होता है कि ना हो, नहीं होगी, पर हमेशा 0.1% का रिस्क तो बना ही रहता है। क्लियर है? तो 99.9% है कि नहीं होगा, पर 0.1% का रिस्क भी क्यों लेना। सो मल्टीपल पार्टनर्स वैसे भी नहीं होने चाहिए जिसको आप नहीं जानते हैं, या जिसको पार्टनर को उसको खुद को HIV उसको पता नहीं है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स होने पर ये हो सकता है, ठीक है। नाउ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं। चलो तो ये हुआ, अब आपका कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड, देखो ये मेरे रूम में एक बहुत ही बड़ा मच्छर घूम रहा है, पर कोई बात नहीं, आ जाओ देखो, ठीक है। सो कंटामिनेटेड ब्लड फूड बोल रही हूँ मैं, कंटामिनेटेड ब्लड है, जैसे किसी को HIV है और अगर आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, थैलेसीमिया हो गया, उसमें आपको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और अगर गलती से किसी इन्फेक्टेड HIV पेशेंट का ब्लड आपने चढ़ा लिया तो आपके अंदर भी वायरस पहुँच सकता है। इसीलिए जब कोई सर्जरी होती है या किसी को ब्लड देना होता है तो हम पहले उसके ब्लड का टेस्ट करते हैं, उसमें HIV, हेपेटाइटिस, इन दोनों का टेस्ट किया जाता है, कहीं ये बीमारी तो नहीं है, ठीक है। शेयरिंग जो है, जो लोग ड्रग एब्यूज़ करते हैं, देखो ऐसे नसू लोग तो रहते ही हैं। अब नसू लोगों का क्या है, वो नशे के बाद उनको थोड़ी समझ में आता है कि उनके बाजू वाले की जो नीडल है आपने हीरोइन घुसाने के लिए, मॉर्फिन घुसाने के लिए ले ली है। सो जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं वो लोग भी जब नीडल शेयर करते हैं और अगर किसी पर्सन को क्या कहते हैं इन्फेक्शन है तो वो दूसरे पर्सन को फैल सकता है। रेजर्स जो होते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं ना नाई लोग, कभी भी उनसे जब भी वो दाढ़ी बनाते हैं उनको बोलिए कि आप फ्रेश ब्लेड का इस्तेमाल करिए, ठीक है। HIV इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को हो सकता है, पर अगर मदर को ये पता चल गया है कि HIV हो चुका है तो वो अगर डॉक्टर को बता देगी कि मुझे HIV है तो डॉक्टर बच्चे को शायद जो है प्रोटेक्ट कर ले। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जो है HIV फैलता है। पूरा NCERT के लाइन से कुछ भी अलग सा नहीं है। किनको सबसे अधिक रिस्क है मुझे बताओ? सबसे अधिक रिस्क उनको है जिनको, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, जो जिनमें जो 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 लोग इन्वॉल्व हैं उनमें ज़्यादातर ये रिस्क होता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके होते हैं वो होते हैं, जो लोग ड्रग एब्यूज़ करते हैं उनको होता है, और जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना होता है उनको होता है, और जो है मदर से बच्चे को भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, आइए अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, HIV के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, HIV जो होता है बेसिकली, HIV देखिए डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, तो एक RNA ये है, एक RNA ये है, दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर उसमें दो एंजाइम होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी दिख रहे होंगे आपको, हाँ मैम। इसके ऊपर दो प्रोटीन के कोट होते हैं, एक आपको दिख रहा होगा ये वाला और एक दिख रहा होगा ये वाला। अब क्योंकि बहुत खतरनाक वायरस है तो जो ज़्यादा नंबर वाला प्रोटीन है, ठीक है, थोड़ा इसको मैं साफ करूंगी, जो ज़्यादा नंबर वाला प्रोटीन है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, जो ज़्यादा नंबर वाला प्रोटीन है P24 उसको अंदर रख दो क्योंकि बड़ा खतरनाक है, और जो कम वाला है जैसे कि P17 इनको बाहर रख दो, कोई टेंशन नहीं। सो ये दो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो P24 कैप्सिड प्रोटीन होता है अंदर और P17 होता है बाहर, क्लियर है। उसके बाद इनके पास एक और एडिशनल कवर होता है, ये देखो ये येल्लो येल्लो आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, ये येल्लो येल्लो कलर का आपको दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये येलो वाला, ठीक है, ये जो लेयर होती है ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, ठीक है। किसकी लेयर होती है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, नॉट एग्जैक्टली ग्लाइकोप्रोटीन तो उसके ऊपर रिसेप्टर है। क्लियर हुआ यहाँ तक कहानी आपको? रुकिए, पेन नहीं आता यार, समझ में आया आपको बात? सो HIV डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, इसमें दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जुड़े हुए हैं, प्रोटीन की दो लेयर होती है, एक अंदर एक बाहर। अंदर जो लेयर होती है वो ज़्यादा वाली है P24, बाहर जो है वो कम वाली है। पी क्या है? कैप्सिड प्रोटीन्स है, छोटे छोटे कैप्सिड्स यूनिट, छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट्स के बने हुए हैं, बस इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद ये जो आपको येलो येलो लेयर दिख रही है ये बनी है लिपिड की, क्लियर है। लिपिड भी किसका लिपिड है पता तुमको? ह्यूमन बींग का ही लिपिड है ये, ठीक है। कमबख्त जो ये किसका, ये सब जो बना हुआ है किसने बनवाया? ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर ही तो बन रहा है, तो ह्यूमन बॉडी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो ले रहा है, उसी का लिपिड लेके अपनी खुद की लिपिड लेयर बनाता है।
और इसके ऊपर आपको ये स्पाइक्स जैसे दिखाई दे रहे होंगे। और अगर आप स्पाइक्स को ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये वाला जो स्पाइक्स का पेड़ जैसा दिख रहा है, ये है GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120, और ये है GP आपका 41। क्लियर है, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। सो पहले अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड जुड़ा है, उसके ऊपर पहली प्रोटीन की लेयर P24, उसके बाहर कम वाली P17, उसके ऊपर लिपिड के ऊपर होते हैं स्पाइक्स जिससे वो ह्यूमन सेल को अटैक करता है। स्पाइक्स का जो डंडा है ये बना होता है GP41 से, और जो ऊपर छज्जा बना होता है वो बनता है GP120 से। GP का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। सो आई थिंक वी हैव डन विद द स्ट्रक्चर, क्लियर है। सो ये कभी भी इस HIV फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। तो अगर आप ये हीन भावना से ग्रसित है, ओहो HIV है, भाग जाओ उसको छोड़ के, गलत बात है बेटा। उसके साथ बैठने से, खाना खाने से, चुंबन से कभी भी नहीं फैलेगा, क्लियर है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड मैं आपको बताऊं, 5 से 10 साल तक हो सकता है। हो सकता है कि 5 साल के पहले ही आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, हो सकता है कि 10 साल तक आपको कुछ नहीं हो, आप नॉर्मल जीवन जी रहे हो, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके। नाउ लाइफ साइकिल जो है अब अपन शुरू करते हैं, और लाइफ साइकिल के लिए मैं आपको NCERT का डायग्राम समझाना चाहती हूं। देखो, वायरस की तो ये कहानी ही है बेटा कि ये ह्यूमन सेल के अंदर घुस के ह्यूमन सेल की मशीनरी को यूज करता है। पर ये जो वायरस होता है इसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि DNA से हमेशा क्या बनता है, लल्ला DNA से मैम हमेशा बनता है RNA, और RNA से हमेशा बनता है प्रोटीन, क्लियर है। हमें ये चीज़ हमेशा से पता है कि DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है प्रोटीन। सोचो कभी कि अगर RNA से क्या बन जाए, DNA, ठीक है, ओके। RNA से DNA बनने की कहानी को बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो उल्टा अगर बन रहा है तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये मैम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, क्लियर। सो DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनना, DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, पर उल्टा हो गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस के लिए आपको एक विशेष प्रकार का एंजाइम चाहिए, ऐसे नहीं बन जाता। इस प्रोसेस को आप कहते हैं, इस एंजाइम को आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, क्लियर है। एंजाइम आपको चाहिए, ये एंजाइम जो है HIV के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लियर। ये बात समझ में आई आपको, नाउ आगे देखते हैं। सो रेट्रोवायरस में जो इसका प्रोटीन जो लेयर होता है, जो कवर है, ये सब बाहर ही रह जाते हैं, सिर्फ इसका जो जीनोम है वो अंदर आया, ठीक है, क्लियर है, RNA से आया। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इनका जो जीनोम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, DNA में कन्वर्ट हो गया। DNA में कन्वर्ट होना क्यों ज़रूरी है, DNA में कन्वर्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये DNA नहीं बनेगा तो ये तुम्हारे सेल के DNA से कैसे मिक्स होगा। फिर ये DNA आपके DNA के जैसा हो गया, अब ये DNA कहाँ पर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और आपके DNA के साथ मिक्स हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आपको ये नॉर्मल प्रोसेस पता है कि DNA से क्या बनता है, RNA, और RNA से बनता है प्रोटीन। अब कुछ पार्ट ऑफ DNA जो है वो RNA बना लेगा और कुछ पार्ट ऑफ DNA जो है वो प्रोटीन बना लेगा। कुछ पार्ट ऑफ DNA RNA बनाएगा तो ये जो है HIV का RNA बन गया, और कुछ पार्ट ऑफ DNA प्रोटीन बनाएगा तो उनका प्रोटीन कोड बन जाएगा, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। और उसके बाद सेल पे लोड बढ़ेगा और सेल फट जाएगी और ये HIV वायरस बाहर आ जाएंगे, क्लियर हो गई इतनी बात। फिर से देखो, RNA था, ठीक है, ये पूरा वायरस है, वायरस ने प्रोटीन छोड़ देता है, सिर्फ DNA अंदर, RNA अंदर आता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से RNA किस में कन्वर्ट हुआ, DNA में। फिर ये आपके DNA के साथ मिक्स हुआ, आपका DNA रेप्लिकेट हुआ तो इसका भी जो DNA है वो रेप्लिकेट हुआ। पर DNA किसने अपने DNA से क्या बनाया, अब RNA बनाया, RNA से प्रोटीन बनाया। कुछ DNA ने RNA बना लिया तो किस क्या बना के रेडी हो गए हैं, ये अपना RNA बना के रेडी हो गए हैं। और कुछ RNA ने फिर आगे चल के प्रोटीन बना लिया तो उन्होंने प्रोटीन का कवर बना लिया तो RNA के ऊपर कवर भी बन गया। इस तरीके से सेल के अंदर HIV का लोड बढ़ा, सेल बूम से फट गई और HIV वायरस बाहर आ गया बेटा। अब जनरली HIV जिन सेल्स को इन्फेक्ट करता है उनका नाम आपको बता रही हूँ, ठीक है। HIV आपकी बॉडी में हेल्प जो है अटैक करता है, उन सेल्स का नाम है टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। और दूसरी जो सेल जिसको वो इन्फेक्ट करता है वो है मैक्रोफेजेस, ठीक है। HIV दो प्रकार की सेल्स को इन्फेक्ट करता है, वो है टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस, ठीक है। टी हेल्पर सेल के पास एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं, ऐसा बना दे रही हूँ मैं, हालांकि एंटीबॉडी जैसा दिख रहा है पर ठीक है, ठीक है। ये एक स्पेशल रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं CD
CD4, ओह शिट, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, अरे यार, CD4 प्लस रिसेप्टर, क्लस्टर डिफरेंशिएशन कहते हैं, पर अभी आपको ये जानना नहीं है। ये जो आपका GP120 होता है, ध्यान सुना, ये जो GP120 होता है ना, ये GP120 किसका, HIV का, ये यहाँ पर इसके CD4 रिसेप्टर पे जुड़ जाता है हेल्पर सेल के और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सो ये आपको समझ में आया कि HIV कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस को। आपकी टी हेल्पर सेल के पास ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, तो GP120 जो है, अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, आगे चले गए, चलो ठीक है, ठीक है, GP120 जो है उस पर घुस जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, हेल्पर सेल मरने लगती है, और हेल्पर सेल की मदद से ही सारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल बन रही, तो वो भी जो है मरना शुरू हो जाती, बनती ही नहीं, वो मरेगी क्या, बन ही नहीं रही है। दूसरी जो सेल जिसको ये इन्फेक्ट कर रही है वो है मैक्रोफेजेस। नॉर्मली टी हेल्पर सेल कमज़ोर सेल है तो आसानी से मर जाती है, मैक्रोफेजेस इतनी आसानी से नहीं मरती। मैक्रोफेजेस को बेटा जी, लल्लो जी, नन्हो जी, मुन्नो जी, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं लग रहा है, आसानी लग रहा है ना। मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं बेटा रिजर्वायर ऑफ HIV। HIV मैक्रोफेजेस के अंदर रेप्लिकेट करता रहता है, मैक्रोफेज बस्ट हो जाती हैं और HIV वायरस बाहर निकल जाते हैं और दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करते। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। आ जाओ देखो क्या बोल रहा है ट्रीटमेंट। पहले डिटेक्शन बात करते हैं। HIV के डिटेक्शन के लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं जिसका जिसका नाम है ELISA। ELISA का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि HIV में इम्यून सिस्टम बहुत डिक्रीज होने लगता है, तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, बोलता है हमको डायरिया हो जाता है, बार बार बुखार हो जाता है, बार बार हमको TB हो गया है, हमको जो है तो कैंसर हो गया है, हमको न्यूमोसिस्टिस कार्नाई का इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए। डॉक्टर बोल रहा है इतने सारे इन्फेक्शन एक ही पर्सन को कैसे हो सकते, तो उसको शक लगा कहीं इसको HIV तो नहीं है, तो उसका ब्लड सैंपल ले गए और उसको लैब में हमने एक टेस्ट लगाया जिसे हम कहते हैं ELISA। ELISA का लल्ला फुल फॉर्म होता है बेटा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब ELISA क्या है वो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, सो स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये जब टेस्ट होता है और किसी को ये पता चलता है कि तुमको HIV है, तो डॉक्टर उसको डिक्लेयर नहीं करता, बोलता अभी पेशेंस रखो, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। और हॉस्पिटल में ना प्रॉपर काउंसलिंग होती है HIV पेशेंट की, कि भैया टेंशन, स्ट्रेस मत लेना कि बचला स्ट्रेस से मर गया, क्योंकि वैसे इम्यून सिस्टम इतना डिक्रीज है। तो उसको बोलते हैं तुम आसानी से शांति से शांत रहो, अपना शांति से काम करो। फिर उसका सैंपल लिया जाता है और उसको एक टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। PCR भी नहीं, मेनली वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से भी अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम ये कहते हैं कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम HIV। और अब आप अपना ध्यान रखिए। सो ELISA इज नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट, ELISA एक प्रिजम्प्टिव टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट जो है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। ड्रग की बात करूं, ठीक है, तो ड्रग जो होती है वो होती है डाई एजोथाइमिडीन, ठीक है, AZT बोलते हैं, या इसी को हम कहते हैं ZIDOVUDINE। दिस इज द ओनली ड्रग जो HIV में दी जाती है, एंटीवायरल ड्रग है। ड्रग HIV को किल नहीं कर सकती, बस कुछ समय के लिए प्रोलॉन्ग कर सकती है लाइफ। क्लियर हो गई बात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपने HIV का रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं, यूज़ करिए कॉन्डम्स का, ठीक है। अगर आप जो है HIV पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो आप खुद HIV का ट्रीटमेंट लीजिए, उसको भी इनकरेज करिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी आप स्टेराइल, मतलब कभी भी आप यूज नीडल इस्तेमाल मत कीजिए, स्टेराइल करिए, और हमेशा सेक्सुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से दूर रहिए। सो इस तरीके से आप HIV से दूर रह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। वर्ल्ड एड्स डे जो है आप 1 दिसंबर को मनाते हैं और उसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये बात आप याद रखिएगा, रेड रिबन रहता है ना उसमें। क्लियर हो गया इतनी बात। अब ये हुआ HIV के बारे में, HIV किससे फैलता है, इसकी हिस्ट्री, इसका लाइफ साइकिल हम सब कुछ सीख चुके हैं, क्लियर है। दिस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जो है, इसमें सबसे भयंकर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से पूरी कहानी का खेल होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कैंसर। कैंसर जो है ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसा कि आपको पता चला। और कैंसर जो होता है ये बेसिकली है क्या चीज़, ये किसी को छूने से फैल नहीं जाता कैंसर, ठीक है। सो कैंसर इज नथिंग, इट इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। हमेशा ये याद रखिएगा जब हम इस टॉपिक को, कैंसर को एक क्या कहते हैं रेगुलर लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा जी, तो ये आपको और क्लियर होगा, ध्यान से समझना।
नॉर्मली सपोज दैट कि ये सेल ऐसे डिवाइड होती चली आ रही है, क्लियर है, ये सेल ऐसे डिवाइड होते चली आ रही है, ये डिवाइड होते जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि सेल यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आ जाएगी। जैसे ही सेल कॉन्टेक्ट में आएगी यहाँ से ये डिवीजन बंद कर देगी, ठीक है, डिवीजन क्या हो जाएगा लल्ला, डिवीजन हो जाएगा स्टॉप। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, क्या कहते हैं बच्चों जी, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, क्लियर है। सो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रोसेस से आपकी सेल आगे डिवाइड नहीं हो पाती। पर कैंसरस जो सेल होती है, अब कैंसरस सेल कैसे होता है, कोई यूवी रेडिएशन आ गया, कोई केमिकल आ गया, कोई रेज आ गई, ठीक है, एक्सरेज आ गई, तो आपकी सेल का जो डीएनए होता है ना वो चेंज हो जाता है। अब सेल जैसे ही कॉन्टेक्ट में आए तो भाड़ में गया, क्योंकि डीएनए तो चेंज हो गया, अब वो भाड़ में गया दुनियादारी, वो इस तरीके से एक मास ऑफ सेल बना लेती है और इसी को हम कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं, ट्यूमर। सो कैंसर इज व्हाट, कैंसर इज नथिंग, इट इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इनटू योर बॉडी। नॉर्मली सेल स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम देयर टू देयर, वंस दे आर इन द कॉन्टेक्ट दे शो द कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, जैसे कॉन्टेक्ट में आएंगे वो बंद हो जाएंगे डिवाइड करना, ये हर नॉर्मल सेल की कहानी होती है। पर अगर आपकी कोई सेल कैंसरस हो गई है तो वो बेटा कॉन्टेक्ट इनहिबिशन ही नहीं शो करती, डिवाइड को ऊपर डिवाइड करना शुरू कर देती है और एक ट्यूमर मास ऑफ सेल बना लेती है। इस तरीके से भी ट्यूमर जनरेट होते हैं, और भी कारण है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो कैंसर इज नथिंग, इट इज द अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, मास ऑफ द सेल बन जाता है, ठीक है। कैंसर जो सेल होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, कौन सी, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसरस सेल के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, ठीक है, और कैंसरस सेल ये कहाँ निकले, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, टीलोमरेज एक्टिविटी, ये सब की वजह से ट्यूमर बनते हैं। जब कैंसर का पूरा लेक्चर मैं पढ़ाऊंगी, बहुत शानदार जो है ये टॉपिक है। एक बात हमेशा याद रखो, बायोलॉजी कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं। मैंने कुछ भी स्लाइड से पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, मुझे सब पता है ये मैकेनिज्म होता है। वंस यू लर्न द मैकेनिज्म बेटा, यू लर्न द थ्योरी, वी आर हियर, आई एम हियर टू टीच यू द कंसेप्ट। एक बार तुम कंसेप्ट सीख जाएगा तो थ्योरी वोरी सब भाड़ में गया, ठीक है, समझ में आ गई बात, सब थ्योरी लिख लेगा, ठीक। अब ट्यूमर जो है ये दो प्रकार का होता है, कैंसर सेल के पास कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, क्लियर है ना। और ट्यूमर्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर। देखो भैया ऐसा है कि तुम्हारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के ट्यूमर है, जैसे मोल्स, मस्से हो गए, तिल हो गए, ये भी ट्यूमर या अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है, पर इससे तुम्हारे बॉडी को कोई लॉस नहीं है, तो ये होते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हड्डी उठी हुई है, मे बी एक प्रकार का ट्यूमर ऑस्टियोब्लास्टोमा, पर इससे किसी दूसरे टिश्यू को कोई लॉस नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी इसके बना, तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, इट इज अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर हमेशा अपनी ही प्लेस में रहते हैं, कभी इधर उधर मूव नहीं करते और किसी दूसरे टिश्यू को खराब नहीं करते हैं, ठीक है, ये हार्मलेस होते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, कि कभी कभी ऐसा होता है, सो दिस इज अ बिनाइन ट्यूमर, ये हमेशा अनकंट्रोल्ड जो सेल रहेंगी ये एक ही जगह पर रहेंगी, लुक एट दिस, अनकंट्रोल्ड सेल जो होंगी ये एक ही जगह पर रहेंगी, स्प्रेड नहीं होंगी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये अनकंट्रोल्ड सेल जो होती हैं ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती, ये आ गई और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में आकर दूसरे दूसरे टिश्यूज में भी जाकर फैलना शुरू हो जाती हैं। इनके पास डिवाइड होने की अपार क्षमता है, दे विल हेल्प, दे विल ब्रेक द रूल्स, देर इज नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, देर इज नो टीलोमरेज एक्टिविटी, क्या है ये बाद में समझेंगे। तो ये जो है हर टिश्यूज में जा जाकर क्या करेंगे, बैठकर डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब भैया है सेल तो इनको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए होगा, हाँ मैम न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा, तो ये क्या करेंगे कि नॉर्मल जो तुम्हारी सेल है ना उनका खाना पीना खाना शुरू कर देंगी और आपकी नॉर्मल सेल जो है वो मरना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, डन हुई इतनी बात। सो एक ऐसा ट्यूमर जो अपनी जगह पर नहीं रहता, वो इधर उधर जो है साइड बाय टिश्यूज को इन्फेक्ट करता रहता है, ये मूव करती है इनकी सेल्स। जब एक जगह पर हो तो आप मैलिग्नेंट ट्यूमर तो हो, पर अभी आप मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हो। वंस योर द सेल्स ऑफ द ट्यूमर स्टार्ट मूविंग इन टू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, एंड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर। इसके बाद आप जो है पेशेंट को बचा पाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। नाउ
कैंसर होता किससे है, कैंसर होने का रीजन किसी को नहीं पता, कई बार हो जाता है आदमी मर जाता है पता नहीं चलता कैसे हुआ। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी रेज के कॉन्टेक्ट में हैं, जैसे कि एक्स रेज हो, आयनाइजिंग रेडिएशन एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज, यूवी यूवाई नहीं है, दिस इज यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेडिएशन और एक्स रेज और गामा रेज, ध्यान से सुनना, यूवी रेडिएशन पहला कौन सा है, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज, ठीक है। ये रेडिएशन आपकी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और आपकी सेल्स के डीएनए को गड़बड़ कर देती हैं और वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू करेगी। केमिकल एजेंट्स जैसे कि शराब हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका टबैको हो गया, टबैको में होते हैं, मतलब टबैको की तो कहने ही क्या, टबैको में तो इतने सारे जो है कार्सिनोजेंस होते हैं कि आप कहने क्या, तब सिगरेट में कितने सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक। तो ये जो कार्सिनोजेंस होते हैं जैसे कि विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पैरों, ठीक है। तो टबैको का स्मोक हो गया, टबैको जो होता है इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये सारे केमिकल्स आपकी सेल को, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करूँ तो अब यहाँ पर ध्यान से आपको समझना जरूरी है। देखो, नॉर्मल अगर कोई सेल है तो उसमें ध्यान से समझना, नॉर्मल आपके सेल में एक जीन होता है जिसको आप कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। जब कोई एजेंट आता है तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन, मतलब अभी आपको कोई सी सेल को कैंसर नहीं है, अगर कोई कैंसरस एजेंट आया तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन गेट कन्वर्टेड इंटू द ऑन्कोजीन। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ऑन्कोजीन में जैसे ही ये हुआ ये कैंसर बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार ये प्रोटो ऑन्कोजीन ऐसा होता है पर कोई वायरस अंदर आ गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। मान लीजिए कि आपकी बॉडी में, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी सेल में कोई वायरस अंदर आ गया, या मान लीजिए बेटा जी कि यहाँ पर कोई वायरस अंदर आ गया। अब इस वायरस के पास कौन सा जीन था? इस वायरस के पास ऑन्कोजीन था, तो अब ये सेल कैसी बन गई? कैंसरस सेल, सीधी बात है, क्लियर है। सो ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होते हैं इनके पास एक ऑन्कोजीन होता है, ठीक है, ऑन्कोजीन जो होता है ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। आइए अब अपन बात करते हैं, अलग अलग जगहों पर कैंसर होता है और उनके आधार पर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि कार्सिनोमा, ठीक है। जितने भी कैंसर आपकी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द कैंसर आपके एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर हैं, ठीक है, एपिथेलियल स्किन का कैंसर, लंग का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, ये ज़्यादातर कैंसर जो होते हैं कार्सिनोमा कहलाते हैं। मैक्सिमम कैंसर आपके बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर होते हैं। सार्कोमा, अगर आपके किसी कनेक्टिव टिश्यू में हो गया है, ठीक है, जैसे कि आपके बोन में कैंसर हो गया है, ठीक है, जैसे आपके कार्टिलेज में कैंसर हो गया, तो ये हो गया आपका दैट कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, ठीक है। माइलोनोमा, ठीक है, अगर आपकी मिलानोसाइट, स्किन की मिलानोसाइट्स में कैंसर हो गया है, अगर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो कर रही है, तो ये मेलानोमा। आपको याद करना है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। कभी कभी आपके बॉडी के ब्लड की WBC अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो कर देती है, WBC में हो गया कुछ म्यूटेशन, WBC पगला गई, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर दी, तो ऐसी बीमारी को या ऐसे कैंसर को ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और बस यही एक बचाव का कारण हो, मतलब बचाव हो सकता है, बाकी कुछ इसका इलाज नहीं होता। लिम्फोमा, अगर आपके लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, इनमें कैंसर हो गया तो लिम्फोमास कहते हैं। सो ऑन द बेसिस की कैंसर कहां पर हो रहा है, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, ऑन द बेसिस की कैंसर कहां पर होता है, हो रहा है, अलग अलग प्रकार के कैंसर्स पाए जाते हैं। लल्ला, ध्यान से आई इतनी बात समझ में? आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक है। कैंसर फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट से फैल सकता है। एक बायोलॉजिकल एजेंट का नाम बता दे रही हूं मैं, ह्यूमन, ह्यूमन लिख लीजिए कॉपी में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ये फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर करता है, ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, सर्वाइकल। अभी इस बोर्ड में थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग चिड़िया की टांग जैसे आ रही, धीरे धीरे आ जाएगी ठीक से, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, चिड़िया की टांग तो मैडम पहले भी आप लिखती थी, क्लियर।
अब ये हो गया, अब आप कैंसर डिटेक्ट कैसे करें कि किसी जगह पर कैंसर हुआ है। सबसे पहला कैंसर डिटेक्ट करने का जो मेथड है बेटा, वो है बायोप्सी। बायोप्सी में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टिश्यू है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्यूमर हो रखा है, आपको लगता है कि यहाँ ट्यूमर हो सकता है, तो उसकी सेल्स को थोड़ा सा स्क्रैच करके, हल्का सा कट लगा के सेल्स लीजिए और वहाँ पर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको अनडिफाइंड पैटर्न माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिखाई देंगे बायोप्सी के बाद, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको आप कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, इफ़ यू आर एग्जामिन द टिश्यू ऑफ द सस्पेक्टेड जगह, ठीक है, मतलब काटो, काट के हाथ मत काट के निकाल लेना कि पता चला कैंसर डिटेक्ट करने गए तो हाथ अलग हो क्या गया, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा टिश्यू निकालिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, आपको कोई अनकंट्रोल्ड मतलब अजीब सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको आप कहते हैं आपकी हिस्टोपैथोलॉजी, आप उसको देख के पता लगा सकते हैं कि जगह पर कैंसर है, ठीक है, ओके। जैसे कि ल्यूकेमिया में हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल में नंबर ऑफ WBC गिनते हैं, अगर अनकंट्रोल्ड WBC का नंबर दिख रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो चलेगा, तो जो है आपको कैंसर हो गया। दूसरी आप कहते हैं रेडियोग्राफी, ठीक है, रेडियोग्राफी और एक होती है MRI, ये दोनों एक जैसी टेक्निक है, इसमें एक राउंड राउंड सी मशीन होती है जिसमें आदमी को अंदर घुसा दिया जाता है। एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं एक्सरेस, ठीक है। मैम अभी आप बोल रही थी कि एक्सरेस से कैंसर होता है, यूवी रेडिएशन से कैंसर होता है, आप बोल रही है उसको डिटेक्शन के लिए, बेटा इट्स ऑल अबाउट द इंटेंसिटी। जिस एक्सरे से आपको कैंसर हो रहा है वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी रेज होती है, और जिस एक्सरे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिटेक्ट करने में कि ट्यूमर हुआ या नहीं, वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है। दूसरा आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, CT स्कैन और MRI। CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में हम जो है पेशेंट को अंदर घुसा देते हैं इस मशीन में, चारों तरफ से एक्सरेज देते हैं और एक 3D इमेज को क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि ट्यूमर है या नहीं। उसके बाद सबसे सेफेस्ट टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैंसर को डिटेक्ट करने की सबसे सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है, तो कैंसर को डिटेक्ट करने की सबसे सेफेस्ट टेक्निक होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके, इसमें कोई एक्सरेस नहीं लेना है और 3D व्यू हम देखते हैं, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ओके। नाउ अब हम जो है ध्यान से देखो, हम जो है जैसे कैंसर हुआ है, ठीक है, मान लो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कैंसर हो गया है, तो ऑब्वियसली उसके शरीर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एंटीबॉडीज भी बनी होगी, तो उसका ब्लड सैंपल लेके बेटा हम एंटीबॉडीज देख लो हुआ है कि नहीं हुआ है, एंटीबॉडीज होंगी तो हम पता लगा लेंगे कि उसको कैंसर है, ठीक है। और बहुत सारे, देखो ध्यान सुनो, एंजेलिना जोली का नाम सुने हो, ठीक है, हाँ मैम सुने हैं, पढ़ाई का नाम बस नहीं सुना है मैम, बाकी पूरे दुनियादारी के जितने फेमस एक्टर एक्ट्रेस है सबका नाम सुने हैं, पढ़ने से कोई लेना देना नहीं हमारा, बाकी दुनियादारी के सारे जो है तो कर्मों से हमारा रिलेशन है मैम, कोई टेंशन नहीं, आप मत लीजिए, बताइए तो एंजेलिना जोली क्या है। एंजेलिना की जोली की जो माँ है उनको ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही, मतलब उनको पता था कि उनके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वही जीन एंजेलिना जोली को भी मिले, तो एंजेलिना जोली ने पहले ही पता लगा लिया कि उनके पास वो जो है बहुत ही कमजोर वाले जीन आए हैं, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, तो उन्होंने पहले से ही ब्रेस्ट टिश्यूज को रिमूव करवा लिया। तो अगर आपके पास कोई ससेप्टेबल जीन है उसको पहले से आप पता लगा लीजिए तो भी आपको पता लगा सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कैंसर होगा या नहीं होगा, या हो सकता है आपको हो गया हो, क्लियर है। सो कैसे कैसे आप पता लगा सकते हैं बेटा जी, बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी के बाद कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI, एक्सरेस, उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और उसके बाद स्पेसिफिक जीन, क्लियर है। अब आते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट पे, क्लियर है, समझ में आ गई बात, कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार के ट्यूमर होते हैं, कैसे फैलता है, ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक एक लाइन, एक एक शब्द वन शॉट रिवीजन में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट समहाउ आई एम मैनेजिंग इट, सो यू हैव टू गिव इट, मतलब यू हैव टू रीड प्रॉपरली एंड गिव मी सम रिस्पेक्ट कि हाँ मैम आपने कंप्लीट कराया, हम आपके साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि कैसे, सबसे पहले जो है किसी का ट्रीटमेंट कराना है तो रेडिएशन थेरेपी, हाई इंटेंसिटी की रेज जो होती हैं वो ट्यूमर के ऊपर फेंकी जाती है जिससे ट्यूमर टूट जाता है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब होता ये है, ध्यान समझिए, कि रेडिएशन जो थेरेपी होती है ये सबसे अच्छी होती है, इससे आजू बाजू का टिश्यू जो है वो डैमेज नहीं होता, ठीक। उसके बाद होता है आपका केमिकल, ठीक है, केमिकल जो होता है, ठीक है, विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टिन, ये दो नेचुरल ऐसे केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल हम कैंसर को मारने के लिए करते हैं जिससे आसपास की सेल्स डैमेज नहीं होती, पर नॉर्मली हम इतना यूज़, मतलब इतना इंतज़ार नहीं करते और डॉक्टर जो केमिकल देता है उसको यूज़ करवा देते हैं।
अब जो भी केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट को दे रहे हैं, वो जनरली उन सेल्स को किल करने के लिए दिया जा रहा है जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होती है। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ। बहुत सारे केमिकल्स जो नेचुरल, मैंने तो दो आपको बताए वो तो नेचुरल थे, पर बहुत सारे केमिकल्स कैंसर पेशेंट्स को दिए जाते हैं ताकि उसकी जो फास्ट ग्रोइंग एबनॉर्मल सेल्स हैं वो मर सके, ठीक। पर बेटा आपके शरीर में ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी का मक्खन मलाई जो है क्लियर कर दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन आपको क्लियर हो गई है, अब नहीं हुई है ना, आप एनसीईआरटी पढ़ के देखना। तो इस केमिकल से आपके वो वाले सेल्स भी मर जाते हैं जो नॉर्मली फास्ट ग्रोइंग है, जैसे हेयर्स के, नेल्स के। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी आरबीसीज, इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन जो पेशेंट जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है उनके बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, यही कारण है, ठीक। उसके बाद हम इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, हम पेशेंट को इम्यून मॉडिफायर्स देते हैं। क्या देते हैं बेटा, इम्यून मॉडिफायर्स देते हैं। इम्यून मॉडिफायर्स में हम उसको देते क्या है ये भी लिखवा देती हूँ। हम देते हैं उसको बेस एनालॉग्स। क्या होता है मैम ये बेस एनालॉग्स, क्या होता है बेस एनालॉग्स? मतलब है जैसे मान लो कि डीएनए बनाने के लिए हमें बेस चाहिए, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर चाहिए साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, क्लियर। ये अगर आपका डीएनए बन रहा है मतलब वो कैंसर सेल्स बनेगी, पर हमने कुछ ऐसे बेस एनालॉग डाल दिए कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो एडेनिन, ग्वानिन जो है ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ गया, साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ गया, और यहाँ पर आ गया ए टी कुछ और आ गया मान लो, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे बाहर से बॉडी को बेसिस दे दिए जिससे कैंसर सेल वाला जो डीएनए है वो सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही प्रकार का डीएनए बन गया। अब वो कैंसर जो है कैंसर सेल ही नहीं रहेगा, तो डिवाइड कैसे करेगी? तो इसे कहते हैं हम इम्यून मॉडिफायर्स या बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग से हम कैंसर के डीएनए को बनाने की प्रोसेस को इंटरप्ट कर देते हैं कि भैया तू ऐसा सीक्वेंस चल रहा था, हमने तेरे को एक्स्ट्रा बाहर से दे दिया, अब तू बना नहीं सकता, क्लियर है। सो हार्मोन थेरेपी से हो क्या, कैसे अपन ये किया डन है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसे, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक, क्लियर है। सो वी हैव डन दिस पार्ट। अब आती हूँ इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पे, ठीक है, समझ में आई बात। नॉर्मली ड्रग्स का इस्तेमाल, ध्यान सुनिए, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नॉर्मली ड्रग्स का इस्तेमाल किस में किया जाता है? मैम मेनली ड्रग्स का इस्तेमाल बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, पर कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि इन ड्रग्स की आदत आपको लग सकती है, ठीक है, और हम लोग एक्सट्रीम तरीके से इस ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं और इसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स होता क्या है? ड्रग्स वो चीज़ है जो आपके नर्वस सिस्टम को ऑल्टर करे और आपको शांत रखे, ठीक है, समझ में आई बात। अब ड्रग्स जो आपके नर्वस सिस्टम को ऑल्टर करे, इनको हम साइकोट्रॉपिक ड्रग या मूड ऑल्टरिंग ड्रग या न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं, आई डोंट नो ये क्यों लिखा, ठीक है, समझ में आई बात। क्या कहा मैंने कि ड्रग्स जो आपके मूड को ऑल्टर करे, इनको हम साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हो ना, आप मूड ऑल्टर कर रहे हो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको बड़ा मजा आएगा। हेल्थ एंड डिजीज कवर हो गया, आपको समझ में नहीं आया, मक्खन की तरह अपन चले, ठीक है। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि कैसी होती है, जो आपके मूड के साथ खेले, समझ में आ रही बात, कैसे खेले आपके मूड के साथ खेले, ठीक है। ये ड्रग्स जो होती हैं आपकी फीलिंग्स को चेंज कर देती है, आप बहुत दुखी हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज कर देते हैं। आपका ब्रेकअप हो गया है, लड़की आपको छोड़ के चली गई है, कोई टेंशन नहीं है, मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स ले लेते हैं। पर लड़की तो छोड़ के चली गई थी, एक दिन दो दिन तक आप मिली, तीसरे दिन तक तो लड़की ने दूसरा लड़का ढूंढ लिया, पर आप उसी के जो है तो गम में, बेजान दिल को मेरे इश्क ने जो है तो धोखा दिया, ये वाले मूड पे हैं, और एक्चुअली आप उस लड़की से दुखी नहीं है, अब आपको तीन दिन के बाद इस ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। उसके बाद ये मिलते कहाँ से हैं वाले ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कुछ फ्लावर से, कुछ प्लांट से मिलते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ड्रग्स जो होते हैं इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। नॉर्मली जो ड्रग अब्यूज करते हैं वो होते हैं ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। इन तीनों कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेसेंट्स के बारे में। ध्यान से सुनना तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। डिप्रेसेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि
कुछ भगवान कुछ समझ में नहीं आता, हमसे होता ही नहीं है, हम क्या करें मैम, हम समझ, तो आपने एक डिप्रेशन ड्रग लेना शुरू कर दिया। डिप्रेशन का मतलब यह नहीं कि इसको पीने के बाद जो है आप डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन का मतलब यह है कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है, शांत। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है सेडेटिव, एक होता है ट्रैंक्यूलाइजर। सेडेटिव्स का मतलब ये होता है, सेडेटिव्स का मतलब होता है सोना, ठीक है भैया जो है तो देखो एक मेरे ना, मैं आपको बताती हूँ, ये वो वाला सोना नहीं है, सोना सोना तू, ठीक है ये वाला नहीं, ठीक। मेरे बाजू में एक आंटी रहती थी, तो जनरली उनका आदत क्या था पता तुमको, कि जब वो जागती थी, ठीक, अच्छी बड़ी आईआईटी की पढ़ी हुई थी यार, तुम समझो, जब वो जाए, अच्छी ऑफिसर की वाइफ थी वो, जब वो दुकान में जाए तो उनकी अजीब सी आदत थी कि चोरियां करती थी, अजीबोगरीब थी, कपड़े धोती थी तो बाथरूम में टंगे रहते, कभी सुखाती नहीं थी, ठीक है, और पॉटी कभी अजीब घर के सामने करके आ जाती थी किसी के, तो बड़ी अजीब आदत थी। तो उनको ना उनका डॉक्टर जो है, साइकेट्रिस्ट जो उनका था, उनको एक सेडेटिव देता था, जैसे तुम सो ही रहो, ठीक है, आतंक मचाओगे उठ के तो तुम सो जाओ, ठीक है, जैसे कि बारबिट्यूरेट जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं उसमें उनको, उनमें बारबिट्यूरेट्स नाम का केमिकल होगा, उनको बारबिट्यूरिक एसिड केमिकल होगा, बारबिट्यूरेट्स कहते हैं उनको हम, ये स्लीपिंग पिल्स होती हैं, ये आपको शांत करके सुला देती हैं, ठीक है, सो गए तो दिमाग चलेगा नहीं। एक होते हैं ट्रैंक्यूलाइजर्स, ठीक है, जैसे वेलियम एक बहुत ही फेमस ट्रैंक्यूलाइजर्स है, ठीक है, जिसमें बेंजोडाइजापाइन्स होते हैं। ट्रैंक्यूलाइजर्स खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी पर आपका दिमाग शांत रहेगा, क्लियर है। सो ये हो गए आपके डिप्रेसेंट के अंदर सेडेटिव्स और ट्रैंक्यूलाइजर। सेडेटिव्स आपको नींद आएगी और ट्रैंक्यूलाइजर्स आपको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ओपीएम नारकोटिक्स, ठीक है, ओपीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइए ओपीएम के बारे में आपको पढ़ाती हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको ओपीएम का मैं पौधा दिखाती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको देखना ज़रूरी है। अब बेटा इसका प्लांट देख लेते हैं क्या है, देखो ये है आपका पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ओपीएम पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओपीएम का प्लांट जो होता है वो है आपका पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम, क्लियर, ये इसका प्लांट है, ठीक। जब इसके आप पॉड से क्या निकालते हैं, लेटेक्स, क्या निकालते हैं पॉड से बच्चों जी, लेटेक्स, क्रूड एकदम लेटेक्स, अभी कुछ नहीं किया आपने, ठीक है, आपने इससे क्या निकाला, लेटेक्स निकाला, ठीक, तो उसको आप कहते हैं ओपीएम, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको रिफाइन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रिफाइन कर लेंगे, तो इसे आप कहते हैं मॉर्फीन, क्या कहते हैं बच्चों, मॉर्फीन। मॉर्फीन को हम लोग सर्जरी में एज अ पेन रिलीवर की तरह देते हैं, एनाल्जेसिक की तरह देते हैं, दर्द ठीक होता है, ठीक। फिर इसी का जब आप डाई एसिटाइलेशन कर देंगे, तो ये बन जाता है फिर हीरोइन, क्या बन जाता है, हीरोइन, ठीक है, ला 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 ला, मैं हीरोइन हूँ, ठीक, ये बन जाता है हीरोइन, ठीक है, इसी को हम स्मैक भी कहते हैं, क्लियर है, इसको डाइएसाइल मॉर्फिन भी कहते हैं, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, ओपीएम जो है ये कहाँ से निकलता है, अफगानिस्तान से, जितना भी टेररिस्ट लोग हैं उनको फंडिंग इसी पौधे की वजह से मिलती है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो आप ऐसा बोलो कि एक हीरोइन थी जो अफगानिस्तान में डांस करने गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील होने लगा, तो ओपीएम जो होता है ये बेसिकली एक प्रकार का डिप्रेसेंट है, समझ में आई बात, ओपीएम क्या है, एक प्रकार का डिप्रेसेंट है। तो एक हीरोइन थी अफगानिस्तान नाचने गई, उसको डिप्रेशन फील होने लगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात, आइए इसके बारे में आगे और डिस्कस करते हैं। कहाँ गया स्लाइड ही चेंज नहीं हुई इसके, आ जाओ। सो ध्यान से देखो, अब आपको ये बात, एक और चीज़ बताती हूँ कि काम कैसे करते हैं, ठीक। मैम आपने ये बोला, देखो आपको पता है कि ओपीएम के जो रिसेप्टर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर बेटा, ओपियोइड रिसेप्टर। अब ये ओपियोइड रिसेप्टर आपके शरीर में दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक प्रेजेंट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन में, और दूसरे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में। मैम अभी आप ये बोल रही थी कि ये ड्रग्स हमें लेनी नहीं चाहिए, अब बोल रही हो कि हमारे शरीर में इन दोनों के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा चक्कर क्या है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे उनको ना
इसका असर नहीं होता था। किसका असर नहीं होता था, मतलब दर्द का एहसास नहीं होता था, मतलब बड़े ही वो रहते थे, उनको कोई असर नहीं होता था। पता है तपस्या के दौरान मेडिटेशन से वो अपने शरीर में कुछ मॉर्फीन जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट कर लेते थे, उत्पन्न कर लेते थे। ये मॉर्फीन जैसा सब्सटेंस CNS में जाकर लग जाता था, क्योंकि रिसेप्टर है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में लग जाता था और सब चीज़ों को सप्रेस कर देता था, तो उनको किसी चीज़ का असर ही नहीं होता था। इसलिए प्रेजेंट होता ही है कि अगर आपके शरीर में नेचुरल वाला प्रोड्यूस हुआ तो हम उसको बाइंड कर लेंगे और आपको जो है तो किसी चीज़ से किसी चीज़ का असर आपके ऊपर नहीं होगा। मैम तो अब इसको अपन खाते हैं तो अपन क्या है इसे? बेटा इसको आप अब्यूज कर रहे हो, उसको जनरली हमको लेना नहीं चाहिए, इसको तो आप अब्यूज कर, मेडिटेशन करके ये काम करो ना, ठीक है? ये करते क्या है, ये एनाल्जेसिक और डिप्रेशन की तरह यूज होते हैं, ये आपकी बॉडी को स्लो कर देता है, आपका बीपी, आपका रेस्पिरेशन रेट, ये सब कुछ, ठीक है? अब ये मिलते कहाँ से हैं? नॉर्मली आपको पॉपी प्लांट से जो ओपियम मिल रहा है वो ड्राइड होता है, लेटेक्स उसका यूज़ करते हैं आप, ठीक है? ये देखो पॉपी प्लांट का कैप्सूल यूज़ करते हैं, उसको तार निकाल के इसका लेटेक्स निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप इसको प्यूरीफाई करेंगे तो मॉर्फीन बनेगा। मॉर्फीन जो होता है ये सेडेटिव होता है, एनाल्जेसिक और सेडेटिव। सेडेटिव से क्या आती है, आपको स्लीप, ठीक है? तो दर्द और स्लीप करने के लिए मतलब स्लो करेगा, आपको नींद आने लगेगी, ठीक है? सेडेटिव स्लीप करेगा, एनाल्जेसिक दर्द में, मतलब सर्जरीज में मॉर्फीन का इस्तेमाल बहुत होता है। ब्राउन शुगर, इस मॉर्फीन में अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिला दें, ठीक है, तो ये मॉडिफाइड है, डेरिवेटिव्स हैं, कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा मिला देते हैं तो ब्राउन शुगर बनता है। उसके बाद हेरोइन, अगर आप मॉर्फीन को मॉडिफाई करके उसमें डाइएसाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो बन जाता है हेरोइन, जिसे हम स्मैक में भी कहते हैं। सबसे डेंजरस अगर कुछ चीज़ है तो वो हेरोइन ही है, हेरोइन सबसे डेंजरस होती है। और जनरली इसको है कैसे लिया जाता है, इसको इंजेक्शन के थ्रू या स्नॉर्टिंग के थ्रू लिया जाता है। स्नॉर्टिंग मतलब ऐसे, मतलब तुम्हें मैं सिखा नहीं रही हूँ बेटा कि ड्रग्स ऐसे लेना है, और NCERT भी इतने डिटेल से बात करती मैं क्या करूँ, पढ़ाना पड़ता है, तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT, पर इसको लिया कैसे जाता है ये बता देती हूँ। स्नॉर्टिंग का मतलब जैसे यहाँ पर ये पाउडर टाइप का होता है, ऐसे ले लिया और फिर नाक से खींच लेते हैं इसको, ठीक है? सिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ इसका मतलब क्या। और इसको इंजेक्शंस के थ्रू भी लिया जा सकता है, क्लियर है? ये कैसा है, बहुत मोस्ट डेंजरस होता है, वाइट होता है, अडरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में, नीट में भी और स्कूल में पूछा जा सकता है। कोडीन, ये भी एक ओपियम का डेरिवेटिव है जो कफ सिरप में दिया जाता है, इसीलिए ज़्यादा कफ सिरप को भी लोग नशे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, क्लियर है? ये हुए आपके कुछ डिप्रेसेंट्स, ठीक है? डिप्रेसेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा ओपियम और दूसरा डिप्रेसेंट के अंदर हमने पढ़े सेडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है? जिसमें हमने पढ़ा बारबिट्यूरेट्स, ठीक है, बारबिट्यूरेट जिसमें बारबिट्यूरिक एसिड, स्लीपिंग पिल्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात, चलिए। अच्छा ये वाला जो है देखो, बेंजोडिएज़ेपाइन्स, ठीक है, आप लोगों ने वो गाना सुना है, सजना है मुझे सज, तो सुरमा उरमा लगाते रहते। तो पहले की औरतें बेंजोडिएज़ेपाइन्स को जो है इसको क्या करती थी ना, इसको लोग, नॉट औरतें नहीं, इसको स्टूडेंट्स अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये स्लीप नहीं होने देता, आपको नींद नहीं आने देता, तो ये वाला जो क्या करते हैं, आपको पढ़ाई के समय क्या करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है और आपको टेंशन कम करता है और आपको नींद नहीं आने देता, तो स्टूडेंट्स इसको अब्यूज़ करने लगते हैं आपके बेंजोडिएज़ेपाइन्स को, क्लियर है? तो सबसे पहले हमने कौन सी कैटेगरी पढ़ी, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट से ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इसमें दो प्रकार की पढ़ी, सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर। सेडेटिव जो आपके स्लीप को इंड्यूस करेगा, ट्रैंक्विलाइजर स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगा पर आपको शांत करेगा। फिर इसी के अंदर डिप्रेसेंट के अंदर हमने पढ़ा ओपियम, ओपियम के हमने तीन डेरिवेटिव्स पढ़े, मॉर्फीन, हीरोइन और कोडीन, ठीक है, आप दो याद रखेंगे चलेगा, डिप्रेसेंट ही है ये। अब हम कैटेगरी में अगला आते हैं, डिप्रेसेंट डन, अब हम बात करेंगे स्टिमुलेंट्स की, ठीक है? कुछ जो आपके ड्रग्स होते हैं जो स्टिमुलेंट आपको जगा के रखते हैं, जैसे कि मम्मियाँ कॉफ़ी पीती हैं, चाय पीती हैं, उसमें बहुत ही कम कैफीन है पर फिर भी उसका एडिक्शन शरीर में हो जाता है, जो आपको जगा के रखता है, नहीं पीती, हाय हाय मैंने आज चाय नहीं पी, हाय हाय मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। सो बेसिकली ये भी एक प्रकार का एडिक्शन ही है, ठीक है? तो ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके रखते हैं। इसके अंदर कोकेन, कोकेन भी जैसे कि आपने डिप्रेशन के अंदर ओपियम अलग से पढ़ा, वैसे कोकेन आपको अलग से पढ़ाऊंगी मैं। कैफीन इसके अंदर आता है, एम्फेटामाइन्स इसके अंदर आता है, ये सिंथेटिक स्टिमुलेंट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एम्फेटामाइन्स जो होते हैं, देखो ध्यान से, स्टिमुलेंट्स आपको जगा के रखता है, तो अगर किसी को बहुत दूर तक भागना है तो एम्फेटामाइन्स के इंजेक्शन लगा लें। और ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है? और बेटा इससे जो है एथलीट्स को एनर्जी मिलती है, तो डोप टेस्ट जो होता है वो इसी के लिए कराया जाता है, क्लियर है?
आइए अब अपन बात करते हैं कोका। ये एक कोका कोला तो नहीं, ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का स्टिमुलेंट है बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने वो कौन सी सीरीज है यार, पाब्लो एस्कोबार के बारे में सुना होगा, ठीक है। साउथ जब अमेरिका में, ठीक है ध्यान से सुनना, अमेरिका में एक, साउथ अमेरिका में एक प्लांट उगाया जाता है जिसको कहते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। कौन सा प्लांट उगाया जाता है बेटा, इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। इरिथ्रोजाइलम कोका जो होता है इसमें क्या होता है, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके, बड़े सुंदर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में इस प्लांट से एक चीज निकाली गई, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया जिसे कहा गया कोका एल्केलॉइड, कोकेन, कोक और क्रैक। फिर इसको बाद इसका नाम कोका कोला का, कोका कोला नाम इसी से पड़ा है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कोक में मिला दिया गया, फिर लोगों ने इसको पिया तो लोगों को बड़ा मजा आया, लोग इसके एडिक्ट होने लगे। बाद में समझ में आया कि लोग पागल हो जाएंगे, इसलिए बैन किया गया। और फिर अमेरिका में जो है वो उसकी जगह पर कोक की जगह पर, कोकेन की जगह पर कैफीन मिलाने लगे। पर पाब्लो एस्कोबार माना नहीं, और उसने पूरे इंडिया बोल रही पूरे वर्ल्ड में इसका वो क्या किया, क्या नाम है, सर्कुलेट किया, अमेरिका में भिजवाया, ठीक है, और स्मगलर बना। फिर कुत्ते की मौत मारा गया, भाई तुम ऐसे काम करोगे तो कुत्ते की मौत तो मारे जाओगे। कोकेन जो होता है ये इंटरफेयर करता है डोपामिन ट्रांसपोर्टर पे, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगी, ध्यान से समझना। क्या मेरे पास, हाँ है मेरे पास ब्लैंक स्लाइड, आ जाओ देखो ध्यान से देखना, ठीक है। आपके पास वैसे न्यूरॉन्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है। अब आपके न्यूरॉन के, जो न्यूरॉन होता है एंड पर, ठीक है ध्यान से समझिएगा, आपके पास बहुत ही स्पेशल टाइप के न्यूरॉन होते हैं जिनको आप कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। इन न्यूरॉन के एंड पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है, ये देखो ये, जिनको हम कहते हैं डोपामाइन रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं बच्चों, डोपामाइन रिसेप्टर्स, क्लियर है, समझ में आई बात। अब समझना होता क्या है, क्या करते हैं, होता ये है कि जब आपके मम्मी लोग आपको प्रेज करते, वाह बेटा मेरे संतान तू बहुत जो है नंबर लेके आया है, क्या करूं मैं, तो ये जो आपके यहाँ पर डोपामीन भरा हुआ होता है, ये डोपामीन आपके यहाँ पर रिलीज होता है, ये ब्लड में जाता है और आपको यूफोरिया फील कराता है। क्या फील कराता है, यूफोरिया। यूफोरिया क्या होती है बच्चों, हैप्पीनेस। मैं कुछ भी अलग से नहीं बता रही हूँ कि मैम ये क्या क्या पढ़ाया जा रही हूँ, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया, मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ाया बेटा, है ना। आपकी बॉडी में कुछ अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आपको कोई प्रेस कर देता है तो आपकी छाती ऐसा हो जाता है। अब आपके न्यूरॉन से डोपामिन रिलीज हो रहा है और ये ब्लड में पूरे बॉडी में जाता है, आपको खुश मिलते हैं। बाद में जब इसका यूज़ हो जाता है तो ये डोपामिन वापस से इन न्यूरॉन्स के अंदर चले जाते हैं। पर अगर आपने बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, अगर आपने क्या ले लिया है यार, ये पेन ही सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने क्या ले रखा है, अगर मैम हमने ले रखा है कोकेन, तो ये जो डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये कोकेन इन डोपामाइन रिसेप्टर्स में बाइंड हो जाएगा और डोपामीन को अंदर जाने ही नहीं देगा। और डोपामीन अगर अंदर नहीं जाने देगा तो आपको परसिस्टेंट हैप्पीनेस फील होती रहेगी, परसिस्टेंट हैप्पीनेस फील होती रहेगी, और यही कोकेन का असर होता है, समझ में आई बात। तो वो डोपामीन को ना न्यूरॉन्स के अंदर जाने ही नहीं देता, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हैप्पीनेस आपको लगता रहता है, वाह खुश रहते हैं हमेशा, ठीक है। और कोकेन लेने के बाद इसको कैसे ले जाता है, स्नॉर्टिंग ऐसे करके, ठीक है, और ये आपको हमेशा कंटिन्यूसली एनर्जेटिक और यूफोरिया फील कराता है। अगर इसका एक्सेसिव, वैसे ये हेलुसिनोजन नहीं है, पर अगर आप इसका एक्सेसिव डोज लोगे तो इससे आपको हेलुसिनेशंस भी होने लगेंगे, थ्री डायमेंशन व्यू दिखने लगेगा आपको, क्लियर है, डन हो गया कोका एल्केलॉइड, ठीक। तो भैया याद रखो कहाँ कहाँ पर ओपीएम कहाँ उग गया है, अफगानिस्तान। कोका कहाँ उगाया गया, साउथ अमेरिका। अब आते हैं सबसे पोटेंट हेलुसिनोजेंस पे, ठीक है, जिसका नाम है कैनाबिनोइड्स, ठीक है। सबसे पोटेंट हेलुसिनोजन यही है, ठीक है, सबसे पोटेंट कैनाबिनिस सटाइवा, जिसको हम कहते हैं भांग, इंडिया में आया भांग, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे हमने सबसे
खतरनाक स्टिमुलेंट में, डिप्रेसेंट में ओपियम पढ़ा, फिर स्टिमुलेंट में हमने पढ़ा कोका, ठीक है, उसमें हमने एम्फिटामाइंस के बारे में पढ़ा, फिर अगर जो है हमने इसमें पढ़ा क्या नाम से, अब हम पढ़ रहे हैं एलुसिनोजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैनाबिनॉइड। इसको हम कहते हैं भांग। भांग के रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। भांग जो होता है वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं आप, सिगरेट के थ्रू ले सकते हैं, खाने के थ्रू ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। कैनाबिनस सटाइवा एक ऐसा पौधा है जिसका हर चीज़ यूज़ करते हो आप। जैसे अगर आपको भांग खाना है, भांग के पकौड़े खाने, भांग का लड्डू खाना, भांग की ठंडाई पीनी, तो आप पत्ते इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हेम्प फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, इसके रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे चरस, ठीक है, चरस जो होता है ये क्या होता है, चरस इसका रेजिन होता है, मतलब उसके पत्तों को घिसते जाते तो उससे रेजिन निकलता है, फिर उसको इकट्ठा करके फिर उसको स्मोक किया जाता है। जैसे कि गांजा, ठीक है, गांजा क्या होता है, इसका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। चरस को हम हैशीज भी कहते हैं। मैरुआना क्या होता है, इसकी ड्राइड लीव्स होती हैं जिसको हम स्मोक करते हैं। तो ये सब इसके ड्राई जो है, इसका कैनाबिनस सटाइवा भांग के पौधे का हर चीज़ इस्तेमाल आप करते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इन्फ्लोरेसेंस यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज गांजा, रेजिन यूज़ कर रहे हैं चरस, अगर उसके लीव्स ड्राइड लीव्स यूज़ कर रहे हैं मैरुआना, क्लियर है। ये करता क्या है, ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करता है, ठीक है, और ये आपको ना 3D व्यूज दिखाता है, 3D व्यूज, भयंकर वाला जो है ये एक हेलुसिनोजन है, क्लियर है, भयंकर वाला। और होली में मैंने खा लिया था, सब उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था मुझे, क्लियर, ये वाली नहीं, बहुत पहले की होली थी, ठीक है, समझ में आ गई बात, डन हो गया इतनी बात। हेलुसिनोजन जो होते हैं ये आपको आपके थॉट्स जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपके परसेप्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कैनाबिनॉइड एक है, और एक होता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइन, ये भी एक पोटेंट हेलुसिनोजन है और बहुत खतरनाक भी होता है। आपके NCERT में दो और दिए हैं, एट्रोपा बेलोडोना में एक केमिकल होता है जिसका नाम है एट्रोपिन। अब ये वाली कहानी सुनाती हूँ, ठीक है, एट्रोपा बेलेडोना, आपने वो गाना सुना है, ये एट्रोपा का ही प्लांट है, ठीक है, धतूरा का तो आपने प्लांट देखा होगा, काटे काटे वाले वो होते हैं उसके पॉड्स। सो एट्रो सजना है मुझे सजना के लिए, तो लोग पहले एट्रोपिन लगाते थे, ठीक है, तो आंखें उससे बड़ी बड़ी रहती थी, इसमें आंखें बंद नहीं होती है, ठीक है, इसमें नींद नहीं आती है, तो लोग इसको एट्रोपा बेलेडोना को पहले सूरमे में लगाते थे, बाद में पता चला कि खतरनाक नशे हो जाते हैं इससे। धतूरा, ये इसके बारे में आप जानते हैं, इसको भी खा लो तो लोग कहते हैं पागल हो जाते हैं, तो पागल नहीं हो जाता है, एक्चुअली ये हेलुसिनोजन्स बहुत भयंकर दिखाने लगता है। जो चीज़ मतलब बेसिकली हेलुसिनोजन का मतलब समझते हैं, यू कैन बेटा हियर द कलर, आप कलर को सुनने लगते हैं, एंड सी द साउंड, आप साउंड को देखने लगते हैं और कलर को सुनने लगते हैं, मतलब इतना भयंकर होता है, हेलुसिनोजन्स खतरनाक हैं इसमें, क्लियर है, समझ में आ गई बात, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज द एल्कोहलिज्म। शराब जो है बड़ी ही खतरनाक होती है, ठीक है, शराब कम अमाउंट में पिया जाए तो ठीक है, वैसे कम अमाउंट में कोई पी कहाँ पाता, ज़्यादा ही पीते हैं लोग, ठीक है, पगलाए रहते हैं लोग। बिवरेजेस, ठीक है, बिवरेजेस वो होते हैं जैसे वाइन, बियर, टॉडी, ठीक है, टॉडी जो है ताड़ी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसमें 5-15% एल्कोहल होता है, ठीक है, ये ज़्यादा नशे वाली नहीं होती, ठीक। उसके बाद आते हैं स्पिरिट, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, ठीक है, अरैक, ये सब जो होते हैं इसमें 50% एल्कोहल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शराब पीने से आप एल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है इफेक्ट बताओ मुझे, शराब जी, एक तो पहले आप ढंग से बोल नहीं पाएंगे, ढंग से बिहेव नहीं कर पाएंगे, ढंग से चल नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा ढंग से, आपको उल्टी आएगी, आपका जो है आपको हेडेक होगा, आपको बहुत समय तक, देखो ऐसा है कि आपका जो अल्कोहल का शुगर होता है वो लीवर पे जाके फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है, तो सिरोसिस हो सकता है, लीवर आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स ख़राब हो सकते हैं, और आपका खाना पीना सब बंद भी हो सकता है, ठीक है। आपको डिजीज़ क्या क्या हो सकती है, हाई BP हो सकता है, गैस्ट्राइटिस, पैंक्राइटिस, अल्सर हो सकता है, आपको जो है आपके नेक्रोस्पर्मिया, आपके स्पर्म खराब हो सकते हैं, आपकी सेक्सुअल ड्राइव, आपका जीवन खराब हो सकता है, ठीक है। आपको फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, अगर कोई फीमेल अगर वो प्रेग्नेंट है और जो है एल्कोहल पीती है तो उसका डिफेक्ट जो है, ठीक है, आपकी जो एम्ब्रियो है वो खराब हो सकता है, इसको हम कहते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। और भैया शराब पीने से तो लोग कहते हैं कि इस लड़के शादी मत करना, बहुत शराबी है ये, तो फैमिली प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं, ठीक है। अगर आप
अल्कोहल लेते हैं तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जजमेंट नहीं कर पाते। मतलब आपको लगता है कि यहाँ है पर ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके पास ही हो, जज नहीं कर पाते। आपको टनल विजन दिखता है, आपको आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है और आपका बिहेवियर भी खत्म होता है, ठीक है। मतलब बिहेवियर सोशली तो आपका कुछ बचा ही नहीं है ना, शराबी हैं आप। तो आप डी एल्कोहलिज्म करना चाहते हैं तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, कंसल्ट करिए डॉक्टर के पास जाके, मैं कैसे छोड़ूं। आप सोशल ट्रीटमेंट लिए, आप दोस्तों का सहारा लीजिए। अब तुम शराबी दोस्तों के साथ बैठोगे तो शराबी ही बनोगे यार, सीधी बात है। सोशल ट्रीटमेंट लीजिए और बिहेवियरल ट्रीटमेंट लीजिए। अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं जो हमको देखना चाहिए। इसके विड्रॉल सिम्टम भी बहुत खतरनाक होते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद आती है टोबैको। टोबैको जो होता है ये जनरली खा के लिया जाता है, ठीक है। आपको पता है कोकेन के भी, मुझे एक चीज़ याद आई कि पहले जो है जो ट्राइब्स जो थे साउथ अमेरिका के, वो कोकेन को चबा लेते थे उसकी पत्तियों को, ठीक है, पर उतना नशा नहीं होता था, ठीक है। इसको हम चबाते हैं या इसको सिगरेट के फॉर्म में लेते हैं। इनके अंदर होता है निकोटीन, ये एक एल्कलॉइड होता है जो कि आपके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है एड्रेनलिन निकालने के लिए, जिससे आपका बीपी और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया तो आपको अच्छा फील होता रहता है। पर अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा बेटा, लंग कैंसर, ठीक है। आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ब्रोंकियोस आपके फूल जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होने लगेगा, आपको इम्फाइसीमा होगा, सांस ढंग से नहीं आएगी, आपको गैस्ट्रिक अल्सर होने लगेंगे, ठीक है। अब ये याद रखिए कि स्मोकिंग के अंदर तो इतने सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, इतने सारे मतलब 180 से भी ज़्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं, और बेसिकली ये आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग को घटा देते हैं। बच्चों समझना बात को, मतलब मैं बताऊं कि स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, समझना बात को। आपका जो स्मोक है ना उसके अंदर इतने सारे कार्सिनोजन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आप स्मोक करते जा रहे हैं रुक ही नहीं रहे, मानते हैं चेन स्मोकर्स को देखिए, तो लंग कैंसर होना ही है, क्योंकि उसका जो टार करे बहुत बीमार, वो लंग्स के अंदर जम जाता है, इसको निचोड़ने से निकलता है कप टार, तो टार क्या है, वो कार्सिनोजन ही है। तो सिगरेट पीने से या जो है स्मोक करने से आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो घट गया, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बढ़ गया, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है खतरनाक, इट कॉज O2 डेफिशिएंसी, मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ, क्लियर है, ठीक। और O2 नहीं मिलेगा तो आपको दम घुटेगा। नाउ अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस की। चलिए ये एक बहुत, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ओके, डिपेंडेंस रिस्क ऑफ द अब्यूज, ठीक है, आखिरी आ गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एडोलेसेंस क्या होता है, ठीक है, एडोलेसेंस का मतलब ये होता है कि टीनेज आ गई है, ठीक है, मतलब आपका चाइल्ड जो है वो मैच्योर हो गया है, ठीक है, और अब उसकी बारी है कि एक्टिवली वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करे। ये एज होती है 12 से 18 साल में, और ये बहुत ही वल्नरेबल फेज होती है, यहाँ पर मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जनरली एडोलेसेंट वाली एज ही ये सब में क्यों पड़ती है, क्योंकि उसको जानना है कि कैसा लगता है करने के बाद, और ज़्यादातर जो नस्सू लोग होते हैं वो यही एज के लोग हो जाते हैं, क्लियर है। उनको एडवेंचर लगता है, एक बार दारू पी के देख लेते हैं, एक सिगरेट पी के देख लेते हैं, ड्रग्स लेके देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। वो अपनी जो है अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, डर लग रहा है, तो एस्केपिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, या वो इसलिए भी कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि एम्फेटामाइंस को अब्यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि एकेडमिक्स में अच्छा करना है, ठीक है, और टेलीविजन मूवी में ट्रेंड चल रहा है इसलिए हम करके देखते हैं, ठीक है। और ऐसा है भी, क्योंकि आप मूवीज़ में इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे लोग कहते हैं कि वो ट्रेंड में है तो हम कर लेते हैं। लोग शराब पीना, सिगरेट पीना इसको अपना फैशन समझने लगे हैं यार, बट ये बहुत ही गलत है, ठीक है। अपने फैमिली का के द्वारा प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली धीरे धीरे करके ये होती है एडोलेसेंस, और ये एज बड़ी खतरनाक होती है, और धीरे धीरे करके वो एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट क्या होता है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, सात वजह है दारू पीनी है, ये होता है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। आपको ये लगता है मतलब मुझे जीवन में अगर कोई चीज़ खुशी दे सकती, लोगों को लगता है तो सिगरेट है, वो शराब है, तो ये टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बींग, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसी को आप एडिक्शन कहने लगते हैं, ठीक है। रिपीटेड यूज़ अगर आप इसको कर रहे हैं, ध्यान से समझना, आपको पता है कि वैसे जिस दिन आप पहले, ऐसा होता है कि मान लो कि किसी दिन आपने जो है सिर्फ 30 ml शराब पी, आपको नशा हुआ, धीरे धीरे करके रजिस्टिविटी वाले जो रिसेप्टर होते हैं, मतलब अच्छा 30 ml पिया तो असर हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्कोहल को रजिस्ट करने वाले रिसेप्टर इंक्रीज हो गए, आप 60 ml पी हो गए तो भी असर नहीं होगा, धीरे धीरे करके ये डोज बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि एक आध लीटर आप एक दिन में पिए तो भी कोई असर ना हो, धीरे धीरे मर जाओगे आप, डिपेंडेंस, ठीक है।
अब क्या होता है, डिपेंडेंस का मतलब यह है कि हम उसके जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, तो किसी तरीके से हमें उसे हटाना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने के दौरान आपको होते हैं सिम्टम्स, समझ में आई बात? पहले आपको समझ में आया जी, कम डोज में पहले आपके बॉडी में गेन करने वाले रिसेप्टर नहीं थे अल्कोहल को, समय के साथ आपकी बॉडी में अल्कोहल को गेन करने वाले रिसेप्टर बढ़े, तो आप ज़्यादा डोज पे अब आपकी बॉडी में नशा हुआ, धीरे धीरे करके रिसेप्टर बढ़ेंगे तो आपके शराब का डोज भी बढ़ेगा। अब इसको छोड़ना है, ठीक है, आप उसके एडिक्ट हो चुके हैं, डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो छोड़ना है। छोड़ोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम, आपको घबराहट लगेगी, हाथ कांप पाएंगे, आपको पसीना लगेगा, नौशिया फील होगा, ठीक है, और आपको सोशल एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पर कुछ भी हो भैया, अपने को छोड़ना तो है ही ना, ठीक है। अब अगर ये छोड़ना, ये होते हैं विड्रॉल सिम्टम, आप बोल नहीं पाएंगे, आप घबराएंगे, आपको रातों में पसीना आने लगेगा, उठ के चिल्लाएंगे, कपकपाएंगे, दौड़ेंगे, सर मारेंगे, दिस इज अ विड्रॉल सिम्टम, ठीक है। क्या क्या हो सकता है ये तो आप कहने, क्या कैंसर हो सकता है, ठीक है। आप नशे में रहेंगे तो पॉटी कर दिए, पता चला पैंट में, सूसू कर दिए पैंट में, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरता जाएगा, हो सकता है कि ड्रग्स और, अच्छा आपको पता है ड्रग्स और अल्कोहल दोनों लोग दोनों जब एक साथ ले लिए जाते तो डेथ भी हो जाती है, क्लियर है। फिर उसके बाद आप कोमा में चले जा सकते हैं, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब आप जो है आइसोलेट कर रहना पसंद करने लगेंगे, आपका रिलेशनशिप सबसे खराब हो जाएगा, आपकी हॉबीज़ में आपका इंटरेस्ट घटने लगेगा और आपके स्लीप साइकिल, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको जो है डिजीजेज होने लगेगी, जैसे हेपेटाइटिस, नर्वस, आपका लीवर खराब होने लगेगा, प्रेग्नेंट वुमेन में फीटल डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, आपने देखा, ठीक है। और इस तरीके से आपका बिहेवियर, आपका एग्रेसिव बिहेवियर होने लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसका भी अब्यूज़ होता है, मतलब स्टेरॉइड्स, मतलब फीमेल्स को बॉडी अच्छी दिखानी है, ये सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसका अब्यूज़ करते हैं, तो आपकी फीमेल जो है उनका लड़का जैसे बॉडी बनने लगेगा, मूड स्विंग, डिप्रेशन होने लगेगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मतलब लड़कों जैसे होने चाहिए, लड़कों जैसी आवाज़ आने लगेगी, ज़्यादा लड़कों जैसे एग्रेसिव बिहेवियर, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट होने लगेगा। तो अगर आप जो है स्टेरॉइड्स को अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि जनरली करते हैं, बॉडी बिल्डर्स वगैरह बहुत लेते हैं, उनको जबरदस्ती की बॉडीज दिखानी होती तो उसको अब्यूज़ करते हैं, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर लड़का अब्यूज़ करता है तो सेम चीज़ उसको भी हो सकती है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस हो सकती है, उस लड़के में फीमेल के कैरेक्टर आ सकते हैं, फीमेल में लड़की के कैरेक्टर आ सकते, फीमेल में लड़के के और लड़के में लड़की के कैरेक्टर हो सकते हैं, टेस्टिस छोटा हो गया, स्पर्म डिक्रीज हो गए, ब्रेस्ट इनलार्ज हो गया, बाल्डनेस हो गई, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, डन हुआ इतना, आपकी ग्रोथ कम हो सकती है, क्लियर। अब इसको हम जो है कैसे कंट्रोल करें, दिस इज द लास्ट टॉपिक। सबसे पहले देखो, ये एक बहुत ही डिस्कशन वाला टॉपिक है, ये समझिए। सबसे पहले ये सोचना बच्चों छोड़ दीजिए कि आपके ऊपर किसी का प्रेशर है, दुनिया में किसी का प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होता, जिसको जो करना है वो करता ही है, तो अवॉइड, छोड़ो इसको, जाने दो। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त किसी नशे में इन्वॉल्व है तो उसको आप प्रॉपरली काउंसलिंग के लिए लेकर जाइए। हमेशा आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से मदद मांगिए, नशेड़ी दोस्तों से मदद मत मांग लेने लगना, ठीक है। आप अगर लग रहा है कि देखो, सबसे ज़्यादा सुइसाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नशे के बाद ही होते हैं, सुइसाइडल जो टेंडेंसी जनरेट होती है उसी के बाद होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त नशे में लिप्त है और ये कुछ ऐसा कर सकता है, उनके घर वालों को बताइए, मेडिकल हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि हर जो है किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना, ये नहीं कि वो पागल हो चुका है, बहुत एडिक्ट है, वो बात करना चाहता है, मैं कैसे छोड़ूं, ठीक है, और डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आई नो लास्ट के टॉपिक थोड़े फास्ट गए, ठीक है, पर आपको ये चीज़ें तो आप खुद भी लिख सकते हैं ना कि अल्कोहल को छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता। आप देखो, जब भी हम कोई मूवीज़ देखते हैं तो जनरली हम ये सीख जाते हैं कि कैसे सिगरेट पीना है, कैसे शराब पीना है, कैसे पार्टी जाना है, पर आप ये क्यों नहीं सीखते कि जब उसी मूवी में रिहैब में किसी को भेजा जाता है, जैसे संजू मूवी आपने देखी होगी, तो संजय दत्त का किरदार जो रणबीर कपूर ने निभाया है, विड्रॉल सिम्टम्स देखे आपने, आपने वो नहीं सीखा। विड्रॉल सिम्टम्स आर मोर डेंजरस, बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं, कई बार तो विड्रॉल सिम्टम में लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन और किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंस बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। आपको एडिक्शन पढ़ाई का हो चलेगा, ठीक है, पर एडिक्शन किसी ऐसी चीज़ का मत करिए जिसको छोड़ने पर आपको तकलीफ हो,
समझ में आई बात? हमने अलग अलग प्रकार के ड्रग्स पढ़े और उनके डेरिवेटिव्स पढ़े। ऐसा होगा ही नहीं कि आपके एग्जाम में सवाल ना आए, सवाल तो आएगा ही। सो इस वन शॉट वीडियो में हमने आपकी एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान लिया, उसको परखच्चे उड़ा दिए। वन शॉट इज एवरीथिंग, मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल गया। आई नो मेरे बच्चों थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि वन शॉट है बेटा। जब इसी को आप वन लेक्चर में पढ़ोगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतने आनंद की अनुभूति होगी कि आप सोच ही नहीं सकते। मतलब ट्रिमेंडस मार्वलस स्पेक्टेकुलर फील होगा आपको, ठीक है। इंडिया में बायोलॉजी पढ़ने के लिए, बायोलॉजी लोगों को बताओ, शिप्रा मैम से पढ़ो, शेयर करो वीडियोस को और मज़े करो यार, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बस मैं ही चाहती हूँ। YouTube में मैं अपने सेशंस रिकॉर्डेड देती इसलिए हूँ ताकि हर बच्चे तक पहुँच सके, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या बोला, कि इंसान सिर्फ अपनी खुद मदद कर सकता है। मैं कितना भी आपको पढ़ा लूँ कि ये नशे नहीं करने, पर तुम खुद हो जो तुम अपनी हेल्प कर सकते हो। द फर्स्ट पर्सन यू हैव टू लीड एज योर सेल्फ। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बेटा सिवाय तुम्हारे, ठीक है। ये आखिरी में चैप्टर क्लास 12th में दिया ही इसलिए गया है क्योंकि इसी के बाद लोग जो है डेविएट हो जाते हैं। इंटरेस्ट आता है कि ये करेंगे तो कैसा लगेगा। ये अपने को नहीं करना है, मेरी संतान ने हो ना, ये कभी मत करना है। आई होप यू लर्न एंड एन्जॉय द वन शॉट वीडियो ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज। वन शॉट में हमने सब कुछ कंप्लीट किया, इसमें हर लेवल भी कंप्लीट किया, इवन नीट तक के लेवल में हम जाकर पढ़ चुके हैं। मिलती हूँ किसी अमेजिंग लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।